Good evening, all of you. So sorry for the yesterday because of some technical issue. So I got disconnected and we are not able to continue our environment all national park session. So डोंट वरी, आज हम उसको कवर करेंगे. कल कवर नहीं हो पाया था, सो सॉरी फॉर दैट. एंड जो कल बाकी थे पूरे नेशनल पार्क, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे. एंड आज इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर मैराथन सेशन, यस, हो जाएगा. मतलब आज जितने भी बाकी है, हमारे जितने भी स्टेट्स बाकी है, तो वो आज हम कवर अप कर लेंगे. तो कल के लेक्चर में कहाँ तक हमने कवर किया था? यस, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट? यस, लास्ट लेक्चर, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट कि कहाँ तक हमने देखा था? देखो, कौन से स्टेट हमने कवर किए थे कल? सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड लद्दाख, जम्मू कश्मीर, देन आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश, बराबर है? देन नेक्स्ट हमने देखा था उत्तराखंड, ओके, देन उत्तर प्रदेश, हरियाणा. पंजाब में तो कोई नेशनल पार्क नहीं आता, इसलिए पंजाब हमने कट कर दिया था वहाँ पे. हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, आसाम भी हमने कंप्लीट किया था ना कल, बराबर है? आसाम में देखा था हमने मॉन्ग डी, याद है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉन्ग डी देखा था ना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा एंड डिब्रूसाइको. सो वो कल के हमने कवर अप किए थे, राइट? एंड आफ्टर दैट अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हमने कल देखे थे. कौन से थे वो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसपे दोनों पे भी क्वेश्चन आके गए? सो अरुणाचल प्रदेश में दो आते हैं, एक आएगा नॉर्थ की तरफ, थोड़ा सा आएगा माउलिंग, एंड सेकेंड इज द, यस, ईस्ट की तरफ आएगा, दैट इज द नामधापा. ओके, नामधापा. तो ये हमने कल कवर किया था, राइट? यस, राइट ना, बराबर है. उसके बाद हमने मिजोरम भी देखा था, शायद मिजोरम कवर किया था. और मिजोरम में दो देखे थे हमने, सो दैट इज द मुरलेन एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन. ओके, पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, राइट? यस. और आई थिंक शायद बस मणिपुर बचा था और नागालैंड बचा है. एंड मेघालय भी हमने कवर किया था, मेघालय में दो आते हैं. सो मेघालय में कौन से दो देखे थे हमने? यस, सो दैट इज द बालपाखरम, यस, बालपाखरम एंड यस नोकरिक, है ना? सो ये दो देखे थे हमने कल, के बालपाखरम एंड नोकरिक, चलेगा. तो कल हमने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट भी कवर कर लिया, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया. तो अब अभी हमारा बचा है लाइक राजस्थान, यूपी, बहुत सारा पार्ट बचा, राइट? तो इतना जो भी पार्ट है आज हम कवर करते हैं, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार. सो ये पूरे नेशनल पार्क आज हम कवर करेंगे, जो हाईलाइट किया मैंने पार्ट. तो ये बचा हुआ हमारा कुछ पार्ट है, तो आज हम कंप्लीट कवर कर लेते हैं, ठीक है? यस यस, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. सो दैट इज द, कल हमने जो लास्ट देखा था मिजोरम, मुरलेन एंड पांगपुई जो देखा था, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अभी. एंड सो नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, राइट? क्वेश्चंस हमारे कवर करने बाकी थे. सो एवरीवन इज रेडी फॉर द क्वेश्चंस? नोकरेक हमने देखा था कल, गारो हिल्स में आएगा ना? यस, ये तो सही था. लोकटेक, लोकटक जो है तो बरेल रेंज, वो रॉन्ग था. नामधापा हमने जो देखा था, डाफला हिल्स, तो वो भी यहाँ पे रॉन्ग होगा बिकॉज डाफला और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो ये हमने कल क्वेश्चन कवर किए थे. एंड कोरोलिव्स भी हमने देखा था कि कोरोलिव्स सिर्फ तीन लोकेशन पे यहाँ पे दिखेंगे, मतलब ऑप्शन में से सुंदरबन वहाँ पे हमने कट कर दिया था. तो ये भी हमारा कल लास्ट में कवर हुआ था ये पार्ट. एंड नेक्स्ट इज द स्वैम्प, ये भी हमने केवलादेव घाना के बारे में देखा था, सॉरी केबुल लामजाओ के बारे में हमने देखा था. सो दैट इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क. आफ्टर दैट ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट टू आर्टिक, ये भी हमने कल क्वेश्चन देखा था. क्या आंसर था इसका? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सो दैट इज द, यस, नामधापा, है ना? तो नामधापा में पैलियार्टिक, पैलियार्टिक प्लस इंडो मलायन, है ना? इंडो मलायन रियाम, ये दोनों भी रियाम मिलता है. एंड सेकेंड है कि यहाँ पे यस टेम्परेट भी मिलेगा, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा, या जिसको कोपेन, कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको हाईलैंड क्लाइमेट कहा जाता है. ओके, एच ऐसे देते हैं हम, कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. एच मतलब क्या होता है कि जो हाईलैंड क्लाइमेट होता है, कि जहाँ पे आपको नीचे जाओगे, जितना फुटहिल्स पे जाओगे तो ट्रॉपिकल मिलेगा, उसके बाद सब ट्रॉपिकल मिलेगा, उसके बाद सम डेसिडियस मिलेगा, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद अल्पाइन, ऐसे अलग अलग आपको, यस, हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट में, मतलब जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा होती है माउंटेन्स की, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के आपको डिफरेंट फॉरेस्ट एक ही लोकेशन पे मिल सकता है. ओके, सो ऐसा जो फीचर है वो है नामधापा का, ठीक है? तो कल हमने वो भी कवर किया था. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल.
इन इट्स नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे मिल सकता है? सो देखो इसका आंसर क्या होगा। पहले कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो हमने कल पार्ट कवर किया था, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। एक चार पांच क्वेश्चन कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द अगेन स्टार्ट विद द नेशनल पार्क, रिमेनिंग नेशनल पार्क। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं? फास्ट, यस फास्ट एवरी वन, यस आंसर इज द यस वेस्टर्न घाट। अभी हॉर्नबिल्स जो होते हैं तो जहाँ पे याद रखना, कभी भी हॉर्नबिल्स कहाँ पे मिलेगा आपको? फॉरेस्टेड एरिया में। ओके हॉर्नबिल्स कहाँ पे मिलते हैं? फॉरेस्टेड एरिया में, ठीक है। सो सैंड डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गिब्बी होते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं। ओके तो गिब्बी आ जाएगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द सैंड डेजर्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हायर हिमालयज ऑफ जम्मू कश्मीर, सो वहाँ पे भी नहीं, बिकॉज इतना भी अल्टीट्यूड नहीं चाहिए कि जितने जिसमें वो मतलब एक फॉरेस्टेड नहीं है ना वो पार्ट, समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा बहुत ही हाई हायर हिमालयस दिया है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे इतने अल्टीट्यूड पे इतने लो टेम्परेचर पे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट मार्चेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, सो यहाँ पे भी नहीं रहेगी बिकॉज इनको फॉरेस्टेड एरिया चाहिए, और एज यू नो दैट कि रन ऑफ कच्छ कम्प्लीटली काइंड ऑफ बैरन रीजन है। मिल भी सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गिब भी मिलेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी कट गया यहाँ से ऑप्शन से, तो योर बेस्ट ऑप्शन इज द वेस्टर्न घाट। तो याद रखना हॉर्नबिल इंडिया में ऐसे नाइन काइंड ऑफ स्पीसीज आती है हॉर्नबिल्स की, टोटल नाइन काइंड ऑफ स्पीसीज, 4 + 4 + 1, याद रखो ये फॉर्मूला है ना। तो वेस्टर्न घाट में कुछ 4 स्पीसीज मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है उनके, मलबार सीवेट पाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे याद रखने की जरूरत नहीं, लोकेशन याद रखो। 9 स्पीसीज मिलते हैं, उसमें से 4 मिलेगी वेस्टर्न घाट में, 4 मिलती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो पखुई हमने कल देखा था। किसके नियरेस्ट आता है पखुई? पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल में आता है वो किसके नियरेस्ट है? पखुई किसके नियरेस्ट आता है? कल ही हमने देखा था पखुई या पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो उसके नियरेस्ट आसाम का कौन सा नेशनल पार्क है? उसके नियरेस्ट आसाम का कौन सा नेशनल पार्क है? फास्ट एवरीवन बताओ, आसाम का कौन सा नेशनल पार्क नियरेस्ट आता है पक्के टाइगर रिजर्व के? पक्के जो कि पक्के टाइगर रिजर्व, पखुई टाइगर रिजर्व इज वेरी फेमस फॉर हॉर्नबिल्स ऑल्सो। वेरी नाइस वरुण, चिराग, मृणाली, एवरीवन, वेरी नाइस। सो दैट इज द नमेरी। ओके सो नमेरी के पास आता है, राइट? तो हमने वो कल देखा था नमेरी का पार्ट। तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट में नमेरी हो या पक्के हो, सो इनका बहुत ही फेमस है हॉर्नबिल्स के लिए, है ना, ये हॉर्नबिल्स के लिए बहुत फेमस रहेगी। तो ये हो गया सेकेंड लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन वेस्टर्न घाट, सेकेंड लोकेशन नॉर्थ ईस्ट, एंड थर्ड इज द अंदमान निकोबार। ओके थर्ड इज द अंदमान निकोबार, कि जहाँ पे आपको नारकोंडम जो आइलैंड एक्सटिंट वोल्केनो जिसको हम इंडिया का बोल सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अंदमान जो है तो उसके एग्जैक्टली ईस्ट में मिल जाएगा आपको मैप में, ठीक है। सो दैट इज द नारकोंडम। ओके सो नारकोंडम ये एक जो पार्ट आता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एक स्पीसीज वहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। सो इंडिया में तीन लोकेशन में हॉर्नबिल्स में थे, याद रखना, फिर से मैं बताता हूँ, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंदमान निकोबार। बस ये तीन भी अगर याद रख लिए तो भी आप लॉजिकली ये क्वेश्चन राइट कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बींग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? मतलब मैप बेस्ड भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, एंड बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया बेस्ड भी क्वेश्चन है। सो व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस? कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट को मर्ज करने वाला ये पॉइंट हो सकता है। ओके सो दैट इज लाइक दिस पॉइंट, है ना। तो अभी इतना हिंट तो मैंने दे दिया है, बताओ चलो क्या आंसर होगा इसका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, सब क्वेश्चन जो है 2016 से लेके 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब। देखो नेशनल पार्क पे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ रहा होगा अभी, है ना, ऑलरेडी चार पांच क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सो द आंसर इज द फास्ट एवरीवन, क्या आंसर होगा? सो सम सेज सी, सम सेज डी। ओके नल्ला मल्ला तो देखो एलिमिनेशन ट्राई करो ना, नल्ला मल्ला तो बहुत ऊपर की तरफ आता है आंध्र प्रदेश में, अभी आज तो हम ये देखने वाले, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो याद रखना सेशलम है ना, तो मतलब नल्ला मल्ला तो कट्टी हो जाएगा बिकॉज वो आंध्र प्रदेश में अंदर की तरफ आता है। ओके सो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? ये सत्यमंगलम, राइट? तो सत्यमंगलम यहाँ पे एग्जैक्टली नीलगिरी के पार्ट में आता है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए था, बट नीलगिरी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये सत्यमंगलम इज द बेस्ट आंसर, ओके। बिकॉज बिकॉज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से पार्ट आते हैं, नगर होल होगा, मुद्दुमलाई, वायनाड, ओके, देन आफ्टर दैट यस साइलेंट वैली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सत्यमंगलम का अगर आप लोकेशन देखोगे तो मोर टूवर्ड द सेंटर आता है। अगर यहाँ पे बांदीपुर होता, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बांदीपुर होता तो बांदीपुर आपका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए था, बिकॉज बांदीपुर एग्जैक्टली सेंटर में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है यूपीएससी में भी, मतलब कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है तो कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है बिकॉज देखो नल्ला मल्ला तो इजिली हम एलिमिनेट कर देंगे, बट सत्यमंगलम, नगर होल एंड शेषचलम, शेषचलम भी आप कट कर सकते हो, बिकॉज शेषचलम भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टूवर्ड ईस्ट आता है, तो उसको कट कर दो, बिकॉज शेषचलम जो रेंजेस है तो वो तमिलनाडु की तरफ आती है। ठीक है, तो उसको भी कट कर दिया, तो बस सत्यमंगलम एंड नगर होल जो है तो वो पार्ट बचता है जो कि आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो देखेंगे हम आज ये देखने वाले, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी तक हमने ये पार्ट कवर नहीं किया, जब हम कवर करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, चलेगा। सो नेक्स्ट देखो, ट्राई करो, बाकी जस्ट एक क्वेश्चन हम अप्रोच रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। देखो एक भी क्वेश्चन स्पीसीज पे नहीं है, समझ पा रहे हो, बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन आपको स्पीसीज पे मिलता है, और जो भी आप लोग पूरा अप्रोच रखते हो तो आप पूरा स्पीसीज पे ध्यान देके रखते हो, ओके। तो बस आपका अप्रोच में जगह पे ला रहा हूँ कि स्पीसीज से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होता है आईयूसीएन लिस्टिंग, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, स्पीसीज पे भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अप्रोच आपका एक बार पहले अच्छे से कर लो, तो आईयूसीएन एंड स्पीसीज से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लोकेशन बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है, इसलिए मैंने इसके बाद जो आपको पीपीटी दिखेगी तो उसमें मोस्टली थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट रखा है। ठीक है, तो लोकेशन एंड यस दैट इज द एनालिसिस बेसिस पे रखा है क्वेश्चन जो यूपीएससी के होते हैं वो, ओके। सो नाउ यस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फास्ट। रिसेंटली देर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। देखो तो वही है कि आपका करंट से कितना टच है, ये कौन सा भी क्वेश्चन, आपको जितने भी हमने क्वेश्चन देखे उसमें से एक भी क्वेश्चन शंकराय से हिट नहीं होता है, अगेन वो भी एक माइंड से निकालो, हार्डली शंकराय से 2 से 3 क्वेश्चन हिट होते हैं आउट ऑफ 23-24 क्वेश्चन ऑफ एंटायर एनवायरमेंट। सो प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन द शंकराय यू, बिकॉज एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो ये करंट अफेयर्स, ये कंप्लीटली करंट अफेयर्स है, जब करंट में होती है वो न्यूज़ तो तब हमें वो रेफर करनी होती है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट 100+ स्कोर इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, सो यू मस्ट हैव टू क्लियर योर अप्रोच, ओके। सो जो कि 23-24 क्वेश्चन है तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स रिलेटेड आता है, ओके। सो चलो इसका आंसर बताओ, चलो फास्ट। यस दैट इज द कूनो पालमपुर, राइट। कूनो पालमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो एमपी में आती है, सो जो कि बाघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड का जो रीजन है उसके वेस्ट में, ओके, या राजस्थान के भी इसमें देखोगे तो ये कूनो पालमपुर है। एंड रिसेंटली क्या हुआ था कि जो अफ्रीकन चिताज है तो वो भी यहाँ पे लाने के लिए, मतलब यहाँ पे इनका कंजर्वेशन करने के लिए चल रहा था, मतलब डिस्कशन हो रहा था, बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन अफ्रीका से जो भी हमने चीता लाए तो वो मैसूर जू पार्क में हमने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज 1952 के बाद हमने सक्सेसफुली अफ्रीका से, नामीबिया से अफ्रीकन जो चीताजे वो लाए थे, बिकॉज इंडिया में 1952 में जो चीताजे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, राइट। और उसके बाद हमने इनको इंट्रोड्यूस करने का सक्सेसफुल मतलब हुआ वो, बट इशू क्या है कि ड्यू टू सम कोविड लाइक सिचुएशन या अदर भी कुछ इश्यूज थे तो इस वजह से अभी वो कूनो पालमपुर में नहीं हुआ शिफ्ट, बट इसके पहले भी ऐसा कोई शिफ्टिंग हुआ है कि यस डेफिनेटली हुआ है, एंड दैट इज़ द गिर फॉरेस्ट से लेके कूनो पालमपुर तक, ओके। सो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब इसके प्रीवियसली भी ऐसा कुछ हुआ था तो, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ओके। तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो अभी सेम क्वेश्चन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये रहेगा क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे बायोस्फीयर दे दिया और उसके कौन से पार्ट है, कौन से नेशनल पार्क एंड कौन से सेंचुरीज पार्ट है उसके, फर्स्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2019, सो व्हाट शुड बी द आंसर। यस थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया ना, हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही गया एक्चुअली, ठीक है। अब भी मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन हाईलाइट, आंसर तो हाईलाइट हो चुका है, बराबर है, चलो। एनीवेज एनीवेज ठीक है, देखेंगे हम आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे देखते हैं आपको, ठीक है। सो आंसर इज यस दैट इज अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, राइट।
तो अगस्त मलाई मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा कि आपका नीलगिरी एंड हो जाता है, पालघाट गैप लगेगा, उसके बाद अन्नमलाई रेंज है, और अन्नमलाई जो रेंज आती है तो उसमें ही आपको मिल जाएगा अगस्त मलाई बायस प्रिजर्व। ओके, और अगस्त मलाई में आप देखोगे सो दैट इज़ द नेयार पेपारा शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, के एम टी आर। ओके, सो दिस फोर आर द पार्ट्स ऑफ अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब जबकि ये मुदुमलाई दिख रहा है, सत्यमंगलम है, वायनाड है, ये सब किसके हैं? एनबीआर के पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट आते हैं, साइलेंट वैली वन ऑल्सो। ओके, देन उसके बाद ये कावल श्री वेंकटेश्वरा, ये तो आंध्र प्रदेश के पार्ट है, और इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज आंध्र प्रदेश और नीलगिरी का कोई रिलेशन ही नहीं आता, आंध्र प्रदेश बहुत ऊपर की तरफ है, सो वो तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो? मतलब एलिमिनेशन से भी आप ट्राई कर सकते हो, और पापीकोंडा भी देखो आंध्र प्रदेश में आता है, तो वो भी कट गया, बिकॉज अगस्त मलाई हमें चाहिए कहाँ पे? सो वो चाहिए हमें केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे, सबसे नीचे की तरफ, और वो बेस्ट ऑप्शन देता है आपको नेयार पेपारा शेंदुरुनी, एक ही बच जाते हैं, मतलब इवन यू कैन ट्राई विद द एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। तो देखो ये पूरा साउथ की तरफ है, ये रहेगा केरला एंड ये है तमिलनाडु, तो पूरा साउथ की तरफ है, और आंध्र प्रदेश और इसका कोई कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश बहुत ऊपर की तरफ है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो याद रखना शेंदुरुनी, पेपारा, नेयार एंड के एम टी आर, सो दीज आर द पार्ट ऑफ ए बी आर, अगस्त मलाई बायस प्रिजर्व। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर आता है पालघाट गैप, ओके, दैट इज द पालघाट गैप इज देयर, पलक्कड़ गैप इज देयर, एंड इसके बाद फिर ऊपर आएगा एन बी आर। सो देखो यूपीएससी का फेवरेट एरिया, लास्ट 3 साल से कंजिकेटिवली इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एन बी आर मतलब नीलगिरी बायस प्रिजर्व, देन अगस्त मलाई बायस प्रिजर्व, एंड इस बार 20 में भी फिर से क्वेश्चन था कि कावेरी कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, जो कि जो भी उन्होंने ऑप्शन दिए थे वो पूरे नीलगिरी बायस प्रिजर्व के पार्ट थे। तो 3 साल से कंजिक्यूटिवली, 18 का क्वेश्चन हो, 19 का हो, या 20 का, 3 साल से कंजिक्यूटिवली ये एरिया पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसमें परफेक्शन रखो, और आज भी हम ये कवर करेंगे आने वाले सेशन, मतलब आगे हम इसको कवर करने ही वाले हैं, तो बहुत डिटेलिंग, बहुत बेस्ट लेवल पे आपका हो जाएगा, मतलब इसमें कोई कभी क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, बस थोड़ा लेक्चर पेशेंसली देखो, ठीक है, चलेगा। तो कल हमने ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट कवर किया था, बस एक दो स्टेट बाकी थे नॉर्थ ईस्ट के, तो वो देख लेते हैं, एंड देन वी विल एंटर टू द सेंट्रल इंडिया। ओके, तो उसके बाद हम सेंट्रल इंडिया में एंटर करते हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब जो भी स्टेट है वो देखेंगे हम, है ना। सो देखते हैं, सो नागालैंड, सो नागालैंड बाकी था हमारा, सो नागालैंड देख लो इंटांकी आता है, तो नागालैंड में यहाँ पे एक ही आ जाएगा नेशनल पार्क, दैट इज द इंटांकी, सो प्लीज़ नोट दैट इंटांकी। ओके, इंटांकी ये एक ही आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस स्टेट पता चल गया तो भी बहुत है, ठीक है। ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट की तरफ आसाम आता है, साउथ की तरफ मणिपुर है। ओके, सो इंटांकी अगर देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ आता है ना, तो बहुत नीचे की तरफ है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यहाँ पे दिख जाएगा आपको इंटांकी, कोहिमा से साउथ की तरफ, कोहिमा से भी साउथ की तरफ है इंटांकी नेशनल पार्क, सो दिस द नेशनल पार्क। यस, अंडरस्टूड, लोकेशन समझ गया सबको, दिख रहा है इंटांकी एक ही नेशनल पार्क आता है, नागालैंड में ओनली वन नेशनल पार्क इज देयर। सो नेक्स्ट देखो, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो बस पेरेन का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ आ जाएगा हुलॉक गिबन। यस, नाउ फाइन एवरी वन, ओके, सॉरी एक्चुअली आई डोंट नो, देर वॉज सम इशू, यस नाउ फाइन नाउ, ठीक है, ठीक, सो आप ठीक है, यस, ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। सो अगेन कम बैक टू आवर पॉइंट, सो देखो तो जैसे मैंने बताया था कि देखो स्पीसीज पे क्वेश्चन है, 2011-12 से देखोगे तो इवन 2020 तक है ना, तो स्पीसीज पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आते, इवन आईयूसीएन लिस्टिंग पे क्वेश्चन नहीं होता है, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू गो थ्रू एवरी, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको हुलॉक गिबन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम, तो इसको हम तभी पढ़ेंगे जो मेरा मैगजीन है, एज यू नो दैट, सो मंथली जो मैगजीन्स है मेरे, ओके, सो दैट इज द हिंदू न्यूज़ कवरेज, है ना, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, द हिंदू न्यूज़ कवरेज, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो उसमें आपको समझ आएगा कि करंट में कौन चल रहा है, तो ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हॉर्नबिल्स यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, ठीक है, तो हॉर्नबिल्स अगर करंट में है तभी पढ़ना है उसको। अभी ये इसको कैसे, मतलब पूरे साल का हम कैसे देख सकते हैं, ओके, सो
पूरे साल का हॉर्न मतलब ऑलरेडी मैंने मंथली मैगजीन सबको प्रोवाइड करके दिए, या फिर आप अनएकेडमी के स्पेशल ऐप पे भी देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस में आप देख सकते हो जहाँ पे हम ये सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो मंथली जो कवरेज है तो उसमें आपको करंट क्या होता है, मतलब सिर्फ एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो वो समझ जाएगा। सो जिससे आपके ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चन एनवायरमेंट के एश्योर्डली कवर हो गए, जो कि मतलब प्रीलिम्स का डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, यस यस। सो वो मैगजीन्स कहाँ से आप ले सकते हो, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैट। सो बस आप स्पेशल क्लासेस फॉलो करो जो अनएकेडमी पे होते हैं, स्पेशल क्लासेस वो फॉलो करना, आपको मंथली द हिंदू का कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो बस स्पेशल क्लासेस फॉलो करो, वहाँ पे आपको जब लेक्चर होता है मंथली मैगजीन्स का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द हिंदू में जितने भी न्यूज़ आए थे एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वो कवर करते रहते हैं। ठीक है, यस यस अंडरस्टूड। यस वन क्वेश्चन, बट यस वो क्वेश्चन भी कहाँ होगा, यस ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हॉर्नबिल पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट वो करंट अफेयर्स से होता है। ओके, आप अगर हर स्पीसीज निकालते बैठोगे चिराग, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, इतने सारे स्पीसीज है, आप हर स्पीसीज पढ़ना मतलब वो अननेसेसरी क्या है कि इतने सारे मतलब पूरे ओशन में वो कुछ ना कुछ ढूंढने जैसा हो जाएगा, राइट? तो वैसा अप्रोच नहीं रखना है, पढ़ना है हमें। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सम पर्टिकुलर पार्ट पे ही ज़्यादातर सम पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे फोकस करता है, बराबर है? तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा अप्रोच के साथ ही जाना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो देखते हैं। सो त्रिपुरा, नेक्स्ट इज द त्रिपुरा। चलो, तो एक ही यहाँ पे नेशनल पार्क है इंटांगकी नागालैंड में, और नेक्स्ट अभी देखते हैं त्रिपुरा में। सो त्रिपुरा में दो आते हैं, सो दैट इज क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क। ओके, सो यहाँ पे दो आ जाएंगे, देखो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क एंड यहाँ पे आसपास में उसके बाइसन राजबाड़ी आ जाएगा, है ना? तो त्रिपुरा पता है ना सबको कहाँ पे एग्जैक्टली? सो हियर इज द त्रिपुरा, मोस्टली सराउंडेड बाय बांग्लादेश, इट्स मोस्टली सराउंडेड बाय बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा। ओके, अब त्रिपुरा में देखोगे तो थोड़ा वेस्ट की साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगी, दोनों भी जो है क्लाउडेड लियोपर्ड हो या बाइसन राजबाड़ी। सो देर आर ओनली टू नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। ओके, सो फर्स्ट देख लो बाइसन, ये बाइसन्स होते हैं, इंडियन गौर भी इनको कहा जाता है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज इंडियन गौर। एंड फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट सर्वे, सॉरी दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने फर्स्ट टाइम इनका मतलब सेंसस किया था अभी कुछ कुछ लास्ट ईयर ही दिसंबर के आसपास, और ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था कि ZSI के थ्रू रिसेंटली इंडियन गौर जो है तो उनका सेंसस हुआ था, है ना? तो बहुत अच्छे खासे नंबर है, बट जस्ट इनका कुछ ट्रेंड शो हो रहा था कि ये मेन हैबिटेट से थोड़ा बाहर जाते हैं, मतलब जहाँ पे ह्यूमन ज़्यादा रहते हैं तो वो एरियाज में ये प्रेफरेबल उनका हैबिटेट रखते हैं, बिकॉज दे फील सिक्योर इन दिस पार्ट, बिकॉज इंटीरियर पार्ट्स में कुछ टाइगर्स एक्सेट्रा अगर हो गए तो उनको थ्रेट हो सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया था। ठीक है, सो एनीवेज, तो ये बाइसन के लिए मोस्टली फेमस है, इंडियन गौर जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए फेमस रहेगा, दैट इज द बाइसन राजबरी नेशनल पार्क। ठीक है, सो बस इतना याद रखो, इंडियन लियोपर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एंड बाकी आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो राजबरी देखो यहाँ पे मिल जाएगा, वेस्ट की तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, डू नॉट गो इन द डिटेल। सो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क भी देखा जाए तो त्रिपुरा में वेस्ट की तरफ आता है। ठीक है, सो बस इतना देख लेना, एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा है, सो बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सम लंगूर के एक्सेट्रा स्पीसीज मिलते हैं यहाँ पे, बट अगेन जस्ट स्कीम ओवर इट, बट डू नॉट गो इन द डिटेल। ओके, सो बस नाम याद रखो कि कौन से स्टेट में है, क्लाउडेड लियोपर्ड एंड बाइसन राजबरी, सो बोथ आर इन द त्रिपुरा। ओके, बस इतना ही याद रखना है आपको, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं डिटेल बता ही देता हूँ आपको, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे बस स्टेट जानना ज़रूरी है तो वहाँ पे हम बस स्टेट ही जान लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसमें सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क आते हैं, सो सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, स्टेट और यूटी में बताओ। चलो, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क आते हैं तो कौन से स्टेट और यूटी में आता है फास्ट, बताओ एवरीवन फास्ट, कौन से स्टेट और यूटी में मिलेगी? यस, एमपी, तो एमपी तो चलो एक तो आंसर मैंने बता दिया, यूटी है कोई है? तो यूटी भी है ना, यस, अंडमान निकोबार। ओके, अंडमान एंड निकोबार प्लस एमपी, सो बोथ हैव, ओके, एमपी एंड अंडमान निकोबार बोथ हैव 9 नेशनल पार्क्स, दोनों में भी 9 नेशनल पार्क आते हैं। ठीक है, यस यस डेफिनेटली राशि, क्वेश्चन बन सकता है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, लाइक है ना, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकता है, इसलिए तो हम एक टेंटेटिव लोकेशन भी तो देख रहे हैं ना, कि समझ पा रहे हो?
तो जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है ना, सो अभी जो हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको दैट इज़ द बाइसन राजबारी, ओके बाइसन राजबारी, देन फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड अगर मैंने दे दिया आपको फॉर एग्जांपल मुरलेन, ओके थर्ड मैंने दे दिया सो दैट इज़ द नामधापा, ओके एंड फोर्थ मैंने अगर दे दिया आपको सो दैट इज़ द मौलिंग। सो इसको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या होगा इसका बताओ। जैसे अभी किसी ने आई थिंक खुशी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा पैटर्न बन सकता है ये राशि, सो देखो राशि है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगा इसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगी नंबर वाइज, मतलब नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या होगा इसका, जस्ट जो जस्ट अभी अभी कवर किया हमने एंड आई थिंक सबको आना चाहिए। बाइसन राजबारी फर्स्ट, सेकेंड मुरलेन, थर्ड नामधापा एंड फोर्थ इज मौलिंग। तो नंबर नंबर वाइज बता सकते हो आप कि नॉर्थ टू साउथ क्या सीक्वेंस होगा। फर्स्ट 4321 बाय वरुण, नॉर्थ टू साउथ, फोर टू थ्री वन बाय चिराग। चिराग ध्यान नहीं है क्या लेक्चर में, लेक्चर ठीक से करो, पूरा फुल कंसंट्रेशन रखना चाहिए लेक्चर में, ठीक है। 4231 ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट 4231 है। तो देखो सीधा सीधा है ना लॉजिक, अभी मॉलिंग तो सबसे ऊपर आना है, ठीक है मॉलिंग तो आ गया, चलो फोर सबसे पहले होना चाहिए, देन आफ्टर दैट नामधापा आएगा सेकंड, बराबर है। सेकंड कौन सा आ गया, मतलब यहाँ पे जो थर्ड है तो वो आ गया नामधापा, ओके नामधापा आ जाएगा, दोनों भी तो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, बराबर है। तो 4-3 ही चाहिए, 4-2 क्यों लिख रहा हूँ। और उसके बाद मुरलेन कहाँ पे आता है, यस मुरलेन इज इन द विच पार्ट, यस मुरलेन कहाँ पे आएगा फास्ट, तो मुरलेन आ जाएगा ना उसके पहले, थोड़ा सा मुरलेन आएगा या कौन सा आएगा बताओ फास्ट एवरीवन। यस उसके बाद मुरलेन हम ले सकते हैं, लास्ट में कौन सा आएगा बायसन राजबारी है ना, तो बायसन राजबारी ये लास्ट में आएगा बिकॉज थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा है ना, सो दैट इज द पॉइंट है ना। सो यहाँ पे 2-1 हम ले सकते हैं, 4-3-2-1। तो ऐसे पैटर्न में कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, ओके गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो इसको थोड़ा ठीक से देखो, यही पैटर्न में आपको पढ़ना है, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट लाइक दिस पैटर्न भी हो सकता है, राइट चलेगा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लाइक पूर्वांचल में कौन से आते हैं, मतलब पूर्वांचल में हम कंसिडर कर सकते हैं। सो मौलिंग ये एक ऐसा होगा, मौलिंग का एक पार्ट ऐसा होगा कि जो बस हम किस में कंसिडर करेंगे, हिमालय के मेन सेक्शन में, हिमालय का मेन सेक्शन है जिसमें मौलिंग आ जाएगा, बट नामधापा हो, मुरलेन हो, इंटांकी हो, ओके देन आप और भी हमने कौन से देखे थे, पांगपुई होगा, बराबर है। इवन त्रिपुरा के पार्ट हम थोड़ा सा नॉर्थ मतलब पूर्वांचल के साइड में ही पकड़ते हैं, ठीक है तो वो आ जाएगा पूर्वांचल में, और फिर अलग सा कौन से रेंज में आ जाता है, तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। सो एनीवेज चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क के, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क एंड सातपुड़ा एंड वन विहार, ठीक है। सो देर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क इन एमपी, सो इसमें से बस कुछ कुछ ही हम बस लोकेशन देखेंगे, आगे चलेंगे और जिसमें इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पे डिटेल भी देख लेंगे, ठीक है। बट एनीवेज इतना तो याद रखो कि एमपी में कौन से आते हैं, समझ पा रहे हो। तो एमपी में कौन से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो तो फॉसिल नेशनल पार्क कुछ अलग सा दिख रहा है आपको, तो इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। फॉसिल बहुत ही अलग है बिकॉज पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई नेशनल पार्क नहीं दिखता है जो फॉसिल के बेस पे हो, ठीक है। सो दैट इज द फॉसिल नेशनल पार्क, ओके। देन आफ्टर दैट बांधवगढ़ एंड पेंच तो याद रह जाएगा बिकॉज ये हिस्टोरिकली ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड इवन पेंच रिवर भी एक फेमस रिवर है। पन्ना भी देखो आपको पता है डायमंड के लिए फेमस है, तो वो आप एमपी में याद ही रख लोगे, है ना। माधव बस अलग से याद रखो, माधव एक एक इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट संजय, इसका लोकेशन याद रखना, और संजय जो देखा जाए तो बॉर्डर पे आता है, देखते हम चलो तो यहाँ पे देख लो, है ना। तो संजय नेशनल पार्क ये दोनों, ये दो स्टेट में दिख रहा है आपको, एमपी भी रहेगा और छत्तीसगढ़ की तरफ भी है। तो छत्तीसगढ़ की तरफ इसका गुरु घासीदास ऐसे कुछ आ जाएगा, बट फिलहाल तो हम एमपी देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा ईस्ट की तरफ संजय नेशनल पार्क, ओके। पन्ना जो आता है तो बुंदेलखंड का जो पार्ट है, केन बेटवा रिवर ये बुंदेलखंड से फ्लो होती है टूवर्ड द यमुना, ओके। तो उसके ईस्ट में आपको मिलेगा पन्ना, ठीक है। तो बेटवा इसके आसपास ही कुछ फ्लो होगी पन्ना के आसपास, तो समझ लेना बेटवा के थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाएगा पन्ना नेशनल पार्क, बुंदेलखंड के ईस्ट की तरफ। बुंदेलखंड से वेस्ट की तरफ आ जाएगा पालमपुर कुनो
वाइल्डलाइफ सेंचुरी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जहाँ पे मोस्टली टाइगर हो या फिर लायंस हो गए या फिर जो चीता इंट्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट प्रेफरेबल एरिया माना जाता है पालमपुर कुनो, जो कि बुंदेलखंड के वेस्ट में आता है, और यहीं पे माधव जो हमने देखा है तो यही इसी लोकेशंस के आसपास आ जाएगा। सो नेक्स्ट है बांधवगढ़, जो पन्ना के साउथ में आता है, पन्ना के नीचे आता है, राइट, पन्ना के नीचे आ जाएगा। इट्स नाउ विजिबल, ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है। हाँ, ठीक है, इन बिटवीन हो जाता है 1-2 मिनट के लिए, तो प्लीज़ पेशेंस रखो, है ना, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये सेशन, आज के सेशन आपको डेफिनेटली देखो 3 से 4 मार्क तो प्रीलिम्स में बढ़ा के देंगे ही, है ना, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी शायद इंक्रीज हो सकता है। ओके, चलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो और लेक्चर पूरा क्लियरली अटेंड करो। सो चलो बांधवगढ़ आ जाओ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है बांधवगढ़, ये एक टाइगर रिजर्व भी आएगा, इट्स ऑल्सो द टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे माइनिंग के एक्टिविटीज़ कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में बढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़े टाइगर यहाँ पे रिस्क में आ जाते हैं। ठीक है, सो इसके तीन मेन जोन उन्होंने बताए थे कि तला, मगधी एंड खितोली। सो तला इज़ द रिचेस्ट जोन इन द टर्म्स ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, तो ऐसे थोड़े से बस इन शॉर्ट याद रखो कि तला ऐसे कुछ रीजन है कि जो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा रीजन माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक पार्ट होगा, और दूसरा है कि बस बांधवगढ़ ये पन्ना के साउथ में आता है और थोड़ा एमपी के ओवरऑल ईस्ट की तरफ आएगा, विंध्या यहाँ से इन बिटवीन कुछ फ्लो होती है, तो विंध्या के भी थोड़ा सा ईस्ट वाला पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। उमरिया डिस्ट्रिक्ट याद रखो बस। सो ये आता है बांधवगढ़, स्टेट याद रखो फाइनली, अगर कुछ करंट में होगा तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, सो वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पे पकड़ी जाती है, बांधवगढ़ इज द हाईएस्ट नोन, वन ऑफ द हाईएस्ट पकड़ लो, हाईएस्ट नहीं रहेगा, वन ऑफ द हाईएस्ट पकड़ लो। सो वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी आपको मिल जाएगी, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर द टाइगर्स। ओके, बस पॉइंट नोट दिस पॉइंट कि आउट ऑफ 51 टाइगर रिजर्व जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले आते हैं, तो उसमें से आपको बांधवगढ़ मिल जाएगा। ओके, तो बांधवगढ़ कहाँ पे समझ गया सबको, तो ईस्ट की तरफ आ जाएगा एमपी में। नेक्स्ट है घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, तो फॉसिल नेशनल पार्क को ही घुघुआ भी कहा जाता है, घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि शाहपुरा जो एमपी का डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे बस कुछ देखो, ये डायनासोर एक्सेट्रा दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इनके कुछ फॉसिल्स यहाँ पे मिले थे ऐसे माना जाता है, इनके कुछ मतलब वो टाइम के, जो अगर देखो न्यूमरस प्लांट लीव फ्रूट सीड्स एक्सेट्रा, या पाम फॉसिल, है ना, पाम जो इंडिया में मोस्टली बहुत मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलता है, बट यहाँ पे पाम के भी फॉसिल्स मिले थे 65 मिलियन ईयर्स है वो, इसका कुछ कार्बन डेटिंग करके इन्होंने शायद निकाला होगा, राइट, तो उसी अकॉर्डिंगली इनको ऐसा दिख गया है कि यहाँ पे कुछ फॉसिल्स हो सकता है। इवन यूकैलिप्टस के फॉसिल्स तक मिले, यूकैलिप्टस मतलब ऐसे ट्रीज होते हैं कि जो मोस्टली मोर अरिड एरियाज में, अरिड टू सेमी अरिड एरियाज में मिलते हैं, और यूकैलिप्टस मतलब क्या होता है कि जो फायर की वजह से उनका पॉलिनेशन होता है, गेटिंग माई पॉइंट, तो फायर की वजह से इनका पॉलिनेशन होता है, वो होते हैं यूकैलिप्टस ट्रीज। सो दिस फॉसिल्स आर यूकैलिप्टस, ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ इट्स टाइप एवर फाउंडेड इन दिस पार्ट। ओके, तो ये यूकैलिप्टस के भी फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं, इवन एडिशनल नोटेबल डिस्कवरीज इंक्लूड द डायनासोर एक फॉसिल, तो ये घुघुआ में कुछ डायनासोर के एक के फॉसिल्स भी मिले थे। गेटिंग माई पॉइंट, यस, तो यहाँ पे बस इतना याद रखो घुघुआ के बारे में, ठीक है, यस। सो नेक्स्ट देखो पेंच नेशनल पार्क, मोगली मूवी तो पता, मोगली तो पता होगा आपको, राइट, जंगल बुक नाम का मूवी तो पता है आपको सबको, ठीक है। सो ऐसे बताया जाता है कि जो रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है, तो वो इंस्पायर हुए थे पेंच नेशनल पार्क से ही, उन्होंने स्टडी किया था पेंच नेशनल पार्क का, और उसका स्टडी करके, पेंच नेशनल पार्क का स्टडी करके उनको ऐसे लगा कि हाँ इसके बेसिस पे हम कुछ मूवी बना सकते हैं, मैं कुछ बुक लिख सकता हूँ, तो यहाँ से शायद इंस्पायर हुए थे वो और उन्होंने ये बुक लिखा था, ठीक है। सो देख लेना, तो पेंच ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आता है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, एंड पेंच रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ओके, पेंच रिवर फ्लोज थ्रू दिस पार्ट एंड जो कि साउथ की तरफ फ्लो होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन फिर से मैं थोड़ा देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ महाराष्ट्र की तरफ आता है ना, दिख रहा है सबको यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र की तरफ है और पेंच यहाँ से फ्लो होती है, पेंच रिवर, और वो फिर बाद में ऐसे नागपुर वगैरह कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे बाद में फ्लो होती है, और उसके बाद ये प्राणहिता एक्सेट्रा रिवर को जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ये पेंच का पार्ट है, तो यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। सो मोगली पेंच सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। सो यूपीएससी कैन आस्क लाइक दिस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द मोगली मोगली सेंचुरी ऑल्सो, है ना, तो योर आंसर शुड बी द पेंच नेशनल पार्क में ही मोगली पेंच सेंचुरी का पार्ट आता है।
ओके, बाकी यहाँ पे चितल, सांबर, नीलगा एक्सेट्रा, इस पर अभी फिलहाल ध्यान मत दो। करंट अफेयर्स हम पूरे 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स करेंगे, तब हमें समझ जाएगा कि कौन से स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए रहने दो स्पीसीज को। देन नेक्स्ट इज द कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि अगेन ईस्ट की तरफ आ जाएगा, पेंच के ही थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कान्हा किसली, ये वाले पॉइंट में। सो कान्हा ऑल्सो नोन एज कान्हा किसली नेशनल पार्क एंड इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी। तो एमपी का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे अगर देखोगे नेशनल पार्क आ जाएगा, एंड दैट इज द कान्हा किसली नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट कम एनकम्पासिस एन एरिया ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट, मंडला एंड बालाघाट, ऐसे कुछ रेंजेस आते हैं तो उसके आसपास का पार्ट है। बाकी अगेन टाइगर के लिए फेमस है, इंडियन लियोपर्ड, स्लॉथ बियर, बारासिंगा एंड ढोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ढोल भी रिसेंटली न्यूज़ में थे, ढोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अब देखो इसमें से यही स्पीसीज मैंने क्यों आपके लिए पिक किया है, बिकॉज ढोल का रिसेंटली कुछ रिपोर्ट आया था कि जो वल्नरेबल हो चुके हैं। ओके, सो उनके रिसेंटली पॉपुलेशन कुछ कम हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग ये आया था कि एमपी में अभी फिलहाल तो अच्छे खासे पॉपुलेशन है, बट ओवरऑल साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में देखोगे तो इनका पॉपुलेशन कुछ कम हुआ था ड्यू टू सम थ्रेट। ओके, बट एनी वेज है ना, तो ढोल याद रखो, बस ढोल को एक बार गो थ्रू कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था, सो बैगा ट्राइब है ना, तो यहाँ पे कान्हा के आसपास जो ट्राइब है इंपॉर्टेंट, एक क्रिटिकल यहाँ पे एक मतलब इंपॉर्टेंट सेमी नोमैडिक ट्राइब आती है, सो दैट इज द बैगा ट्राइब। यस यस सुभा लक्ष्मी, हाँ सर, कैन यूपीएससी आस्क नेशनल पार्क रिगार्डिंग रिवर्स लोकेशन? रिवर्स लोकेशन मतलब हाँ डिफरेंट लोकेशन फैक्टर से पूछ सकते हैं। यस डेफिनेटली, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये काइंड में कुछ कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो बैगा ट्राइब, सो बैगा यूज टू लिव इन द कोर एरिया ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क। तो देखो अगेन सेम अप्रोच हमें मिल जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क, इनसाइड कान्हा नेशनल पार्क देर इज नो हैबिटेशन, सो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा बिकॉज देर इज अ बैगा ट्राइब। ओके, सो विच यूज टू लिव इन दिस पार्ट, सो बैगा ट्राइब यहाँ पे होगी जो कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद और क्या है, तो देखो द रिलोकेशन वॉज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। सो वॉट इज द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? सो यहाँ पे क्या हुआ था कि देखो एक्ट है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है, उसमें अमेंडमेंट हुई थी 2006 में, कि जहाँ पे अगर आप कोई एरिया प्रोटेक्टेड कर देते हो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो वो एरिया में यस कौन से भी आपको राइट्स नहीं होते हैं, इवन चाहे वो मतलब ट्राइबल लोग भी हो या फिर अदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो अलाउड नहीं होती है। बट बाद में इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये अगर पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है तो इसमें से ऐसा कुछ एरिया होगा बिकॉज इनके लिए अगर ये एरिया हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लिए अगर ये एरिया हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ट्राइब्स के हम राइट्स यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप कंप्लीटली साइडलाइन कर सकते हो जो भी यहाँ पे स्पीसीज होगी। तो स्पीसीज का भी इसमें ही एक एरिया ऐसा होगा कि जो स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए होगा, इवन ट्राइब्स यहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं तो उनको भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पे जाके कुछ इकोनॉमिक या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम बोलते हैं MFP, तो ये कलेक्ट करने के राइट्स नहीं होंगे, तो वो होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। सो दिस फीचर इज गिवन इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सो ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो वो भी यहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, ये फीचर किस में आता है, कौन सा एक्ट है, 2006 का एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर आता है। और ऐसा फर्स्ट टाइम जो कोई एरिया को लोकेट किया था अंडर द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सो दैट वॉज द यस कान्हा का पार्ट था, और वो थे बैगा ट्राइब के लिए, मतलब बैगा ट्राइब यहाँ पे रहते थे और उन्होंने मतलब इसके अंदर ही ऐसा कुछ एरिया कोर कर दिया कि जहाँ पे इवन बैगा को भी कुछ राइट नहीं हो गए, गेटिंग माय पॉइंट, तो उनका यहाँ पे फिर रिलोकेशन किया गया था। एनी वेज, तो जब ऐसे एक्टिविटीज होते हैं और कोई अगर न्यूज़ में होगा कोई नेशनल पार्क, तो वो को इन द डिटेल्स ऑफ दैट। सो चलो नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क। अगेन देखो ये बुंदेलखंड का पार्ट है, तो उसके वेस्ट में आ जाएगा माधव नेशनल पार्क, सो बुंदेलखंड के नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको सबको, तो ये बुंदेलखंड के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यहाँ पे अरावली आ जाएगा जो राजस्थान का है, और यहाँ पे बुंदेलखंड है तो इसके बिटवीन आ जाएगा। ओके, सो दैट इज द माधव नेशनल पार्क, सो विच इज सिचुएटेड इन द ग्वालियर डिवीजन, एंड इसका पहले कुछ नाम शिवपुरी नेशनल पार्क था, बट उसके बाद यस माधवराव सिंधिया जो है तो उनके अकॉर्डिंगली इसको बाद में फिर नाम यहाँ पे चेंज कर दिया,
और उसके बाद इसको यस दैट इज माधव नेशनल पार्क ऐसे नाम नाम दिया था इनका नाम, मतलब इसको दे दिया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही है मोस्टली चिंकारा, इंडियन गेजल जिसको हम बोलते हैं, चितल होगा, नीलगाय, सांबर है ना, चौसिंगा एक्सेट्रा, तो इस पे मतलब मोस्टली हम फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज मिलते हैं। ठीक है, सख्या सागर, माधव सागर, ऐसे आसपास कुछ लेक आते हैं। तो जब अगर कोई बड़ा लेक होगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखो कि कौन से मतलब कौन से नेशनल पार्क में कौन से डिफरेंट लेक आते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सख्या सागर एंड माधव सागर नाम के कुछ लेक्स आते हैं। एक मनेर नाम की एक रिवर यहाँ से फ्लो होती है, छोटी रिवर है, मनेर मनेर नाम की एक रिवर है यहाँ पे। ठीक है, मनेर रिवर यहाँ से फ्लो होती है इन बिटवीन द माधव नेशनल पार्क। सो नेक्स्ट इज द पन्ना नेशनल पार्क। सो जैसे हमने देखा है, माधव इज टू द वेस्ट ऑफ बुंदेलखंड, सो ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड जो आएगा वो पन्ना आ जाएगा, नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज, विंध्या के नॉर्थ में, ओके, और बुंदेलखंड के ईस्ट में, सो दैट इज द पन्ना नेशनल पार्क। सो देखते हैं पन्ना। सो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास कुछ आता है, एंड इवन इनको कुछ अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिला था 2007 में, द बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, है ना। तो इसके बहुत पुराना अवार्ड है, बट इसको स्किप किया तो भी चलेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, सो यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो होती है, रन्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ थ्रू द पार्क, सो दैट इज द केन रिवर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो फिर से देख लो यहाँ पे, सो एज यू नो दैट चंबल, देन सिंध, देन बेटवा एंड लास्ट इज द केन ना, जो कि यमुना के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो लास्ट वाली जो केन है, तो वो केन यहाँ से इन बिटवीन फ्लो होती है पन्ना के बिटवीन से। ठीक है, और इवन इसको केन एंड बेटवा लिंकिंग हमने कर दिया था, बिकॉज बुंदेलखंड ये बहुत ही ड्रॉट प्रोन एरियाज में आता है, या फिर वी कैन से दैट कि विंध्य के रेन शाडो रीजन में आता है, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए हमने केन एंड बेटवा लिंकिंग किया था, तो तब इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होता। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि केन रिवर फ्लोज थ्रू द पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, और वही स्पीसीज है, देखो चितल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर एक्सेट्रा, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। तो देखो केन बेटवा रिवर, इफेक्ट ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, तो ऐसे न्यूज़ भी आई थी यहाँ पे। सो हैव प्लान टू लिंक द केन बेटवा एंड सम, यहाँ पे दौधन नाम का एक डैम भी बनने वाला था, सो द बेसिन एंड दस प्रोवाइड वाटर एक्सेस टू दिस ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। तो बुंदेलखंड जो रीजन है यहाँ पे, ड्रॉट प्रोन रीजन, तो इनको फिर वाटर यहाँ पे अवेलेबल होने वाला था, राइट। एंड द कंस्ट्रक्शन विल कॉजेज द ऑलमोस्ट 400 हेक्टर ऑफ द लैंड एंड 4,300 हेक्टर ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो देखो इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है यहाँ पे, एंड एनवायरमेंटलिस्ट आर द अफ्रेड दैट विल एडवर्सली अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर ऑफ द रीजन। ठीक है, तो जब ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे हजार्ड हो सकते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये ऑलरेडी हमने कवर किया, तो हजार्ड भी देखा हमने ऑलमोस्ट, तो देख लो ये पन्ना ठीक से, अगर किसी को नहीं समझाया तो देख लो फिर से। तो पन्ना यहाँ पे आता है, देखो केन यहाँ से फ्लो होती है, कैन दैट गोज टू द यमुना, ओके, और उसके बाद देखो ये बेटवा रिवर है, झांसी वगैरह से फ्लो होती है, चंबल सिंध, बेटवा एंड केन, है ना, तो इसके बीच में ये लिंकिंग है, और इसके बीच में ये बुंदेलखंड पार्ट आता है। ठीक है, तो दैट इज द लिंक कैनल, ओके। सो देखो केयरफुली, देख लो फास्ट, तो पन्ना इज ऑन द केन रिवर, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं संजय नेशनल पार्क। अब पन्ना के भी ईस्ट में, बहुत ही ईस्ट में, ऑलमोस्ट झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंड एमपी के बॉर्डर पे, देखो छत्तीसगढ़ एंड एमपी बॉर्डर, सो दैट इज द संजय नेशनल पार्क, ओके। सो कोरिया कुछ डिस्ट्रिक्ट आती है, तो वहाँ पे आ जाएगा, इट कवर्स एन एरिया ऑफ द संजय धुबरी टाइगर इज ऑल्सो एंड नर्मदा वैली, सम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है वो दी है, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय एंड चिंकार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट डू नॉट गो इन द डिटेल, बस देख लो संजय नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क ये बॉर्डर पे आता है ना, सो ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़, बस ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। देन नेक्स्ट है सातपुड़ा, एग्जैक्टली इन बिटवीन आ जाएगा, साउथ ऑफ नर्मदा, साउथ ऑफ नर्मदा, सो ये आएगा सातपुड़ा नेशनल पार्क के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ आता है, देन आफ्टर दैट इट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ बोरी, पंचमढ़ी, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके पार्ट है, बोरी एंड पंचमढ़ी इज द पार्ट ऑफ सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, ओके। या सातपुड़ा नेशनल पार्क के कौन से पार्ट है, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी नेशनल पार्क एंड पंचमढ़ी नेशनल पार्क, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सातपुड़ा नेशनल पार्क।
ओके, तो ये दोनों भी याद रखो। एंड बाकी अगर देखोगे तो फिर यहाँ पे डिफरेंट गॉर्जेस एंड रैवाइन ऐसे कुछ बने जो कि डिफरेंट रिवर्स है, तापी एंड उसके ट्रिब्यूटरीज होंगे, तो उसके थ्रू, ओके सॉरी नर्मदा एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। सो यहाँ पे कुछ पांडव लेक एंड धूपगढ़ पिक। सो धूपगढ़ इज द हाइएस्ट पॉइंट इन, यस धूपगढ़ किसका हाइएस्ट पॉइंट है? सातपुड़ा या विंध्य? तो सातपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट आता है ना धूपगढ़, सो इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सातपुड़ा रेंज। ओके, तो यहाँ पे आसपास ही इसके धूपगढ़ का पार्ट भी आ जाएगा, सो विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन सातपुड़ा रेंज। ओके ठीक है, तो ये भी याद रखो। चलो ठीक है, तो ये हो गया सातपुड़ा इन सेंटर। बस बाकी यहाँ पे देख लेना, एक फास्ट ओवरलुक करो कि ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे, ये सांबर डियर होता है देखो ऐसे, ये स्पॉटेड डियर है, जैंट स्क्वायरल एट सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये स्क्वायरल्स ऐसे कुछ आ जाएगी, जैंट स्क्वायरल, देन वाइल्ड बोर, देन आफ्टर दैट इंडियन रॉक पाइथन, ओके देन लियोपर्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देन टाइगर्स तो मिलते ही है, देन स्टैग ऑफ सातपुड़ा, देन गौर इंडियन बाइसन जो हमने अभी पहले के इमेज में भी देखा था मोरलेन के आसपास, एंड फोर आर्न एंटीलोपल्स। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस सातपुड़ा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं वन विहार नेशनल पार्क, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फास्ट ओवरलुक कर लो। सो दैट इज नियर बाय भोपाल आता है, सिटी के आसपास आता है वन विहार। सो इवन इट हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, बट इट इज़ डेवलप एंड मैनेज बाय एज अ मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क, सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको मैनेज करता है, राइट। तो बाकी बस ऑर्फेंज जो होते हैं, मतलब मोस्टली अगर कोई जो यहाँ पे अगर किसी को लॉस हो जाता है, राइट, अगर या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, सो तब यहाँ पे इनको क्या करेंगे, सो इनको यहाँ पे रखा जाएगा मोस्टली लाइक जूलॉजिकल पार्क जैसे, इसको मेंटेन किया जाता है, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, एशियाटिक वाइल्ड कैट, है ना, तो ये सब यहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द राजस्थान देखते हैं अभी, तो फाइनली सबको समझाए, फास्ट इसको ओवरलुक कर लो एक बार, सो ये इमेज एक बार ओवरलुक कर देना फास्ट, यस रिवाइज दिस एंटायर पॉइंट एंड जस्ट 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सो देखते हैं, सो ठीक है, डन, एवरीवन डन, नो इट्स नॉट अ जू, इट्स नॉट अ जू, ठीक है, सो जस्ट वेट, जस्ट वेट। एक्चुअली इशू ऐसा था कि आज सबको पता है हमारा इवनिंग में भी लेक्चर था ना स्पेशल क्लासेस में, सो आई फॉरगॉट टू रीशेड्यूल दैट, सबको आपको भी मैसेज आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यस यस, है ना, हाँ, तो बस सो इसीलिए वो रीशेड्यूल करना था बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके हाँ यस, करंट अफेयर्स था ना आज हमारा, लास्ट 15 डेज, 1 मई से लेके 15 मई का पूरा द हिंदू का कवरेज है ना, तो ये आज सेशन रखा था और मैं भूल ही गया था कि उसको आज कंडक्ट करने वाले थे हम, एक्चुअली आज कंडक्ट करना था, बट मतलब एक बार एक 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 टाइम पे दो जगह पे तो हो नहीं सकता बराबर, तो इसको मंडे को अभी शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो मंडे को हम करेंगे कवर एंटायर द हिंदू न्यूज़ कवरेज, और आपको PDF भी मिल जाएगा, मतलब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सो दैट आप रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है, यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसलिए मुझे वो उसको रीशेड्यूल करना पड़ा बस, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए ब्रेक था, ठीक है। हाँ नबिला नबिला, अभी दोनों जगह पे तो नहीं हो सकता ना मैं, बराबर है, ऐसे तो नहीं पॉसिबल ना, 9 बजे नहीं अभी, हाँ 9 बजे होगा बट आज नहीं, वो मंडे को है ना, 9 बजे, मंडे को 9 बजे, यस ओके, तो यस देखते हैं, चलो हाँ ठीक है, तो चलो ये सबने रिवाइज कर लिया है आई होप, एंड सबको याद रहेगा, चलेगा, तो आज देखते हैं, आज दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी दूसरा स्टेट स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज द मुकुंद्रा, नहीं टेलीग्राम लिंक पे भी मिल जाएगा बट मतलब लेक्चर भी एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाती है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की एक रिवीजन हो जाएगी आपको, ठीक है, अंडरस्टूड, यस
हाँ यूकेलिप्टस देखते हैं, शिवानी देखते हैं, हम थोड़ा सा रुको अभी देखते हैं, आगे आ जाएगा जब साउथ में एक दो पार्ट में आपको अगेन यूकेलिप्टस आ जाएगा तो हम देख लेंगे वहाँ पे। सो नेक्स्ट इज द राजस्थान। चलो राजस्थान देखो, राजस्थान में देखो मोस्टली चार जो है वो ईस्ट की तरफ आता है और एक ही वेस्ट की तरफ है। इंडिया का ओनली ओनली नेशनल पार्क जो डेजर्ट के रीजन्स में आता है, एंड दैट इज़ द नाम तो सिंपल है इसलिए कुछ टेंशन नहीं है, डेजर्ट नेशनल पार्क ना। यस 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 विजय, मैं करता हूँ सेंड करता हूँ, थोड़ा लास्ट में आपको इन बिटवीन में बता दूंगा कि टेलीग्राम लिंक क्या है, ठीक है, थोड़ा लास्ट में बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट। सो देखो डेजर्ट नेशनल पार्क, सो ये ओनली अलग सा राजस्थान में आ जाएगा कि जो कम्प्लीटली डेजर्ट रीजन में आता है। बाकी अगर आप देखोगे सरिस्का, केवला देव घाना, रणथंबोर, ओके, एंड अगेन सरिस्का ऑल्सो इज देयर। हाँ सरिस्का हमने देखा है, रणथंबोर देखा है, केवला देव घाना एंड मुकुंद्रा हिल्स। यस मुकुंद्रा हिल्स भी यहाँ पे आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो फोर आते हैं ईस्ट की तरफ, सरिस्का, देन केवला देव घाना, रणथंबोर एंड मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स ओके, सो ये ईस्ट की तरफ आ जाएगा और एक ही आता है डेजर्ट नेशनल पार्क जिस पे यूपीएससी ने रिसेंटली कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि सबसे फेमस है किस लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि पाकिस्तान में कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मार दिया गया था और ऐसे हाथ में पकड़ के फोटोज निकाले थे, पता नहीं उनको क्या भारी लगा उसमें, ठीक है, क्या अच्छा लग गया पता नहीं, कौन सी बड़ी बात कर ली, तो उन्होंने कुछ ऐसे फोटो शो किए थे और वो मैंने करंट में भी कवर कर दिया था, राइट। तो एक्चुअली ओवरऑल वर्ल्ड में देखोगे तो दो ही लोकेशंस पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, ठीक है, और वो है पूरा लाइक इंडिया का सिर्फ ये डेजर्ट नेशनल पार्क एंड कुछ पाकिस्तान की तरफ, मतलब 95% तो हमारे पास ही आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और 5% उनके पास है, और वो 5% के साथ भी देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ रियली रॉन्ग थिंग, और वही द हिंदू में भी हमने देखा था, न्यूज़ में देखा था, वो कवर भी किया था हमने, बट आज उसके उसको अगेन लाइट करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो सो चलो मुकुंद्रा हिल्स फर्स्ट थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे अरावली के ईस्ट की तरफ आता है, ये अरावली का पार्ट है, ठीक है, और अरावली के ईस्ट की तरफ रहेगा। सो कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑफ दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कुछ पार्ट है, देन चंबल सेंचुरी, मतलब चंबल भी इसके आसपास से कुछ फ्लो होती है, तो चंबल की नेशनल चंबल सेंचुरी भी यहाँ पे आ जाएगी, एंड चंबल में सबको पता है कि फेमस क्या है, घड़ियाल्स है ना, तो घड़ियाल आर फेमस इन द चंबल रीजन, तो इसलिए चंबल भी याद रखो। एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक जवाहर सागर भी क्या है, एक डैम है ना, तो डैम जवाहर सागर डैम इज़ फेमस ऑन द चंबल के पार्ट्स में आपको फेमस डैम दिखेगा, ठीक है, तो दैट इज़ द जवाहर सागर, चंबल एंड दरा। सो दिस थ्री आर द पार्ट्स ऑफ मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है ना, ईस्ट की तरफ देखो यहाँ पे। सो उसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन द काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस रीजन, ओके, मतलब ये बाकी भी जो रीजन्स आते हैं बट ये सेक्शन कुछ आता है, बट अभी फिलहाल इसको रहने दो, ये कट कर दो। तो चंबल रिवर याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देर आर फोर रिवर्स फ्लोज इन दिस रीजन और उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाली याद रखनी है चंबल रिवर। तो मुकुंद्रा हिल्स के आसपास से कौन सी रिवर फ्लो होती है, सो दैट इज द चंबल, ओके, एंड विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर, ओके, यमुना रिवर का पार्ट हो जाएगा, राइट। बंगाल टाइगर है, इंडियन सम वुल्फ आते हैं, लियोपर्ड हो गए, चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, चिंकारा, सो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ओके। सो देखते हैं आगे, सो नेक्स्ट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क। तो चलो मुकुंद्रा समझ गया सबको, मुकुंद्रा हिल्स, ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल तो करंट में नहीं है इसके बारे में, बट जो भी है अभी इतना बता दिया मैंने, लोकेशन बता दिया, और रिवर याद रखो, रिवर इज द चंबल, बस इतना, ये दो ही फैक्टर याद रखने आपको मुकुंद्रा हिल्स के बारे में। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। सो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर एंड बाड़मेर दो डिस्ट्रिक्ट में आता ही है, सो इट स्प्रेड इन टू द टू डिस्ट्रिक्ट, सो इट इज लोकेटेड इन द राजस्थान, बट ये दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर एंड बाड़मेर। सो इवन ये साउथ की तरफ शार्प बाउंड्री फाउंड करता है, सो दैट इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मतलब इसके साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज यू नो दैट ये रन ऑफ कच्छ का पार्ट आ जाता है, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर की तरफ राजस्थान में, और इसके साउथ में देखोगे तो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, मतलब इसी वजह से तो देखो डेजर्ट नेशनल पार्क से कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रन ऑफ कच्छ में भी आपको साइट हो जाता है, उनका साइटिंग यहाँ पे भी हो जाता है, सो देख लेना। सो दैट इज द साउथ की तरफ ये पार्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद दिस इज द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम ऑफ थार डेजर्ट, जिसको लोकली हम मरुस्थली बोलते हैं, ठीक
ठीक है, मतलब प्रॉपरली जो सैंड ड्यून्स एक्सेट्रा होते हैं ना, तो वो यहाँ पे मिलते हैं। ऑलमोस्ट 20% एक सैंड ड्यून्स, बहुत ही प्रॉपरली सैंड ड्यून्स यहाँ पे मिलेगा, और बाकी तो अरिड रीजन आ जाता है, बाकी रॉकी एक्सेट्रा, जिसको जोग्राफिकली हम हमादा बोलते हैं ना, हमादा ऐसे कुछ पार्टी, या रीजनली इसको बागर कहा जाता है, राजस्थान बागर रीजन, आपके एटलस में भी आपको दिख जाएगा। तो राजस्थान बागर या 20% सैंड ड्यून्स है, हमादा का कुछ पार्ट है, ऐसे कुछ मिक्स मिसलिनियस पार्ट यहाँ पे आता है। और यहाँ की फेमस स्पीसीज है, दैट इज़ द चिंकारा, जिसको इंडियन गेजल भी कहा जाता है। अब इनका भी कोविड के सिचुएशन में, इनका भी एक रिपोर्ट आया था WWF के थ्रू, कि इनका भी जो हंटिंग है, पोचिंग है, हंटिंग, ये इंक्रीज हुआ था कोविड के मंथ्स में। ओके, ये भी मैंने करंट में कवर किया है, तो इसलिए चिंकारा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। चिंकारा एंड गेजल, ये राजस्थान में बहुत लोकेशन पे साइट होता है। ओके, बट हमारे लिए अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज अगर होगी तो दैट इज़ द गिपी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो गिपी याद रखो, ठीक है, जो लास्ट टाइम CMS का मीटिंग हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इंडिया ने इसको मैस्कॉट रखा था, याद है सबको? तो उसका मैस्कॉट कौन था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यस, सो इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो बहुत अच्छे नंबर्स थे इनके पहले कुछ, बट अभी लास्ट फ्यू 10 to 20 ईयर्स में ड्रास्टिकली इनके नंबर्स कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विंड टर्बाइन्स यहाँ पे इंस्टॉल किए, या फिर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, तो उस वजह से इनकी डेथ, इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इवन बायो मैग्निफिकेशन, ये भी एक रीज़न माना जाता है। तो देर आर मल्टीपल रीजन्स कि जिस वजह से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड में कंसिडर होते हैं, ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है। इवन पोचिंग इज ऑल्सो द रीज़न। ठीक है, सो नाउ इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये करंट अफेयर्स में है। ठीक है, तो एनी हाउ इसको बहुत अच्छे से याद रखो। सो नेक्स्ट इज द केवलादेव घाना। अभी थोड़ा ईस्ट में आ जाओ फिर से। ठीक है, तो केवलादेव घाना आ जाओ अगेन, जो एकदम ईस्ट की तरफ है, देखो यहाँ पे जयपुर के ईस्ट में। सो दैट इज द केवलादेव घाना, एंड एज यू नो दैट, सो इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर द वेटलैंड रीजन, एज अ वेटलैंड रीजन, बिकॉज रामसर साइट, जो हमारे इंडिया में 42 रामसर साइट्स है, उसमें से दो आते हैं मॉन्टेक्स लिस्ट में, और उसमें से ये एक साइट है। मॉन्टेक्स साइट कब होती है? कि जब इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हुआ है, यहाँ के वेटलैंड जो है तो उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो चुका है, ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या हम वाइजली यूज़ नहीं कर रहे अगर। ठीक है, थ्रेट्स आर ऑकर्ड, थ्रेट्स आर ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर इन द फ्यूचर, सो देन इट विल एड इन टू द मॉन्टेक्स लिस्ट। तो ये उसकी डेफिनेशन है मॉन्टेक्स लिस्ट की। तो केवलादेव नेशनल पार्क, ये उसका पार्ट रहेगा, भरतपुर में आता है, राजस्थान में। ओके, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मेंस के लिए भी एनफ हो सकता है, आप एग्जांपल दे सकते हो। यस, टिप्पू मलिक। ओके, सो भरतपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी, इसके नॉर्थ की रीजन्स में आते हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा केवलादेव घाना नेशनल पार्क। सो एवी फौना यहाँ पे फेमस है, बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज भी यहाँ पे आते हैं, साइबेरिया के रीजन से हो या अदर अफ्रीकन रीजन से हो या अदर जो रीजन से, नियर बाई रीजन से। सो विंटर के टाइम यहाँ पे आपको दिखेगी कि बहुत सारे बर्ड के स्पीसीज भरतपुर या केवलादेव के रीजन्स में आते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केवलादेव नेशनल पार्क। एंड केवलादेव घाना इज अ मैन मेड एंड मैन मैनेज वेटलैंड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ठीक है, सो दैट इज द, ये वेटलैंड तो ठीक है, लोकटक इज द नेचुरल वेटलैंड, है ना, तो नेचुरली वो बना है फ्लोटिंग लेक, बट जो मॉन्टेक्स लिस्ट का सेकंड है केवलादेव घाना, सो इट इज द मैन मैनेज्ड वेटलैंड। ओके, तो ये मैन मैनेज्ड वेटलैंड आ जाएगा। सो रामसर साइट अंडर द वेटलैंड कन्वेंशन, ये रामसर साइट में भी आता है, मॉन्टेक्स लिस्ट में भी है, और यहाँ पे देखो साइबेरिया से भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, बर्ड स्पीसीज आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज, सो दैट इज द साइबेरियन क्रेन, है ना। तो इनका एक वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट ये रीजन रहेगा अलॉन्ग विद द भरतपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो समझ गया सबको, तो ये केवलादेव इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, यस, क्लियर नहीं दिख रहा है शिवम, जिनको भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपका आज, बाकी सब इंटरनेट एक्टिविटीज बंद कर दो, रिजोल्यूशन बढ़ा दो, है ना, बिकॉज ये थोड़े से फाइन मोर फाइनर इमेजेस होती है तो, और थोड़ा डेटा भी ज़्यादा है तो शायद मुझे लगता है आपको रिजोल्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा। चलेगा, तो यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? ओके, सो चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया, रामसर साइट इंडिया में कौन से, देखो 1971 में कन्वेंशन हुआ था। ओके, एक बार देख ही लेते ना, दो तीन बार हमने रामसर साइट फ्लैश होते हुए दिखा,
तो जिनको पता है चलो सही बात है, जिनको नहीं पता है तो देख लो। यहाँ पे 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर इज़ द सिटी नियर द ईरान, ईरान में ये सिटी आती है राइट। और जब कैस्पियन सी, ईरान से कैस्पियन सी लगता है ऊपर की तरफ से, तो कैस्पियन सी के पास उनका थोड़ा साउथ की तरफ ईरान में ही रामसर जो लोकेशन है, सो वहाँ पे जो वेटलैंड है उनको ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रेट हो रहा था राइट। तो फिर ईरान ने खुद भी इनिशिएटिव लिया और यूनेस्को, ओके यूनेस्को ऑल्सो, तो यूनेस्को एंड ईरान ये दोनों ने मिलके यहाँ पे इनिशिएटिव लिया ठीक है, कि अभी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो यहाँ के कंजर्वेशन, हम वेटलैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं, सो दैट जो भी एवियन स्पीसीज यहाँ पे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एक आइडिया थे, यूनेस्को भी, यूनेस्को को भी अच्छी लगती है। तो यही कन्वेंशन फिर बाद में इंटरनेशनल लेवल पे जाता है और जिसका इंडिया भी मेंबर बनता है, क्लियर है, जिसका इंडिया भी बाद में मेंबर बन जाता है। और इंडिया में भी इनिशियली कुछ कम ही थे वेटलैंड साइड, बट बाद में वो बढ़ते बढ़ते आज 42 तक हो गए। तो ऐसा ये रामसर कन्वेंशन है जिसमें फिर मॉन्ट्रेक्स डिसी अलग से आ जाते हैं और इंडिया में टोटल आज की डेट में 42 रामसर साइट्स आते हैं। सो प्लीज़ डू द मैपिंग ऑफ दिस। अब इसमें एग्जाम में कैसे अप्रोच हो सकता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको स्टेट वाइज याद रखना है ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर स्टेट वाइज, तो स्टेट कौन से हैं एटलीस्ट यू शुड नो दैट, कि जैसे चंद्रतल है तो कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में। जैसे अभी रिसेंटली पोंग डैम में, पोंग डैम जो है, पोंग डैम ओके, सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द महाराणा प्रताप सागर, तो यहाँ पे कुछ जो बर्ड फ्लू के इवेंट्स नोट किए गए थे उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो पोंग डैम बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना पैंगोंग सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लद्दाख में रहेगा, बट पोंग डैम इज़ इन द हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में, गेटिंग माई पॉइंट। तो एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो कौन सा है, रेणुका आ जाता है, तो वो भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, गेटिंग माई पॉइंट, यस अंडरस्टूड एवरीवन। चिल्का भी एक सबसे, मतलब ये लार्जेस्ट में नहीं आएगा वैसे तो, रामसर वेटलैंड साइट आएगी, बट चिल्का अगर ओवरऑल लेक में अगर हम देखते हैं, लेक लेक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एज यू नो दैट कि सबसे बड़ा लेक इंडिया में कौन सा है, चिल्का लेक है ओके। तो चिल्का लेक कहाँ पे है, तो वो आपको चलो वो तो पता है, बट बाकी छोटे मोटे जो लेक्स हैं तो उसको आपको देखना चाहिए। देवपार बिल है ना, देवपार बिल भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, सो जो कि आसाम में आता है एंड ओनली वेटलैंड साइट इन द आसाम, सो दैट इज़ द देवपार बिल ओके। तो ये देवपार बिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है कुछ लास्ट फ्यू डेज में, तो जो कि आसाम में आता है राइट। सो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेट ओके। तो यहाँ पे देखो रेणुका इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ओके, स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन येस ऑल ओवर द इंडिया ओके। स्मॉलेस्ट सबसे वेटलैंड है रेणुका और वो कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश ओके यस। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, सो दैट इज द सुंदरबन वेटलैंड इज द लार्जेस्ट वेटलैंड, सो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट वन ओके। क्लियर एवरीवन, समझ पा रहे हो यहाँ तक, सब क्लियर है यहाँ तक, यस। तो बाद में चलो नोट्स जब मिलेंगे आपको तो बाद में आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी कर लो कि 42 वेटलैंड्स हैं और उनके स्टेट कैसे भी पढ़ सकते, तो वो तरीके से आप कर लेना बाद में इसको ठीक है। तो ये पूरा मैपिंग भी करो, जितना खुद करोगे तो उतना याद रहेगा ठीक है। सो इसका मैपिंग भी कर लो, एक लिस्ट रखो आपके साथ और उसको मैपिंग कर लो, तो जितना मैपिंग करोगे तो उतना ज़्यादा याद रहेगा। नोट्स पढ़ के क्या होता है कि कोई पॉइंट हमारे मिस हो जाता है, बट जब खुद मैपिंग करते हो तो आपको पता है आपने ये हाथ से नोट किया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, थोड़ी मेहनत बढ़ती है बट उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं ठीक है। चलेगा, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर देख लो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, सो दैट इज़ द रणथंबोर नेशनल पार्क। सो अगेन इट इज़ वेरी फेमस फॉर द टाइगर्स, सो इट इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द बनास रिवर एंड टू द साउथ बाय द चंबल रिवर। तो साउथ से यहाँ पे चंबल कुछ फ्लो होती है और ऊपर की तरफ से बनास है, तो बनास एंड चंबल के बीच में कौन सा नेशनल पार्क है, सो दैट इज़ द रणथंबोर ओके। ये भी सम टाइम न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे जो भी इंट्रोड्यूस किए गए थे टाइगर्स, बिकॉज टाइगर यहाँ पे नेचुरली कम हो चुके थे लास्ट 10 to 20 ईयर्स में, तो जो भी टाइगर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे नियर बाय नेशनल पार्क से, तो वो फेल हुआ था प्रोग्राम है ना, तो वो फेल्यूर था बहुत बड़ा, कि जितने भी टाइगर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उनकी डेथ हो रही थी। तो ये लास्ट 5 साल का कुछ ट्रेंड था ठीक है। सो याद रखना फिर ये कहाँ पे आता है, रणथंबोर, सो दैट इज इन द राजस्थान बिटवीन बनास एंड चंबल रिवर। रणथंबोर फोर्ट भी इसके आसपास कुछ आ जाएगा और बाकी भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है
Okay, so Ranthambore is known for its large tiger population. During the past few years, there has been a decline in the tiger population in Ranthambore due to poaching and other reasons. तो पोचिंग का सबसे बड़ा डर अगर राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क को होगा या कौन से टाइगर रिजर्व को होगा, सो दैट इज द रणथंबोर। सो पोचिंग का सबसे बड़ा डर यहाँ पे। ओके, यस, बांधवगढ़ इसके साउथ में आ जाएगा। यस 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 नीलेश, बांधवगढ़ इसके साउथ में है, बांधवगढ़ इसके साउथ में आ जाएगा। सो ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ आ जाएगा रणथंबोर। ओके, नेक्स्ट इज द सरिस्का, भी सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। केवला देव की भी थोड़ा ऊपर देख लो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सरिस्का। ओके, केवला देव के भी ऊपर देख लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सरिस्का मिलेगा। तो सरिस्का इज द टाइगर रिजर्व ऑल्सो, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अरिड फॉरेस्टी एंड ड्राई, मतलब जैसे राजस्थान है तो पूरा अरिड एंड डेसिडियस काइंड ऑफ रीजन ही होगा। एंड आफ्टर दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज। अब देखो, इसके पहले जो भी हमने देखे, आइदर दोज आर टू द वेस्ट, जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क, ये वेस्ट की तरफ था अरावली के, इसकी तरफ हमने जो देखा है मतलब केवला देव होगा, भरतपुर होगा, या फिर जो भी मतलब पार्ट्स हमने अभी तक देखे थे, रणथंबोर होगा, सो वो सब ईस्ट की तरफ थे अरावली के। अब ये अरावली के ही कुछ पार्ट को लग के ही अगर कौन सा आता है, सो दैट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सरिस्का कौन से स्टेट में आता है, सो योर आंसर शुड बी द राजस्थान। तो सरिस्का कहाँ पे आता है, राजस्थान में। इवन यहाँ पे कॉपर के माइंस बहुत सारे, तो इसलिए कंटिन्यूस एनवायरमेंटल थ्रेट तो होता ही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कॉपर मिलता है इसके आसपास, सरिस्का के पास कॉपर मिलता है, कॉपर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थ्रेट होते रहता है। ओके, कॉपर की वजह से, ठीक है, कॉपर माइंस की वजह से, तो इसलिए बैन भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में, बैन कर दी थी यहाँ पे माइंस। बट कॉपर की तो बैन हो गई, बट मार्बल तो है राजस्थान में, बहुत ज़्यादा मार्बल है, तो मार्बल माइनिंग कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब न्यू थ्रेट है, दैट इज द मार्बल। मार्बल तो कंटिन्यू कर रहा है थ्रेट, तो इसलिए सरिस्का टाइगर रिजर्व को थ्रेट वही है कि दैट इज द मार्बल माइंस। ओके, तो याद रखो सरिस्का के बारे में, राजस्थान एंड इसके आसपास मार्बल बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलेगा। ओके देन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट द राजस्थान। राजस्थान में अभी अभी तक हमने क्या क्या देखा है, देखो फास्ट ओवरलुक कर लो राजस्थान वाला पार्ट। सो राजस्थान में हमने क्या क्या देखा है, मुकुंद्रा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा मुकुंद्रा कोटा के ईस्ट में। एंड आफ्टर दैट डेजर्ट नेशनल पार्क हमने देखा, देन केवला देव एक देखा है। ओके, देन सरिस्का, रणथंबोर। ओके, सो ये सब हमने कवर अप कर दिया। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं अभी। सो दैट इज द झारखंड, सो दैट इज द झारखंड। सो झारखंड में एक ही आता है, दैट इज द बेटला नेशनल पार्क। ओके, सो दैट इज बेटला नेशनल पार्क, और जो कि बॉर्डर पे आता है बिहार के और इसके बॉर्डर, मतलब पहले जो बिहार का पार्ट था ये, तो तब ये मतलब बिहार में कंसिडर होता था, बट अभी नाउ इट इज द पार्ट ऑफ झारखंड, है ना। तो ऊपर की तरफ बिहार है, नीचे की तरफ झारखंड है, तो ये दोनों के बॉर्डर्स पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज द बेटला नेशनल पार्क। सो बेटला देख लो, सो छोटा नागपुर प्लाटू, इट इज लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लाटू। सो आई होप सबको पता है छोटा नागपुर प्लाटू, राइट। छोटा नागपुर प्लाटू एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और छोटा नागपुर का जो नदन पार्ट है उसको कहा जाता है, यस दैट इज द हजारीबाग प्लाटू, हजारीबाग प्लाटू। एंड सदर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लाटू इज नोन एज द रांची प्लाटू। सो ये होगा रांची प्लाटू, तो ये हजारीबाग के रीजन्स में आता है, ऊपर की तरफ है ना, तो हजारीबाग के पार्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए देख लो, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे बेटला मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे रिवर्स फ्लो होते हैं, एज यू नो दैट कि ये एक रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज है ना, तो झारखंड का रेडियल ड्रेनेज चाहिए। रेडियल ड्रेनेज मतलब क्या होता है, सो जहाँ से हर तरफ से रिवर्स निकलती है, नॉर्थ साउथ है ना, तो ईस्ट वेस्ट की तरफ अलग अलग जगह से, मतलब यहाँ पे एवरी डिरेक्शन को जब रिवर निकलती है सेंटर पॉइंट से, तब उसको कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज। तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियल ड्रेनेज। तो बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे, दामोदर है देखो, नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है एंड सुबर्णरेखा। तो बहुत सारी रिवर्स छोटा नागपुर से निकलते हैं, तो जो हमारी नॉर्थ के अभी काम किए, तो नॉर्थ में अगर देखोगे दामोदर एक्सेट्रा, या उसके छोटे छोटे स्ट्रीम से बराकर एक्सेट्रा रिवर है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा वेटलैंड काइंड ऑफ थिंग बनी है। अब जब वेटलैंड बनेगा, तो हमने देखा था, तो वेटलैंड अगर बनता है तो कौन सा फॉरेस्ट हो सकता है, यस वेटलैंड अगर होगा तो कौन सा फॉरेस्ट होगा, यस बताओ फास्ट,
वेटलैंड होगा तो मार्शी ग्रासेस तो हो गई, बट फॉरेस्ट भी कैसा हो सकता है, सैल फॉरेस्ट हो सकता है ना, कल हमने तराई के सेक्शन में देखा था, तो सैल फॉरेस्ट हो सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे सैल फॉरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। यस सैल फॉरेस्ट राइट। सो नॉर्थ क्वेल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द दिस नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द पार्क प्रोड्यूसिंग ग्रास लैंड ऑल्सो, मतलब यहाँ से रिवर भी फ्लो होता है और ग्रास लैंड भी प्रोड्यूस किया, मतलब नॉर्थ कोयल यहाँ से फ्लो होती है, बस याद रखना। सो दैट इज द नॉर्थ कोयल फ्लो थ्रू दिस पार्ट, ओके, नॉर्थ कोयल याद रखो। और ये नॉर्थ कोयल बाद में जाके मिलती है जो आपकी ये रिवर है ना, यहाँ से शोन रिवर आती है देखो, तो नॉर्थ कोयल जो है तो यहाँ से ऐसे कुछ पास होगी और ये बाद में जाके मिलेगी शोन को, और शोन डायरेक्टली जाके मिलती है गंगा को, ठीक है। तो नॉर्थ कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द शोन, शोन रिवर, और यहाँ पे कुछ रिहान द डैम आता है, रिहान डैम भी यहाँ पे आसपास आ जाएगा। एनीवेज तो बाद में कभी ज्योग्राफी में वो कवर कर लेंगे हम, ठीक है, बट फिलहाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। तो नॉर्थ कोयल इसके आसपास आती है, बस इतना याद रखो, नॉर्थ कोयल, ओके। सो एलिफेंट, स्लॉथ बियर, एलिफेंट तो दिख ही रहा है आपको सामने, है ना, तो अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज आ जाएंगे, जो करंट में होंगे वही पढ़ना है। इवन व्हाइट टाइगर दैट रिमेन्स इन द पार्क वेयर ट्रांसपोर्टेड टू जूज, तो यहाँ पे कुछ व्हाइट टाइगर्स भी मिलते थे बट उनको जू में डाल दिया गया था बाद में, मतलब उनके कंजर्वेशन के लिए, शायद उनको थ्रेट होगा तो फिर इनको क्या है कि बाद में कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं अभी महाराष्ट्र, हमने ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली राजस्थान कंप्लीट कर लिया है, एमपी कंप्लीट कर लिया है, छत्तीसगढ़ रखते थोड़ा साइड में बिकॉज छत्तीसगढ़ वर्टिकल है तो महाराष्ट्र के बाद उसको कवर करेंगे। देन झारखंड भी हमने देख लिया है, ओके। तो ये तीन सेंट्रल जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिए, सेंट्रल इंडिया के पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द साउथ और साउथ वेस्ट महाराष्ट्र ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द महाराष्ट्र पार्ट। तो महाराष्ट्र में आते छः नेशनल पार्क्स। सो फर्स्ट इज द चांदोली नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न घाट की तरफ आ जाएगा, देन गुगामल टू द ईस्ट, देन नवेगांव ऑल्सो टू द ईस्टर्न महाराष्ट्र, पेंच भी ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ आएगा एमपी के बॉर्डर को लग के, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, ये थोड़ा सा अर्बन एरियाज में आता है, मुंबई के रीजन्स के आसपास आ जाएगा, थोड़ा अर्बन एरिया में आता है, एंड ताडोबा अगेन टू द ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट, ओके। तो मोस्ट ऑफ द इनके विदर्भ जो रीजन है, ईस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर नेशनल पार्क दिखेंगे ये पार्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया है। अब बस वेस्टर्न घाट की तरफ जो मिलेगा तो आपको चांदोली यहाँ पे मिल सकता है, कहाँ गया वो, हाँ चांदोली नेशनल पार्क, तो बाकी ज़्यादातर तो इनके ईस्ट पार्ट में आता है महाराष्ट्र के, ठीक है। सो देख लो चांदोली, देखो वेस्टर्न घाट में मिल रहा है, दिख रहा है सबको यहाँ पे, सो चांदोली इज टू द वेस्टर्न घाट। सो कोल्हापुर नाम का एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, सांगली कोल्हापुर एक्सेट्रा रीजन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चांदोली। देन उसके बाद यहाँ पे कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, इसके आसपास कुछ पार्ट्स है, और अगेन इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द टाइगर्स, ओके, एंड बाकी लैटेड प्लाटूज एक्सेट्रा, ऐसे सद्दास कुछ कहा जाता है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, अगर करंट में हो गए तो हम देखेंगे, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस इतना देख लो चांदोली इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड महाराष्ट्र, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो। देन नेक्स्ट इज़ द गुगामल, ये जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, एमपी से लग के जो पार्ट आता है ऊपर की तरफ, जो सातपुड़ा का पार्ट है, तो वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो सातपुड़ा के देखो चार पार्ट आते हैं, राजपिपला, महादेव, गाविलगढ़ एंड मैकल। तो जो महादेव पार्ट है सातपुड़ा का, तो वो आता है यहाँ पे एमपी एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो वही महादेव जो है, सॉरी दैट इज़ द गाविलगढ़, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज़ द गाविलगढ़ जो पार्ट है यहाँ पे, गाविलगढ़, ओके। सो गाविलगढ़ जो पार्ट है तो वहाँ पे आपको मिलेगा गुगामल, यस अंडरस्टूड। सो यहाँ पे देखो गुगामल है ना, सो ये गुगामल जो पार्ट है तो वो कहाँ पे आएगा, सातपुड़ा के पार्ट्स में आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो गुगामल नेशनल पार्क याद रखो, गाविलगढ़ रीजन जो सातपुड़ा रेंज का पार्ट है तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो मेलघाट टाइगर रिजर्व भी इसका पार्ट आता है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, इट इज़ वन ऑफ द अर्लियर जो टाइगर रिजर्व थे, जब इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए थे, मतलब सबसे पहले 1973 में, तब उसमें से ये एक था मेलघाट टाइगर रिजर्व, बहुत ही फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पे देखो नॉर्थ की तरफ गुगामल नेशनल पार्क का ही पार्ट आता है, सो दैट इज़ द, इट इज़ द पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व, ओके। बाकी फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट रीजन्स है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। बाकी फिर यहाँ पे दिया है कि डिफरेंट सांबर डियर, नीलगाय, मकाऊ, रिसस मंकी है ना, इंडियन लियोपर्ड, स्लॉथ डियर, ढोल एक्सेट्रा, इनके पॉपुलेशन मिलेंगे, बट अगेन मैंने जो बताया था करंट अफेयर्स के टाइम में हम इसको पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मत देखो इसको, ठीक है। तो बस इतना ही देख लेना।
सो यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह भी कुछ मिल जाते हैं जिनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था ये रीजन्स में, बट अभी ये पुराना फैक्ट है तो इसको भी कट कर सकते हो। बस लोकेशन याद रखो, गुगामल नेशनल पार्क इज़ टू द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, ओके, एंड सातपुड़ा के पार्ट्स में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ द नवेगांव नेशनल पार्क, जो कि एकदम ईस्ट की तरफ आता है, देखो महाराष्ट्र के एकदम ईस्ट की तरफ है। सो अर्जुनी मोरगांव सब डिविजन एंड गोंदिया कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। सो द सलीम अली बर्ड सेंचुरी नवेगांव इज़ होम टू ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बर्ड स्पीसीज फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र। तो जितने भी महाराष्ट्र में डिफरेंट 60% मतलब जितने भी बर्ड स्पीसीज मिलता है तो उसमें से 60% यहाँ पे मिलेगी, मतलब इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर द बर्ड्स, ओके। सो वो एक याद रखो, ठीक है, बाकी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। नवेगांव बस याद रखना महाराष्ट्र में आता है, ईस्ट की तरफ आता है। देन पेंच अगर देखोगे तो पेंच हमने ऑलरेडी देखा था कहाँ पे है, याद है सबको पेंच, ये सबको याद रहेगा ना पेंच कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पेंच देखा था ना, महाराष्ट्र का जो पार्ट होगा तो उसके ही यस ईस्ट की तरफ हमने एमपी में देखा था पेंच, याद है। तो पेंच और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, तो इसके बॉर्डर पे ही आपको मिल जाएगा पेंच नेशनल पार्क, और इसको क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, यस एग्जैक्टली। सो द पेंच टाइगर रिजर्व और पेंच नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अब ये भी सबसे पहले वाले इसमें आ जाएंगे। एंड सेकेंड है कि यहाँ पे पेंच मोगली सेंचुरी अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, हाँ यस मोगली है ना, तो वो मोगली वाला जंगल बुक वाला जो पार्ट है, तो वही देखो इधर से फिर यही पार्ट है, मतलब एमपी और इसके बॉर्डर पे आता है, बस याद रखना। तो महाराष्ट्र में भी पेंच आता है, ओके, और एमपी में भी है तो वो भी पेंच ही है, तो वो मोगली सेंचुरी बस एमपी की तरफ रहेगा, और महाराष्ट्र की तरफ जो है तो उसको नाम थोड़ा सा अलग दिया है, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ठीक है। तो पेंच जवाहरलाल नेहरू अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो योर आंसर शुड बी द महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपका आंसर क्या चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, चलेगा। द कोर एरिया इंक्लूड्स मोगली पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, ओके, मोगली पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, ओके, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, ओके, सो जस्ट वेट, आई थिंक देर इज सम इशू, सो संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क नेक्स्ट देखते हैं। सो इट इज़ नियर टू द मुंबई एंड कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास इतना बड़ा एरिया अगर होगा, सो इट इज़ द ओनली इन इंडिया की जो कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास इतना बड़ा एरिया है, ओके, सो इसलिए इसको याद रखो। ऑलमोस्ट यहाँ पे रिसेंटली एक आरे के बारे में भी आया था, आरे जो एक सोसाइटी है या फिर जो जो आरे का पार्ट है ना, आरे एक मिल्क रिलेटेड कंपनी, तो उन्होंने कुछ स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि इसका बहुत बड़ा पार्ट मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए दिया जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको, एज अ रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे ये पहला इवेंट था पूरे वर्ल्ड में कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास इतना बड़ा एरिया आप एज अ रिजर्व फॉरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए करंट में है, याद रखो बोरीवली के आसपास आता है ये मुंबई की तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क, ओके, सो दैट इज इन द मुंबई, बस इतने याद रखो, बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज द संजय गांधी बोरीवली में बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे, क्रोकोडाइल, इसके इवन क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो देयर, पाइथन, कोबरा एक्सेट्रा, ओके, सो ये सब पार्ट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं ताड़ोबा, सो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी आता है, एंड ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में एकदम ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ताड़ोबा जो पार्ट है वो, तो महाराष्ट्र ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट एंड नेशनल मतलब लार्जेस्ट अगर कोई नेशनल पार्क होगा, सो दैट इज द लार्जेस्ट इज द यस दैट इज द ताड़ोबा जो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो बस उतना याद रखो, ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाओ, सबसे ईस्ट में आता है ये, देखो महाराष्ट्र में ईस्ट की तरफ है एंड लार्जेस्ट में अभी आता है। सो यहाँ पे कुछ अंधारी नाम की रिवर फ्लो होती है, बट आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ताड़ोबा अंधारी, चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देता हूँ। थोड़े क्वेश्चन लेना है, यस क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा आप लोगों को, है ना, यस। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, ठीक चलो देखो, तो अभी तक हमने जो देखा है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो देखो आपको कितना कंसंट्रेशन था सच में, खुद को चेक करो, सेल्फ एनालिसिस करो। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पे,
मस्ट बी राइट कौन सा है वो देखो, मस्ट बी राइट अभी देखे हमने, सबके सब देखे हैं। देखो ये सी तो हमने देखा ना, पिन वैली तो हरियाणा में तो नहीं आएगा, हिमाचल में आता है बराबर है। यस कालेसर हमने कहाँ पे देखा था, तो हरियाणा में देखा था, हिमाचल में तो नहीं आएगा बराबर है। तो इंद्रावती तो अब भी जस्ट अगर आप देखोगे हम, मतलब इसके बाद हम देखने वाले इंद्रावती, सो ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा राइट। मतलब एक ही ऑप्शन है जो बचता है, बट हमें श्योरली पता ना कि वेस्ट बंगाल में जो हमने देखे थे तो वो तो ये तो नहीं आएगी बराबर। वेस्ट बंगाल में हमने कौन से देखे थे, बक्सा देखा था, जलदापरा, गोरुमारा, ओके देन आफ्टर दैट नेवरा वैली, देन और क्या देखा था हमने, सिंगालेला, तो ये सब हमने देखे थे। और वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई भी नहीं था गोविंद नाम का राइट। तो गोविंद नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है। सो गोविंद कहाँ पे आता है, सो दैट इज उत्तराखंड, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, नॉट नेशनल पार्क, सो इट्स इन द उत्तराखंड रीजन ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मस्ट बी रॉन्ग कौन सा यहाँ पे वो समझ जाते हो अगर आप, तभी भी आंसर राइट बन सकता है ओके। मस्ट बी रॉन्ग कौन सा है वो देख लेना ठीक है। सो इंद्रावती इज द ओनली की जो एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी तो हमने सब कट कर दिया था। नेक्स्ट देखो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो यहाँ पे फास्ट, संजय गांधी नेशनल पार्क जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड, यस वेरी नाइस है ना। सो आंसर देखो एलिमिनेशन मेथड, सिंपल एलिमिनेशन मेथड। तो मानस ये कहाँ पे आता है, मॉन्ग डी हमने देखा था ना, मॉन्ग डी याद है, मानस, ओरांग, नमेरी, काजरंगा एंड डिब्रू साइखोवा, सो ऑल आर इन द आसाम। तो वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया, वेस्ट बंगाल कट कर दिया, टू कट कर दिया, तो टू कट हो जाता है तो ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज वन एंड थ्री। यूपीएससी के ही क्वेश्चन है देखो है ना, तो ऐसे लेवल पे भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट यूपीएससी के क्वेश्चन है, गेटिंग माई पॉइंट ठीक है। तो देखो यहाँ पे सो टू कट हो जाते, तो अभी संजय गांधी तो देखा हमने वो तो राइट है, दुधवा अगर आप देखोगे तो यूपी में आता है वो भी राइट है, दाचीगम भी गलत आ जाएगा यहाँ पे। सो दाचीगम कहाँ पे आता है, सो दैट इज इन द जम्मू कश्मीर ओके। सो ओनली वन एंड थ्री इज द राइट आंसर ओके, वन एंड थ्री इज द राइट आंसर ओके, दुधवा एंड संजय गांधी ओनली, समझ रहे हैं सबको यस। नेक्स्ट देखो बिग फाइव किसको कहेंगे, बिग फाइव ये तो हमने कल ही कवर किया था राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द एज अ बिग फाइव, यस सिंपल आंसर है ना, सो दैट इज द यस काजीरंगा है ना, सो इट इज नोन एज द बिग फाइव, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो काजीरंगा इज नोन एज द बिग फाइव ठीक है। हमने कल देखे थे बहुत सारे स्पीसीज, वो अगेन रिवाइज कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलो वेस्ट टू ईस्ट लगाओ इसको, क्या होगा इसका आंसर, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो सबका राइट आना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट यस, व्हाट इज द आंसर, यस आंसर इज द यस, नबीला ध्यान नहीं है लेक्चर में, सुबालक्ष्मी ऑल्सो फोकस करो लेक्चर पे, फोकस करो, क्लियर नहीं दिख रहा है, रिजोल्यूशन इंक्रीज करो संस्कृति। अरे भाई थोड़ा सा, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, मॉन्ग डी है ना, बस मॉन्ग डी याद रखना था, इसमें भी गलत कैसे हो सकता है। मानस ये फर्स्ट आ जाएगा, मतलब टू फर्स्ट चाहिए, ये तो सी एंड डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं फिर तो। देन उसके बाद ओरांग ओके जो कि थर्ड है, चलो यहाँ पे आंसर राइट आ गया बराबर है। देन एन मतलब नमेरी होगा ठीक है, तो नमेरी तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं बराबर है, तो डायरेक्टली काजरंगा आ गया, काजरंगा आ जाएगा फिर फोर ओके। देन आफ्टर दैट लास्ट इज द डी, मतलब क्या है, डिब्रू साइखोवा, तो मॉन्ग डी याद रखना था बस आसाम में आपको है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इज बी है ना, 2 3 4 1 ओके यस यस क्लियर है एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कांगेर वैली अभी तक हमने दिया नहीं है बट स्टिल इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, सो दैट इज कांगेर वैली इज इन द यस विच पार्ट, छत्तीसगढ़ पार्ट ओके। सो देखेंगे हम इसको, सो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यस सो छत्तीसगढ़ बाकी था हमारा, छत्तीसगढ़ देखते हैं, महाराष्ट्र हमने कवर कर लिया, नाउ लेट्स मूव टू द छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क आते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमने जो अभी क्वेश्चन में देखा है कांगेर वैली नेशनल पार्क, सो वो आएगा, यस फर्स्ट रहेगा वो कांगेर वैली नेशनल पार्क, थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। उधर तो दिया नहीं है बट यहाँ पे कुछ याद रखो, ठीक है। सो दैट इज़ अ कांगेर वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है बस्तर प्लाटू और दंडकारण्य प्लाटू, और यहाँ से महानदी रिवर निकलती है एंड दैट गोज़ टू द उड़ीसा, और यहाँ से इंद्रावती रिवर निकलती है एंड दैट गोज़ टूवर्ड द गोदावरी। इंद्रावती रिवर, ऐसे दो रिवर निकलती है यहाँ से, इंद्रावती जो कि गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो महानदी एंड इंद्रावती, सो दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस दंडकारण्य रीजन या बस्तर रीजन। तो ऐसे दो रिवर यहाँ से निकल रहे हैं और इसके आसपास ही मतलब एक दो आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो, सो ये उड़नती, सीता नदी एक्सेट्रा, उसके थोड़ा सा यहाँ आसपास ही रीजन में दिखेगा कांगेर वैली, ओके। सो दैट इज़ द कांगेर वैली फर्स्ट, ठीक है। देन इंद्रावती, तो इंद्रावती रिवर के पास ही यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट इज़ द इंद्रावती नेशनल। चलो दो हो गए, और गुरु घसीदास जो है, घासीदास जो है, गुरु घासीदास, तो जो हमने एमपी में देखा था संजय नेशनल पार्क, याद है सबको, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना एमपी में संजय नेशनल पार्क, एमपी में देखा था, राइट, ठीक है। तो उसका ही एक्सटेंशन जो हमने एमपी में देखा था संजय नेशनल पार्क, उसका ही एक्सटेंशन जो छत्तीसगढ़ में आता है, सो इट इज नोन एज द गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, ओके। सो उसका ही यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन दिस पार्ट, ओके। सो ये आ गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, क्लियर एवरीवन, या यस एग्जैक्टली। महाराष्ट्र नहीं, अरे भाई नीलेश, महाराष्ट्र कैसे आएगा यहाँ पे, ये एमपी का पार्ट है ना, संजय नेशनल पार्क इज द एमपी, यस नीलेश अंडरस्टूड, महाराष्ट्र कहाँ से आ गया, एमपी आएगा ना यहाँ पे, तो एमपी आ जाएगा, एमपी में संजय नेशनल पार्क जो था उसका ही एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में जो है, सो दैट इज द गुरु घासीदास, ओके क्लियर, यस ठीक है। सो बाकी अमरकंटक एक्सेट्रा रीजन ये तो पता है आपको, यहाँ से नर्मदा बेस की तरफ फ्लो होती है, ऊपर की तरफ सोन रिवर फ्लो होती है, बट इसके आसपास तो कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो फिलहाल तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। तीनों ही याद रखो, गुरु घासीदास, इंद्रावती एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क, ओके। सो देखते हैं वन बाय वन, तो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क देखो यहाँ पे आ जाता है ना, सो ईस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा जहाँ पे बस्तर रीजन है, बस्तर नाम का डिस्ट्रिक्ट है उनका, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट इज़ द कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ओके। और उसके बाद ये कांगेर घाटी हमने एक देखा है यहाँ पे, तो बाकी देखो बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया है, बिकॉज यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आती है मानसून की, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा रेनफॉल होता है, ओके। तो इसलिए ये पूरा फॉरेस्टेड रीजन है, एंड एज यू नो दैट कि नक्सलाइट रीजन भी है, नक्सलाइट का भी पार्ट है, राइट। रेड कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेड कॉरिडोर, राइट। तो ऐसा ये पार्ट है, रेड कॉरिडोर या नक्सलाइट रीजन है पूरा छत्तीसगढ़ का, अगर हम मैक्सिमम पार्ट देखते हो तो, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ के स्टेट क्लियर है ना सबको, एमपी एक्सेट्रा ये क्लियर है, वेस्ट की तरफ महाराष्ट्र आता है और साउथ की तरफ यहाँ पे आंध्र का पार्ट लग जाएगा, ठीक है, एंड ईस्ट की तरफ पूरा उड़ीसा आता है, ओके यस। सो देखो संजय नेशनल पार्क सबसे पहले जो हमने एमपी में देखा था उसका ही एक्सटेंशन है गुरु घासीदास, बराबर है, दिख रहा है, एमपी में हमने जो देखा था ना यहाँ पे, तो उसका ही एक्सटेंशन मतलब गुरु घासीदास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया है एमपी में, तो इसलिए इसको स्किप कर देता हूँ, और इसका ही एक्सटेंशन है गुरु घासीदास, याद रखना। तो ये एक गुरु थे, गुरु घासीदास, गुरु टीचर ऑफ द सतनाम पंथ इन अर्ली ऑफ द 19th सेंचुरी। सतनामी सेक्ट इज सिमिलर टू द सिखिज्म, ओके। इट वॉज गुरु घासीदास हु डिसाइडेड टू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरी वन द सेम इन अ डीप फॉरेस्टेड पार्ट इन द छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उन्होंने फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लेते हैं और सबको एक सिमिलरली, मतलब जो भी फॉरेस्ट में डिफरेंट फौना स्पीसीज होता है, राइट, तो इसके बारे में उन्होंने मतलब थोड़ा इनिशिएटिव लिया था कि चलो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी रखेंगे या फिर जो भी लाइक एनिमल्स है तो उनके लिए हम यहाँ पे उनका प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। तो ऐसे उनकी आइडियोलॉजी थी, शायद उस वजह से उनका नाम यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने शुरुआत छत्तीसगढ़ में की थी उसकी, ठीक है। तो इसलिए जो एमपी का एक्सटेंडेड पार्ट है छत्तीसगढ़ में, तो उसको नाम दिया हमने गुरु घासीदास, यस गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ओके चलेगा। तो चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इंद्रावती, बाकी गुरु घासीदास में सिमिलर रहेगा पूरा फौना एक्सेट्रा जो हमने संजय नेशनल पार्क में देखा था, राइट।
एमपी में जो आता है ना संजय नेशनल पार्क, तो उसका उसके जैसे सेम यहाँ पे स्पीसीज हो गए, जैसे कि लियोपर्ड है, स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, नीलगाय चिंकारा सीवेट एक्सेट्रा, वही रह गए। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करता हूँ, आगे चलते हम। नेक्स्ट है इंद्रावती। इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, बताओ फास्ट। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो हमने देखा बस्तर रीजन से ऐसे कुछ फ्लो होती है साउथ की तरफ, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी आएगी? यस, इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, यस, गोदावरी, राइट? सो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सो दैट इज द इंद्रावती। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी था, राइट? तभी ये बहुत एक बड़ी रिवर है, अच्छी खासी बड़ी रिवर है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे थोड़े से वेटलैंड भी आपको मिल सकते हैं। और ये बफेलो बहुत फेमस है, मतलब ऐसे वेटलैंड में बफेलोज आपको दिखने को मिलते हैं, वाइल्ड बफेलोज, एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर द वाइल्ड बफेलोज। सो इट इज़ नियर बाय इंद्रावती रिवर एंड इट इज़ होम टू द वन ऑफ द मोस्ट लास्ट ऑफ रेयर पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड बफेलोज। तो ये फेमस है वाइल्ड बफेलोज के लिए। ओके, सो दैट इज द इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी भी आता है नीलगाय, ब्लैकबक, चौसिंगा, एंड आफ्टर दैट सांबर, चीतल, है ना, ऐसे स्पीसीज है ना। तो बट हम इसको अभी नहीं कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखो, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोकेशन समझ गया सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इंद्रावती का लोकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंद्रावती नेशनल पार्क। सो दिस इज द इंद्रावती नेशनल पार्क। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो ईस्ट की तरफ आता है, महानदी के ईस्ट की तरफ। ओके, महानदी के ईस्ट की तरफ, सो कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ओके, सो जगदलपुर जो पार्ट है बस्तर रीजन, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा बस्तर हिल्स में, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज डेंसेस्ट नेशनल पार्क एंड इज़ नोन फॉर इट्स बायोडायवर्सिटी, लैंडस्केप एक्सेट्रा, उसके लिए फेमस है। और बहुत ही अच्छा एक डेंस काइंड ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बाकी टाइगर एक्सेट्रा यहाँ पे मिलते हैं, एंड कांगेर रिवर जो इसके इन बिटवीन फ्लो होती है। ओके, कांगेर रिवर मतलब ये इंपॉर्टेंट रिवर है, वन ऑफ द पेरिनियल रिवर माने जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम तक इसको वाटर रहता है ये रिवर में। ठीक है, सो ये जो कांगेर घाटी है, तो इट इज़ ऑन द कांगेर रिवर। ओके, कांगेर रिवर ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ऐसे कुछ चौक लैंडफॉर्म्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जब हमने लैंडफॉर्म का टॉपिक लिया था तब मैंने आपको बताए थे कि चौक या लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं ना, स्टैलेक्साइट, स्टैलेगमाइट, पिलर, ये जो स्ट्रक्चर होता है हमें जी सी लॉन्ग में भी मिल जाएगा आप लोगों को। जी सी लॉन्ग अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ जाएगा, लैंडफॉर्म जो टॉपिक है तो उसमें ये पिलर, स्टैलेक्साइट, स्टैलेगमाइट जो फीचर होता है ना, तो इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में दिख सकता है, सो दैट इज़ विजिबल इन द केव्स ऑफ कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चौक लैंडफॉर्म्स है, तो ये चौक लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, एंड मोस्टली ये एरिया मतलब इंद्रावती है या गोदावरी के कैचमेंट एरियाज में ही आता है ये सब एरियाज। आप देखो इंद्रावती के भले ही ईस्ट में रहेगा, तब बाकी फिर यहाँ पे मिल्की फॉल्स एक्सेट्रा, ये फेमस पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखो गुजरात। चलो अभी हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है बताओ फास्ट, क्या क्या कवर किया अभी तक हमने? सो राजस्थान हो चुका है हमारा, देन एमपी कवर किया हमने, छत्तीसगढ़ ऑल्सो कवर्ड, झारखंड ऑल्सो कवर्ड, महाराष्ट्र हमने कवर किया। ओके, तो इतना सारा हमारा कवर हो चुका है, नाउ गुजरात बाकी बस, है ना। तो गुजरात एक देख लेते हैं और उसके बाद उड़ीसा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने आज कवर किया है, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द गुजरात। सो गुजरात में देखो वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक वेलवदार नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, देन मरीन मतलब गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे अर्लीस्ट अगर हम देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे कुछ पार्ट था, एंड इवन इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है फिर बता सकता है मुझे? इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आता है फास्ट? फास्ट एवरीवन, यस, गल्फ ऑफ मन्नार, नो, सो इट इज द, यस, रन ऑफ कच्छ। ओके, एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो मरीन, मरीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूँ। मरीन में अगर देखोगे मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, सो देन गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट। ओके, सो इफ यू सी एरिया वाइज ओवरऑल आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व, देन रन ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? रन ऑफ कच्छ। ओके, रन ऑफ कच्छ रीजन। ओके, यस, नॉट गल्फ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ओके, रन ऑफ कच्छ आ जाएगा।
और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है तो वो नेशनल पार्क है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ इज द बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, एंड गल्फ ऑफ कच्छ इज द नेशनल पार्क। ये डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे से याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? देखो ठीक से याद रखो, रन ऑफ कच्छ जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके, यस। एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ कच्छ, सो इट इज द मरीन नेशनल पार्क है, सो इट इज द मरीन नेशनल पार्क। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलो देखते वन बाय वन। सो वंसदा अगर आप देखोगे तो बहुत ईस्ट की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ आता है वंसदा नेशनल पार्क। देन आफ्टर दैट ब्लैकबक नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ खंबात की तरफ आता है। सो ये गल्फ ऑफ खंबात है यहाँ पे, तो उसके आसपास कौन सा आएगा? ब्लैकबक नेशनल पार्क। ओके, ब्लैकबक नेशनल पार्क इज टू द गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में पता है ना आपको साबरमती फ्लो होती है, देन मही होगी, नर्मदा, ओके, देन आफ्टर दैट तापी रिवर। सो दिस फ्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। इसलिए यहाँ पे कोरल्स नहीं मिलते, बट मैंग्रोव का बहुत अच्छा लोकेशन है, मैंग्रोव्स बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में, और इसीलिए ये फेमस है खराई कैमल्स के लिए। कुछ खराई नाम के यहाँ पे कैमल्स आते हैं, तो ये खराई कैमल के लिए फेमस है। खराई मतलब जो खारे पानी में आसपास मिलते हैं, मतलब जो मैंग्रोव्स इनका मेन फूड होता है, तो मैंग्रोव यहाँ पे अच्छा मिलता है गल्फ ऑफ खंबात में, तो इसलिए यहाँ पे खराई नाम के कैमल्स मिलते हैं आपको, जो कि स्विम कर सकते हैं, 2-3 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये रीजन जो है तो वो बहुत फेमस है खराई कैमल्स के लिए, गल्फ ऑफ खंबात रीजन। तो इसके आसपास कौन सा नेशनल पार्क है? ब्लैकबक नेशनल पार्क। देन आफ्टर दैट गिर नेशनल पार्क, एज यू नो दैट इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द लायंस, ओके। देन आफ्टर दैट लास्ट इज द मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। यस एग्जैक्टली, इस पे 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो ईस्ट टू वेस्ट देखो, वंसदा, ब्लैकबक, गिर एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ओके। सो गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ भी ऐसे के भी आ सकते हैं ना, सो दैट इज द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये कुछ वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द फर्स्ट, वंसदा, जो कि महाराष्ट्र के साइड में थोड़ा सा लग के आता है। सो वंसदा नेशनल पार्क नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कुछ आ जाएगा। अंबिका नाम की एक रिवर है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर स्मॉल रिवर होगी तो उतनी ज़रूरत नहीं इसको डिटेल में जाने की। सो वेस्टर्न घाट सह्याद्री रेंज, इसके आसपास कुछ आ जाएगा, इंडियन लियोपर्ड, ढोल, रेसस, मकाऊ एक्सेट्रा, इसके कुछ पार्ट्स है, ओके। एंड बंगाल टाइगर यहाँ पे इज रिपोर्टेड एक्सटिंक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ओके। अभी अभी तक हमने देखा है कि जो टाइगर्स थे, ठीक है, बंगाल टाइगर्स जो है तो मैक्सिमम राजस्थान, रणथंबोर तक आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र तक दिख रहा है, बट उसके बाद ऑलमोस्ट गुजरात में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं टाइगर्स, ओके। तो इसलिए याद रखना, सो बंगाल टाइगर्स इज रिपोर्टेडली एक्सटिंक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो अगर रिसेंटली अगर देखोगे तो, ठीक है। तो याद रखना वंसदा है ना, तो यहाँ पे ये हाइनाज भी मिलते हैं, ये हाइनाज है, हाइना, ठीक है। सो ये हाइनाज भी यहाँ पे मिलता है, सो जो कि वंसदा नेशनल पार्क है ईस्ट की तरफ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन उसके बाद ब्लैकबक है, इनका भी पोचिंग का बहुत डर होता है, इनको मीट के लिए बहुत ज़्यादा पोच किया जाता है, मतलब इनका हंटिंग किया जाता है। सो दिस आर द ब्लैकबक नेशनल पार्क। सो ये कहाँ पे आता है? गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आपको, गल्फ ऑफ खंबात के आसपास, गल्फ ऑफ खंबात इसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लैकबक है, ब्लैकबक नेशनल पार्क। सो बाकी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे अरिड टू सेमी अरिड काइंड ऑफ रीजन आता है। बाकी बस्टर्ड के भी पॉपुलेशन मिल जाएंगे, मैकमीन्स बस्टर्ड ऐसे कुछ आता है, मतलब बस्टर्ड के सब स्पीसीज में आपको मिल जाएगा, मतलब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी सब स्पीसीज है मैकमीन्स बस्टर्ड, तो वो यहाँ पे मिलते हैं। हाइनस जो हमने लास्ट इमेज में दिखा वो एक मिलता है, एंड सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे मिलेगा, राइट। सवाना जो ग्रासलैंड इसलिए मिलता है बिकॉज यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये साउथ वाला पार्ट है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे सवाना काइंड ऑफ ग्रासलैंड तो यहाँ पे मिलता है ऐसे कुछ। ये जो ग्रासलैंड आपको दिख रहा है थोड़ा सा ड्राई एक्सेट्रा ग्रासलैंड होगा, तो ये सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड रहेगा, ठीक है। तो ब्लैकबक के लिए ये फेमस है, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होती है ग्रास की, ओके। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस, हाँ यस एग्जैक्टली, हाँ सलमान ने इसको ही मारा था ना, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू यस शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल शेड्यूल वन हम देखते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आता है ये ब्लैक बक, राइट। तो इसको ही मारा था सलमान भाई ने, बराबर है। आज राधे का टाइम आ गया उसका, है ना, बराबर है। आज क्या दिन आ गया उनके, बराबर है। तो एनी वेज बात यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, तो उसके शेड्यूल वन में आ जाता है,
तो शेड्यूल 1 में क्या क्या प्रोविजंस है? तो ऑलमोस्ट 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, 3 years to 7 year इम्प्रिजनमेंट, एंड प्लस 10K to 15, 25K तक के फाइन हो सकते हैं, 10,000 से लेके 25,000 तक का फाइन हो सकता है फॉर द रिपीटेडली क्राइम्स। सो याद रखना, 3 से 7 साल की सजा, अगर रिपीटेडली क्राइम करते हो तो 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ब्लैक बक को इंक्लूड करके रखा है, और इवन इसको डिक्लेयर भी कर दिया एक नेशनल पार्क ऑल्सो। ओके, यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस, क्लियर है यहाँ तक सबको? ग्रेट। तो चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं गिर नेशनल पार्क। सो इट इज़ इंडियाज ओनली नेशनल पार्क कि जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में आपको लायंस मिलेंगे, बाकी इंडिया में एशियाटिक लायन नेचुरली कहाँ पे नहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे यूपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है कि ओनली नेचुरल, मतलब यहाँ पे ओनली यहाँ पे ही मिलता है, नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली सिर्फ यहाँ पे मिलता है, बाकी हमने कूनो पालमपुर में इसको ट्रांसलोकेट किया था, तो इसलिए आर्टिफिशियली ऐसा ट्रांसलोकेशन से तो बाकी जगह पे भी अवेलेबल हो सकता है, बट नेचुरली अगर देखा जाए तो ओनली एशिया में, एंटायर एशिया में अगर आप देखोगे तो एशियाटिक लायन सिर्फ हमारे यहाँ पे गुजरात में मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में। ओके, सो याद रखना इसको, ये पॉइंट को। सो काठियावाड़ के रीजन से कुछ, ये काठियावाड़ का पार्ट है, काठियावाड़ पेनिनसुला का जो पार्ट है यहाँ पे काठियावाड़ है, ठीक है, तो इसके ही साउथ की तरफ आपको गिर में मिल जाएगा, ठीक है। गिर नाम की एक रिवर भी, छोटी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। सो दैट इज द गिर नेशनल पार्क। ओके, सो गिर नेशनल पार्क के साउथ में दिख जाएगा आपको, सो सॉरी काठियावाड़ पेनिनसुला जो है तो उसके साउथ में आपको मिल जाएगा, दैट इज द गिर नेशनल पार्क। ओके, सो बस उतना याद रखो, एशियाटिक लायन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो लियोपर्ड एंड उसके बाद यहाँ पे लाइक बंगाल फॉक्स एक्सेट्रा, एशियाटिक वाइल्ड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये अदर भी स्पीसीज मिलते हैं, बट डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, यस, ओके, सो चलेगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे ड्रॉट एंड साइक्लोन से थोड़ा थ्रेट होते रहता है, बट इट्स मैनेजेबल, अब मतलब उतना उसका रेस्क्यू एक्सेट्रा हो या फिर उतना प्रोटेक्शन तो उसको दे के रखा है। सो आज तक अगर आप देखोगे तो लायंस को बहुत अच्छे से हमने प्रोटेक्ट करके रखा है ये गिर के पार्ट्स में। सो अभी तक तो इतना ज़्यादा कुछ थ्रेट नहीं हुआ है, सो नाउ इट इज़ लाइक परफेक्टली प्रोटेक्टेड। ओके, सो दैट इज़ गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये काठियावाड़ रीजन है, देखो ये वाला काठियावाड़ है और यहाँ पे दिख रहे गिरनार हिल्स, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा गिरनार हिल्स का पार्ट। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट, सो दैट इज द गिरनार हिल्स, ये पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मरीन नेशनल पार्क। तो वैसे तो हम गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे कॉमा करके इसको लगाया जाता है, बट एक्चुअली इसको ओरिजिनल नेम ऐसे मरीन नेशनल पार्क ही नेम है, एंड कॉमा गल्फ ऑफ कच्छ, बट हम गल्फ ऑफ कच्छ याद रखेंगे सो दैट हमें याद रखने के लिए सिंपल जाएगा। और यहाँ पे कोरल्स मिलेंगे आपको, यस डेफिनेटली, बिकॉज कोई रिवर गल्फ ऑफ कच्छ में फ्लो नहीं होती है, मतलब जो भी लूनी रिवर आती है राजस्थान से वो रन ऑफ कच्छ में ही एंड हो जाती है, राइट, ये पहुंच नहीं पाती है गल्फ ऑफ कच्छ तक, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई रिवर नहीं मर्ज होती है, तो सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे अगर कोई मर्ज नहीं होती रिवर तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा, अगर सेडिमेंटेशन नहीं है तो कोरल्स मिलने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो इसलिए इंडिया के जो हमने 4 लोकेशन देखे थे कि जहाँ पे कोरल्स मिलते, तो उसमें से गल्फ ऑफ कच्छ में आपको कोरल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ इन द देवभूमि, द्वारका जो सेक्शन आता है, द्वारका रीजन जो है, जो 4 धाम में से एक धाम है ना द्वारका, तो उसके नॉर्थ में यहाँ पे देखोगे तो गल्फ ऑफ कच्छ का कुछ रीजन आ जाता है, इवन यहाँ पे जामनगर की कोस्ट आती है कुछ, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय रिफ, कोरल रिफ ऑल्सो, एंडेंजर सी टर्टल यहाँ पे मिलते हैं, डुगोंग यहाँ तक मिलते हैं, देखो मतलब गल्फ ऑफ मन्नार में जो सी मैमल है डुगोंग, है ना, थोड़े से सील जैसे दिखते हैं देखो, तो ये डुगोंग यहाँ तक आपको मिलते हैं डुगोंग। ओके, सो डुगोंग जो सी मैमल जिसको हम बोलते हैं, इवन लार्ज वेल्स सच एज ब्लू वेल्स, सी वेल्स, ऐसे भी यहाँ पे कुछ मिलते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो याद रखना इसको, एक बार फास्ट इसको ओवरलुक कर लो। सो दिस इज द मरीन नेशनल पार्क, जामनगर के आसपास आता है। ओके, सो देख लो यहाँ पे, ये द्वारका है तो उसके नॉर्थ में, ये द्वारका के नॉर्थ में यहाँ पे पिरोतम, वाडीनार, नरारा, है ना, सो ये ऐसे कुछ पार्ट से देख लो यहाँ पे, फास्ट ओवरलुक दिस पार्ट। फास्ट एवरीवन, क्लियर यहाँ तक?
तो कोरल्स का पार्ट है ये, मतलब मोस्टली कोरल्स के लिए फेमस है ये पार्ट पूरा। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क इन इंडिया, तो इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। ओके इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क अगर कौन सा है, सो दैट इज़ दिस गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ओके तो कोरल्स मिल जाएगा, याद रखना। इंडिया में जो चार रीजन्स मैंने बताए थे कोरल्स के लिए, दैट इज़ अंडमान निकोबार फर्स्ट, सेकेंड गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड लक्षद्वीप एंड फोर्थ इज़ दिस गल्फ ऑफ कच्छ। ओनली चार रीजन्स हैं, तो उसमें से यहाँ पे आ जाएगा कोरल्स। बट इसको थ्रेट किसका हो सकता है, दैट इज़ द रिफाइनरीज। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी आपको कहाँ पे मिलेगी, जामनगर में। जामनगर रिलायंस की, पता है ना सबको, रिलायंस की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है इंडिया की ओवरऑल, मतलब जो हमारे डिफरेंट वेंचर्स आते हैं उसमें से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो मतलब जो रिलायंस की रिफाइनरी आती है तो वो जामनगर में आती है, ठीक है। तो इसका ही थ्रेट है उसको, बस बाकी अगर देखा जाए तो बाकी अभी उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं, बट यही इसी वजह से जो हो सकते हैं वो थ्रेट हो सकता है। ओके सो यस एग्जैक्टली यस। सो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में देख लो कौन से, गल्फ ऑफ कच्छ एक आता है, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि नेशनल पार्क में आता है, और बाकी तो यहाँ पे तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ मरीन नेशनल पार्क जो येल्लो में आपको दिख रहे हैं, कि कडालुंडी भी आता है, साउथ बटन है ना, तो ये अलग अलग यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क से। भितरकनिका इज ऑल्सो द मरीन नेशनल पार्क जो उड़ीसा में हम इसके बाद देखने ही वाले हैं। ओके सो दीज आर द मरीन नेशनल पार्क, बाद में इसको गो थ्रू कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द उड़ीसा। जो हमने देखा भितरकनिका इज ऑल्सो द काइंड ऑफ मरीन नेशनल पार्क। देखो ये भितरकनिका पूरा कोस्ट पे आता है, पूरा कोस्ट की तरफ आता है, राइट। सो भितरकनिका एंड सेकेंड इज द सिम्पलीपाल। सो दो ही नेशनल पार्क आते हैं उड़ीसा में, ओके भितरकनिका एंड यस सिम्पलीपाल। क्लियर है लोकेशन सबको, सिम्पलीपाल एंड भितरकनिका, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ओके सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस सो देखते हैं यहाँ पे, सो भितरकनिका फर्स्ट है ना, पूरा कोस्ट के पास है, देखो यहाँ पे। सो भितरकनिका इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सम केंद्रापारा ओडिशा एक्सेट्रा, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो द रामसर साइट। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, तो रामसर साइट है ना ये, बराबर है, तो ये वेटलैंड जैसा रीजन है, तो इट्स ऑल्सो द भितरकनिका इज ऑल्सो द रामसर साइट। तो गहीरमट्टा नाम का एक यहाँ पे बीच आता है, इसके आसपास मरीन सेंचुरी भी है, तो ये मरीन सेंचुरी भी खुद भी एक मरीन सेंचुरी है और गहीरमट्टा बीच है। सो विच इज़ वेरी फेमस फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल है ना, तो जो आपको दिख सकते हैं यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल, तो इनका हैचिंग यहाँ पे होता है ऑलिव रिडले टर्टल्स का, ठीक है। तो ये गहीरमट्टा उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन अनडेंटेड बाय रिवर ऑफ ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा एंड पथसाला। तो इसमें से याद ऐसी रखनी है, तो ब्राह्मणी बैतरनी याद रखो, ब्राह्मणी बैतरनी एंड दिस धमरा रिवर ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर विच आर फ्लोइंग टूवर्ड द भीतरकनिका, तो भीतरकनिका की तरफ ये फ्लो होते हैं, ब्राह्मणी बैतरनी एंड धमरा। क्लियर है यहां तक सबको? यस अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है? तो यहां पे देख लेना ये, सो ब्राह्मणी बैतरनी एंड धमरा रीजन। ओके सो ये बाकी फिर मैंग्रोव का पार्ट है, एज यू नो दैट कि ये वेटलैंड है, बराबर है, तो ये ब्राह्मणी का जो पार्ट होगा या इसकी वजह से जो डेल्टास बने यहां पे, सो दैट इज द पार्ट ऑफ मैंग्रोव ऑल्सो। ओके फास्ट इसको एक बार रिवाइज करो। यस अंडरस्टूड, ठीक है। सो मैंग्रोव स्पीसीज, ओके अब यहां पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, देन आफ्टर दैट इंडियन पाइथन, ब्लैक इबिस, ओके डार्टस ऑलिव रिडले टर्टल, सो यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज आ जाएंगे, एंड गहीरमट्टा बस उसके लिए याद रखना ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। ओके क्लियर यहाँ तक? ओके चलेगा। सो नेक्स्ट है तो ये देख सकते हो आप, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज वेरी फेमस इन दिस एंटायर भितरकनिका नेशनल पार्क। ओके तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए याद रखो बस इसको, गलती से भी यहाँ पे घरियाल एक्सेट्रा मत लिखो, बिकॉज घरियाल ये उतने ये रीजन्स में नहीं मिलता है, ठीक है। सो घरियाल जो मोस्टली होते हैं तो वो चंबल रिवर के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट दोज आर मोस्टली इन द चंबल रिवर। ओके सो घरियाल वगैरह मत लिखना, तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आती है, ठीक है। सो देर इज द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके यस नेक्स्ट इज द सिम्पलीपाल। ओके सो नेक्स्ट इज द सिम्पलीपाल। सो सिम्पलीपाल देखो ऊपर की तरफ, सो सिम्पलीपाल इज अ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ओके तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओके तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के आसपास आता है,
एंड यहाँ पे दो रिवर आ जाएगी, है ना। सो इसके ईस्ट में सुवर्ण रेखा है और साउथ की तरफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बिटवीन आ जाएगा सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। सो देख लो। बाकी फिर यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, ये पार्ट आ जाते हैं। तो कुलदिया देख लेना, कुछ करंट में न्यूज़ में था, तो कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके आसपास के पार्ट है। और बाकी फिर यहाँ पे सिल्क के लिए इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, और बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर, चौसिंगा एक्सेट्रा, ये पार्ट है। एंड द प्रोटेक्टेड एरिया इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को, यस, बायस प्रिजर्व। तो यूनेस्को के मैप जो लिस्ट है तो उसमें भी ये आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायस प्रिजर्व, मतलब ये मैप साइट में भी आता है, याद रखो, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैप साइट। और यहाँ पे कुछ ट्राइब मिलते हैं सिम्पलीपाल में, सो दैट इज खांदिया, हो एंड संथाल। सो दीज आर द फेमस ट्राइब इन दिस पार्ट, ओके। सो संथाल, हो एंड खांदिया, ओके। सो खादिया समथिंग इज दैट, ओके। सो ये हिस्ट्री में भी आपको आ जाएगी ना, संथाल, संथाल ट्राइब हिस्ट्री में भी मिल जाएगा, राइट। तो ये सिम्पलीपाल के आसपास आते हैं संथाल ट्राइब, ओके। एंड फिर यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज़ हेल्प द मगर क्रोकोडाइल टू सर्वाइव द फ्लरिश एंड बैंक ऑफ द खैरी समथिंग रिवर आती है। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन हुआ था, जो इंडिया ने देखो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, जैसे हमने टाइगर प्रोजेक्ट देखा या एलिफेंट देखा या कल परसों ने स्नो लेपर्ड भी देखा था, तो वैसे ही इंडिया ने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। तो ये मोस्टली सिम्पलीपाल में भी उसका कंजर्वेशन हुआ था। तो ऑल्सो यस वी डन द कंजर्वेशन ऑफ इन द सेम रीजन, इन द सिम्पलीपाल रीजन, ओके, क्लियर है यहाँ तक, यस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नाउ उड़ीसा में, क्लियर है सबको। तो उड़ीसा में दो ही आते हैं, तो मुझे लगता है याद रह जाएगा आपको, ठीक है। सो दैट इज द भितरकनिका एंड सेकेंड इज द सिम्पलीपाल, ओके, भितरकनिका एंड सिम्पलीपाल, ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। सिम्पलीपाल एंड भितरकनिका, एवरी वन अंडरस्टूड। तो एक मरीन में आ जाएगा, मरीन नेशनल पार्क में आता है भितरकनिका, जो गहिरमट्टा पार्ट याद रखो ऑलिव लीडेड टर्टल के लिए, एंड सिम्पलीपाल जो है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट, यस। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर गोवा। गोवा में एक ही आता है, मोलेम नेशनल पार्क, ओके। सो दैट इज द भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ऐसे भी आपको दिख जाएगा। तो भगवान महावीर सेंचुरी, ओके, सो ये भी कुछ करंट अफेयर्स में हो था कुछ दिनों पहले, इनका कुछ एरिया इंक्रीज करने वाले थे, एंड यूपीएससी में भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट इस पे क्वेश्चन थे। तो भगवान महावीर सेंचुरी, ओके, भगवान महावीर सेंचुरी इसका पार्ट है और इसी पे क्वेश्चन था, है ना। तो सेंचुरी भी देखो इतने 500 प्लस सेंचुरीज होता है, ओके, तो 500 प्लस सेंचुरी कैसे याद रखना है, इसको स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। तो देखो अगर कोई सेंचुरी का अगर पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो तब हम इस पर फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब इतने सारे सेंचुरीज पढ़ना उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेंचुरीज भी वही पढ़ो जब करंट अफेयर्स में हो, ठीक है। तो ये भगवान महावीर सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वॉज इन द न्यूज़, ओके, मोलेम नेशनल पार्क इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लो क्या क्या है। सो भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ओके, सो ये कुछ यहाँ पे संगवीम कुछ रीजन आता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न बॉर्डर विद द कर्नाटका। तो इसका ही एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो कर्नाटक के साथ ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो मतलब मोलेम नेशनल पार्क ऑल्सो बॉर्डर विद द कर्नाटका के, दूध सागर फॉल आता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेमस एक फॉल है, इट्स होम टू वाटरफॉल सच एज दूध सागर वाटरफॉल एंड तांबड़ी फॉल्स, ऐसे कुछ आता है। तो इवन वेस्टर्न कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आएगा, मतलब एवरग्रीन बहुत ही अच्छा एक फॉरेस्ट है यहाँ पे, मलबार जाइंट स्क्विरल होगा, या फिर मतलब ऑब्वियसली ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये कम्प्लीटली सह्याद्री का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा डेंस फॉरेस्ट होगा, बाकी फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आते हैं। तो फॉल्स यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे दूधसागर तो आपको पता होगा, यहाँ पे है ना मूवी की शूटिंग भी हुई थी दूधसागर फॉल में, ओके, तो इसके आसपास मतलब। सो दैट इज द चेन्नई एक्सप्रेस, पता होगा ना सबको, यस। तो ये कौन सी रिवर है, सो दैट इज द महादेवी रिवर जो होती है। दूधसागर फॉल सी ऑफ मिल्क इसको कहा जाता है, फोर टीयर वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द मांडवी रिवर, सॉरी महादेवी मांडवी रिवर, मतलब ये एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी है। सो ये जो फॉल है तो वो रिवर कौन सी है, मांडवी रिवर, ओके, सो दैट इज द मांडवी रिवर, है ना। तो ये मूवी तो देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस, बराबर है, तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली ये शो किया था ना, बराबर है। तो ये जो फॉल है एक्चुअली तो वो कौन से रिवर पे आता है, यस दैट इज द मांडवी रिवर, और यही इसके आसपास का ही जो एरिया है, सो दैट इज द मोलेम नेशनल पार्क, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सो दैट इज द भगवान महावीर सेंचुरी या मोलेम नेशनल पार्क के सराउंडिंग एरिया ये सब। और यहाँ से ये रिवर फ्लो होती है मांडवी रिवर, सो इट इज अमोंग द इंडियास्ट टॉलेस्ट वाटरफॉल। वैसे तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल आता है कर्नाटक में,
एंड वो कौन सी रिवर पे आता है? यस, कौन सी रिवर पे आ जाएगा? सो दैट इज ऑन द शरावती रिवर. ओके, जोग फॉल. ओके, सो जोग फॉल जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम वाटरफॉल है, जोग फॉल्स. ओके, गिरसिप्पा जिसको हम बोलते हैं, तो वो कर्नाटक में आता है, बट वन ऑफ द बोला है यहाँ पे. सो इट इज़ वन ऑफ अमोंग्स द इंडियाज़ टॉलेस्ट वाटरफॉल. सो ऐसा ये टॉलेस्ट में एक आ जाएगा, मांडवी पे आता है, याद रखना मांडवी रिवर है. सो द वाटरफॉल फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द कर्नाटक एंड गोवा. तो ये कर्नाटक एंड गोवा के बाउंड्री पे ही आ जाता है ना, तो कर्नाटक एंड गोवा के यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स पे आ जाएगा. तो बस मांडवी रिवर याद रखो, जो गोवा की इंपॉर्टेंट रिवर है. गोवा में दो इंपॉर्टेंट रिवर आती है, मांडवी एंड जुआरी. ओके, जुआरी नाम की एक रिवर है एंड मांडवी, बट अभी फिलहाल के लिए तो मांडवी याद रखो, मांडवी रिवर. ओके, यस. चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटका जाते हैं अभी, आ जाओ नीचे की तरफ, गोवा से नीचे आना है अभी सबको. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द कर्नाटका. ठीक है, सब सही चल रहा है ना सबको? देखो कितना भी स्ट्रेस आ जाए बट ये लेक्चर्स करो, बिकॉज क्या है ना कि यही आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे. कॉन्फिडेंस आता है जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो भले ही कुछ स्ट्रेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट लेक्चर्स अटेंड करो. ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका, बिकॉज इतना कंसाइजली कोई भी बुक में आपको ये मटेरियल नहीं मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट? कि जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हमने रखा है, सिर्फ मैपिंग नहीं कर रहे हम. गेटिंग माई पॉइंट? तो मैपिंग ये हमारा पर्पज़ नहीं है. तो यहाँ से कैसे अलग अलग पॉसिबल क्वेश्चन, रिवर कौन सी होती है, तो वो भी एंगल कवर कर रहे हैं. कि सिर्फ स्पीसीज देखना, ये भी एक अप्रोच नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एक अप्रोच ऐसा रख रहे हैं कि जो रिवर्स हो या यहाँ पे कोई वेजिटेशन टाइप है. तो देखो हमने नॉर्थ में जब देखा तब अप्रोच हमने डिफरेंट रखा था, वेजिटेशन पैलियाटिक क्या होता है, कॉनिफेरस कहाँ पे मिलेगा, वो अप्रोच था. जब साउथ में आओगे तो अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इवन आप मोर टूवर्ड साउथ जाते हो, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मल्टीपल पार्ट्स आते हैं, तो अप्रोच धीरे धीरे चेंज होगा. तो यही यूपीएससी का अप्रोच है. गेटिंग माई पॉइंट? तो मैपिंग से भी इम्पॉर्टेंट इसके आगे भी होता है, मतलब मैपिंग भी है और यूपीएससी अप्रोच से भी हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो देखो इतना कंसाइजली विद द अप्रोच आपको, देखो नोट्स तो आप पढ़ सकते हो बाद में, बट अप्रोच ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि अगर चलो आपने मांडवी, सॉरी दैट इज़ द मोलेम अगर पढ़ भी लिया, बट वो कौन से रिवर है वहाँ पे, है ना, अदर भी कौन से रिवर्स आते हैं, तो ये आपको क्लास से ही बेटर समझ सकता है. सो काइंडली काइंडली इसको कवर करो, है ना. तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, डेफिनेटली बेनिफिट होगा इसका. मैं बताता हूँ आपके 4 से 5 मार्क तो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके राइट आने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हम जोग्राफी भी इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, सो जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, है ना, तो ऐसे दोनों पार्ट्स आपके यहाँ पे हिट हो सकते हैं. क्लियर है? सो देखो नेक्स्ट है कर्नाटका, हम स्टार्ट करते हैं अंशी नेशनल पार्क, देन बांदीपुर नेशनल पार्क. नेक्स्ट देख लो, सो दैट इज द बानेरघट्टा, कुद्रेमुख एंड नगर होल. तो जैसे साउथ की तरफ आओगे तो नगर होल मिलेगा आपको यहाँ पे, कुद्रेमुख अगर देखोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा. ओके, देन बानेरघट्टा अगर देखोगे तो अगेन साउथ की तरफ निकलना पड़ेगा आपको यहाँ पे. ओके, एंड आफ्टर दैट और कौन सा बाकी, अंशी अगर देखोगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, बानेरघट्टा एंड नगर होल. तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो नगर होल है, बिकॉज नगर होल इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का. ओके, क्लियर एवरीवन? सो देखते हैं वन बाय वन. सो अंशी जो आता है तो वो सबसे ऊपर की तरफ है, अंशी नेशनल पार्क, एंड विच इज वेरी फेमस फॉर दिस ब्लैक पैंथर, जिसको काली टाइगर रिजर्व भी इसका पार्ट है. तो उत्तर कन्नड़ा रीजन्स में आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो. तो यहाँ पे दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर द पार्क एज अ प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, रिमेनिंग एज अ काली टाइगर रिजर्व. तो यहाँ पे दंडेली भी आती है, दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पार्ट है, अंशी नेशनल पार्क का, एंड और एक पार्ट है दैट इज द काली टाइगर रिजर्व. काली इसलिए नाम दिया शायद, यहाँ पे ब्लैक पैंथर मिलता है तो इसलिए इसको काली टाइगर रिजर्व ऐसे कुछ नाम दिया है, काली टाइगर रिजर्व. एंड द पार्क होस्ट द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ऐसे कुछ पार्ट मिलेगा. बट ऑब्वियस है कि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और कर्नाटक का पार्ट है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट तो मिलना ही है, बिकॉज ओरोग्राफिक काइंड ऑफ रेनफॉल होता है, तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द अंशी नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, ये प्रोटेक्टेड एरियाज. तो बस इसमें दो तीन चीज़ याद रखो. सो ये नॉर्थ कर्नाटक में आता है, काली टाइगर रिजर्व एंड दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पार्ट्स है, बस इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज द बांदीपुर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सेंटर में आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के सेंटर में, जो जहाँ पे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मर्ज होता है तो उसके सेंटर में आपको मिल जाएगा. सो दैट इज द बांदीपुर. यस,
सो देखो, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे मर्ज होते हैं? नीलगिरी के पास मर्ज होते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही यहाँ पे, बट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भी यहाँ पे कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि बांदीपुर होगा, मुद्दुमलाई, ओके, देन आफ्टर दैट मुखुर्ती, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सत्यमंगलम होगा। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंटायर दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें से बांदीपुर ये बराबर सेंटर में आ जाता है, और ये रहेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, इवन टाइगर इज ऑल्सो, सो इट्स अ प्रोजेक्ट टाइगर ऑल्सो, ओके। एंड नगर होल अलॉन्ग विद द एडजेसन, इसके पास नगर होल भी आता है, ओके। तो इसके आसपास, बांदीपुर के आसपास ही देखो, यहाँ पे आपको नगर होल दिखेगा। सो जस्ट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहेगा बांदीपुर, ओके, और इसके थोड़ा सा वेस्ट की तरफ यहाँ पे नगर होल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। सो नगर होल एंड बांदीपुर ये एक दूसरे के आसपास है। टुगेदर दे एडजॉइनिंग द नगर होल नेशनल पार्क एंड मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ऑल्सो, वायनाड ऑल्सो एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो एक दूसरे से ये सब कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर होगा, या फिर टाइगर के कॉरिडोर्स है, कि जहाँ के इन बिटवीन ये, मतलब एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व हो, या फिर बिटवीन द बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क के बिटवीन ये ट्रांसलोकेट करते रहते हैं, ओके, यस, अंडरस्टूड। और यहाँ पे रिवर कौन सी फ्लो होती है? काबिनी रिवर, काबिनी रिवर, ओके। सो जो कि बाद में कावेरी कावेरी को जाके मिलती है, दैट इज द काबिनी रिवर इन द नॉर्थ, एंड मोयार नाम की एक रिवर आती है, ठीक है। तो ऐसे दो रिवर यहाँ से फ्लो होते हैं बांदीपुर से, काबिनी रिवर, काबिनी एंड मोयार फ्लोस थ्रू दिस पार्ट, ओके। सो बाकी एलिफेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट, सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं, कौन से स्टेट में सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट? सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट कहाँ पे आ जाएंगे? फास्ट, 2020 का क्वेश्चन है इस बार का, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ना, सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट कहाँ पे आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नंबर्स में? यस, एग्जैक्टली, दैट इज द कर्नाटका, वेरी नाइस, है ना। सो कर्नाटका में सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट्स के नंबर्स आते हैं, राइट, याद रखो इसको। नहीं, वही तो, करण करण लेक्चर रेगुलर करो, केरला में कैसे आएगी, मैं 10 बार बता चुका हूँ कि केरला में नहीं हो गए, तभी आप फिर से वही गलतियाँ कर रहे हो। 3-4 बार हो गया अभी हमारा, है ना, करण आपका तो राइट आना चाहिए। सो कर्नाटका में आएंगे सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स, सेकेंड नंबर है आसाम, एंड थर्ड इज़ द केरला, थर्ड इज़ द केरला एलिफेंट में अगर देखोगे तो। टाइगर्स में तो सबसे टॉप में आता है एमपी, देन आफ्टर दैट एमपी के बाद आएगा उत्तराखंड, देन कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र एक्सेट्रा पार्ट, ओके, सॉरी एमपी, कर्नाटक, देन उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र, ओके, अगर टाइगर्स में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। बट चलो, एलिफेंट अभी फिलहाल, एलिफेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, तो उसलिए याद रखना इसको। तो दैट इज द कर्नाटक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ओके। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट दो दो तो भी क्वेश्चन यहाँ से हिट हुए थे। सो अभी क्लियर है सबको? देखो, अभी क्लियर हो रहा है सबको? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से पार्ट आते हैं, तो ये पूरा रट्टा मार के रखो, कैसे भी याद रखो, बट याद रखो इसको। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखना है, ओके, स्क्रीनशॉट भी लेके रखना है इसका, ठीक है, फास्ट। यस, ठीक है, फास्ट एवरीवन। सो देखो, यहाँ पे अरालम, मुदुमलाई, मुखुर्ती, नगर होल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि साइलेंट वैली इज द सदर्न मोस्ट पार्ट, साइलेंट वैली इज द सदर्न मोस्ट पार्ट, ओके। सो देख लो फास्ट एक बार, इसको ओवरलुक कर लो एक बार, ये याद ही रखना है आपको, कैसे भी करके याद रखना है, ठीक है, रहेगा सबको याद। सो दैट इज द अरालम, मुद्दुमलाई, मुखुर्ती, नगर होल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आ गए कुछ नेशनल पार्क जो इसके पार्ट है। देन आफ्टर दैट वायनाड, करीमपुज्जा, सत्यमंगलम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और देखो, इस बार 2020 का क्वेश्चन भी था ना, कि नीलगिरी, सॉरी, कावेरी रिवर, देखो, रंगनथिट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, मैसूर के नॉर्थ से फ्लो होती है कावेरी, देखो ऐसे कुछ फ्लो हो रही है, देन आफ्टर दैट कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो होती है,
देन आफ्टर दैट ऐसे कुछ कावेरी फ्लो होके यहाँ से नीचे निकल जाती है। इस बार का क्वेश्चन था, राइट? क्लियर है? यस। तो देख लो ये ठीक से पूरा। सो देखो, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में, वही नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखेगा आपको, बांदीपुर है। देन आफ्टर दैट मुद्दुमलाई, देन मुखुर्ती, साइलेंट वैली, एंड सबसे साउथ में अगर कौन सा आता है नीलगिरी बायोस्फीयर जोन में, तो दैट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके। बाकी भी आ जाते हैं, वायनाड, करीमपुजा, सत्यमंगलम, ये थोड़ा सा तमिलनाडु की तरफ आता है ना, तो इसको हम बाद में भी और फिर से देखेंगे इसको। तो यूपीएससी डाल देंगे ऑप्शन यहाँ पे, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर जोन। सो आपको इसमें दिया जाएगा के एम टी आर, कलक्कड़, मुंडन, तुराई, नेयार। ओके। देन पेपारा होगा। सो ये किसके पार्ट है, ये किसके पार्ट है? ठीक है, कलक्कड़, मुंडन, तुराई, नेयार, पेपारा, ये किसके पार्ट है? यस, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। ओके। और इसका नीलगिरी से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज इसके बाद देखो यहाँ पे पूरा पालघाट गैप आता है, पलक्कड़ गैप, पालघाट गैप आ जाएगा, और उसके बाद फिर अन्नामलाई स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर अगस्त्यमलाई का पार्ट आ जाता है। तो इसलिए के कलक्कड़, मुंडन, तुराई, नेयार, पेपारा। ओके। सो ये सब साउथ में आते हैं, एरवाबिकुलम, ये सब साउथ में, और साउथ में आ जाए। तो आपको बस फाइनली इतने ही याद रखने हैं, ठीक है, कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। यस। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं, बानेर घट्टा ईस्ट में आ जाएगा, ऊपर की तरफ है। तो ये थोड़ा बानेर घट्टा पार्ट है क्या, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा बानेर घट्टा? यस और नो? इज इट द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यस और नो? फास्ट। फास्ट एवरीवन, फास्ट। नहीं रहेगा, है ना? तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट दिस कि बानेर घट्टा सर इसमें तो लिस्ट में नहीं था, तो नहीं है पार्ट, है ना? तो इतना ही लिस्ट है, इसके बाहर कुछ भी मन से ऐड नहीं करना है ना, हमारे मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसमें बांदीपुर है, नॉट बानेर घट्टा। बांदीपुर आ जाएगा, बट बानेर घट्टा यहाँ पे लिस्ट में कहाँ पे भी नहीं है। तो बानेर घट्टा ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। सो याद रखो इसको, है ना। तो ये बैंगलोर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में भी आता है ये, एंड सम बानेर घट्टा एक्सेट्रा, कुछ हिल्स हो गया, सत्यमंगलम फॉरेस्ट इसके नीचे आता है, सत्यमंगलम फॉरेस्ट, ये तो ऐसे कुछ पार्ट है। बाकी डिटेल में मत जाओ, टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो, और ये सेपरेटली आ जाता है। देन उसके बाद कुद्रेमुख आ जाएगा ऊपर की तरफ। इज इट द पार्ट ऑफ एनबीआर, एनबीआर का पार्ट है क्या ये कुद्रेमुख, यस और नो? सो कुद्रेमुख इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ दिस एनबीआर, याद रखना। तो ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर की तरफ आ जाता है, कि बानेर घट्टा हो या कुद्रेमुख, ये थोड़े ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो कुद्रेमुख इज कर्नाटक का सेकेंड हाईएस्ट पिक आफ्टर द मुलायनगिरी। तो कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट मुलायनगिरी का पार्ट आता है, और उसके बाद ये कुद्रेमुख इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है। तो ऐसा देखो, ये कुद्रेमुख यहाँ पे दिख रहा है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? सो इट्स कुद्रेमुख मतलब है हॉर्स के जैसा इसका फेस है। देखो ये दिख रहा है आपको पिक्चर ऊपर की तरफ, तो ये हॉर्स जैसा फेस ऐसे उनको लग रहा है ना, मुझे तो नहीं दिख रहा है बट उनको दिखता है। तो अभी याद रखो उसको ना, कुद्रे मुख है, देखो किसका तो भी मुख है, कुद्रे मतलब यहाँ पे हॉर्स बोल रहे, वो तो हॉर्स जैसा यहाँ पे मुख दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। ओके। सो कुद्रे मुख ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो पिक्चर पिक्चर इज व्यू साइड ऑफ द माउंटेन दैट रिजेंबल्स द हॉर्स फेस लाइक दिस। ओके। तो इसलिए इसको ऐसे कुछ नाम दिया है। कभी कभी डिस्क्रिप्शन पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इसको याद रखो, ये ऐसी चीज़ें भी याद रखनी पड़ती है कभी कभार। ओके। सो बाकी फिर यहाँ पे तुंगा भद्रा रिवर ऐसे कुछ फ्लो होती है, नेत्रावती एक रिवर फ्लो होती है। सो इसके बाद ये जाके मतलब कुछ कृष्णा रिवर के आसपास इसको जाके मिल जाएगी, है ना। तो तुंगा एंड भद्रा, नेत्रावती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेत्रावती तो वेस्ट की तरफ फ्लो होगी, जो कि शरावती, नेत्रावती, है ना। तो ये नेत्रावती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके। बट ठीक है, अभी फिलहाल तो ज़्यादा डेटा हम नहीं देखते हैं, तो टेंटेटिवली याद रखो कुद्रेमुख ये कहाँ पे आएगा, कर्नाटक में, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट है कुद्रेमुख में देखो, ऐसे लायन टेल मकाऊ भी मिलते हैं, यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, इट इज़ द रेयरेस्ट मकाऊ इन द वर्ल्ड। ओके। सो लायन टेल मकाऊ ये एंडेमिक नहीं है, वर्ल्ड में मिलते हैं, बट रेयरेस्ट है, वन ऑफ द रेयरेस्ट है, बट हाँ इंडिया में अगर देखा जाए एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट में एंडेमिक आ जाता है। सो दीज आर द मकाऊ। ओके। लायन टेल मकाऊ इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ओके। याद रखना, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, दैट इज द लायन टेल मकाऊ। ओके। सो दीज आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, एंड ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। सो हनुमान लंगूर एक कुछ मिलता है, मलबार स्लेंडर लोरिस यहाँ पे फेमस है।
सो दीज आर द नॉक्टर्नल प्राइमेट्स फाउंड ओनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. सिर्फ इंडिया एंड श्रीलंका में मिलते हैं ऐसे स्लो लोरिस भी, जिसको कहा जाता है स्लेंडर लोरिस. ओके, तो ये नीचे जो दिख रहा है, बट मुझे लगता है लायन टेल मकाऊ, याद रखो इस पे क्वेश्चन आया था, लायन टेल्ड मकाऊ. सो दीज आर द एंडेमिक टू दिस वेस्टर्न घाट एंड मोस्टली कुद्रेमुख में ये बहुत अच्छे मिलते हैं. सो नेक्स्ट है नगर होल. सो नाउ टेल मी दैट नगर होल ये पार्ट होगा नीलगिरी बायोस्फीयर होगा, येस और नो? इज इट द पार्ट ऑफ एनबीआर, येस और नो? फर्स्ट, यस इट इज अ पार्ट ना, एग्जैक्टली. तो एनबीआर का पार्ट है, यस डेफिनेटली है. ठीक है, तो नगर होल देख लो यहाँ पे. सो इट इज इन द मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है नगर होल. ओके, इट इज वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर टाइगर रिजर्व. चलो ठीक है, ये तो ठीक ठाक है. बांदीपुर वायनाड के आसपास आता है, तो ऑब्वियस है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है. मतलब वायनाड हो, बांदीपुर हो, ये सब एक दूसरे के आसपास आते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एनबीआर. तो ये एनबीआर का भी पार्ट आ जाएगा. और ब्रह्मगिरी हिल्स एक्सेट्रा यहाँ पे मिल जाएगी आपको, कि जहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नीलगिरी जहाँ पे मर्ज होती है, ओके, नीलगिरी रेंज जहाँ पे मर्ज होती है, तो वहाँ पे और एक पॉइंट है नीलगिरी में भी, बिलीगिरी नाम के हिल्स आते हैं, बिलीगिरी. तो एग्जैक्ट वहाँ पे मर्जिंग होता है और उसके पास ही ब्रह्मगिरी नाम के हिल्स आते हैं. कि ब्रह्मगिरी हिल्स से आपको पता है किसका ओरिजिनेशन होता है? कावेरी. तो कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स. ठीक है, तो कावेरी यहाँ से ओरिजिनेट करती है, याद रखना इसको, तो चलेगा, है ना? तो इतना याद रख लो, बाकी फिर पोचिंग के लिए वगैरह बहुत ही ज़्यादा ये इशू है. बट फाइनली एक ही चीज़ याद रखो यहाँ पे, कि नागौर होल इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, विच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द एलिफेंट एंड टाइगर्स एक्सेट्रा. ओके, और यहाँ से कावेरी रिवर का फ्लो होता है, मतलब कावेरी फ्लोज फ्रॉम दिस नागौर होल पार्ट, बिकॉज ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पे आते हैं और ब्रह्मगिरी में ही ओरिजिनेशन पॉइंट है कावेरी का. तो इसलिए नागौर होल तो कावेरी के आसपास आने ही वाला है. ओके, तो बस इतना याद रखो, ठीक है? तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन लेना है अगेन फिर से या कवर करना है? तो थोड़ा मुझे लगता है क्वेश्चन बाद में देखते हैं, हम कुछ पार्ट कवर कर लेते हैं. सो जैसे कि अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन है, एक एक ही क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे चलते हैं ना, बस दो तीन स्टेट बाकी है तो उतने कवर कर लेंगे हम फास्ट. तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? क्या आंसर होगा इसका? यस, अभी देखा ना हमने, मोस्ट फेमस अमेजिंग ब्लैक बक पॉपुलेशन, ब्लैक बक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द, यस गुजरात. अभी सिंपल हो गया देखो, है ना? तो अभी सिंपल हो जाएगा. राजस्थान कैसे आएगा आयुष? कहाँ पे हो आयुष? ठीक है, सो दैट इज द गुजरात ना, तो गुजरात रहेगा ये. यस एग्जैक्टली. सो कहाँ पे आएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, कहाँ पे आएगा इसमें से? फास्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? फास्ट एवरीवन, फास्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? अंजलि कहाँ पे ध्यान है? नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्रेश करो आपके एंड से. यस दैट इज इन एमपी ना, बराबर है. मध्य प्रदेश में कितने टोटल? 9 नेशनल पार्क है. यहाँ पे अगर यूटी होता तो यूटी भी आ जाएगा. कौन सा यूटी है? अंदमान एंड निकोबार. सो अंदमान निकोबार में भी 9 आ जाते हैं, ठीक है? तो वो याद रखो बस, चलेगा. तो चलो नेक्स्ट है तेलंगाना. तेलंगाना में ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलंगाना में बस एक चीज़ याद रखो कि नाम याद रखना है हमें, ये कौन से स्टेट में आता है. तो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क एंड मुरुगावनी नेशनल पार्क. सो दीज आर द थ्री नेशनल पार्क इन तेलंगाना. ओके, तो तेलंगाना में तीन आते हैं देखो, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क एंड मुरुगावनी नेशनल पार्क. तो बस स्टेट के नाम याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं करना इसमें, मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. तो कासु ब्रह्मानंदा एक बार फास्ट देख लो, जुबली हिल्स ऐसे कुछ पार्ट है, हैदराबाद के आसपास आता है ना, तो यहाँ पे देखो सेंटर में ही है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क. ओके, सो दैट इज द तेलंगाना पार्ट में आता है. और पैंगोलिन, स्मॉल इंडियन सीवेट, पिकॉक एक्सेट्रा, ये यहाँ के फेमस इंपॉर्टेंट स्पीसीज है. ओके, सो यहाँ पे कुछ फ्यू वाटर बॉडीज भी आती है, बट डू नॉट गो इन द डिटेल. सो कुछ हैदराबाद एंड तेलंगाना के पास आएगा कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी. ओके, अगर करंट में होगा तो मैं बता दूंगा आपको कुछ, अगर होगा तो. इसके आसपास ही देखो तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास ही आते हैं, हैदराबाद के पास ही देखो अगेन और एक है, महावीरा हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क.
नाम नहीं याद करने, नाम याद मत करो, ऑप्शन में अगर आपको दिया है ना, तो देखो क्या नाम है आपका, राशि। राशि एक ही चीज़ करना है आपको, ठीक है? तो एक ही चीज़ याद रखना एटलीस्ट तेलंगाना के बारे में। सो दिस नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र, हरियाणा, ओके, देन तेलंगाना दे दिया और कर्नाटक दे दिया। तो बस इसमें से आपको इतना तो पता चल जाएगा ना, गेटिंग माई पॉइंट? कासु ब्रह्मानंदा, महावीरा, मुरुगावणी। सो ये कहाँ से बिलोंग करता है? सो दैट इज़ बाय द तेलंगाना। बस इतना तो करो, बराबर है? बिकॉज इतना ज़्यादा मतलब यूपीएससी डेप में नहीं जाएगी, ठीक है? तो बस उतना ही करना है, बाकी कुछ मत करो। और जहाँ पे लाइक बांदीपुर वगैरह आ जाता है, तो फिर आपको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, कि फिर वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, तो थोड़ा सा अप्रोच वहाँ पे बदल जाता है। नेक्स्ट है मुरुगावनी नेशनल पार्क, जो हमने देखा है। तो देखो हैदराबाद, ये भी हैदराबाद के पास ही आता है। सो इंडियन हेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रसेल वाइपर एक्सेट्रा, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। सो ओनली देखो सब के सब हैदराबाद के आसपास आते हैं, ओके? हैदराबाद से कौन सी रिवर फ्लो होती है बताओ? हैदराबाद से कौन सी रिवर फ्लो होती है फास्ट? देखो ये हैदराबाद इधर दिख रहा है, तो यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है? एंड दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सम अदर रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर। सो बताओ कौन सी रिवर है जो हैदराबाद के पास से फ्लो होती है, या हैदराबाद उस पर लोकेटेड है? सो दैट इज द, यस, फास्ट एवरीवन, यस, वेरी नाइस, यस राय, वेरी गुड, तरुण ऑल्सो वेरी नाइस। सो दैट इज द मूसी रिवर ना? तो हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द मूसी रिवर, एंड मूसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। मूसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, तो मूसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ओके? बस चलेगा, तो इतना याद रखो बस। और ये सब के सब देखो तीनों के तीनों हैदराबाद के पास आते हैं, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखो तीन नेशनल पार्क आते हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम नेश्नल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वरा। तिरुपति पता है सबको? तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी पता होगा ना सबको? तो वो आता है शेषचलम हिल्स पे, ओके? तिरुपति बालाजी और इज ऑन शेषचलम हिल्स, शेषचलम हिल्स, ओके? ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और उस पे ही तिरुपति बालाजी या श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो तिरुपति बालाजी जो पिलग्रिमेज साइट है, तो वो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा आपको? ईस्टर्न घाट या आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में मिल जाएगा। सो ओवर द साउथ पार्ट, साउथ में आता है देखो यहाँ पे, मतलब आंध्र प्रदेश के साउथ में राजीव गांधी रामेश्वरम एक आ जाएगा, थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, देखते आगे हम। पापीकोंडा जो है वो बहुत ऊपर है, तो इस बार यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कावेरी फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, और पापीकोंडा उसमें ऑप्शन था, तो पापीकोंडा और कावेरी का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज देखो ये गोदावरी के भी अगर आप देखोगे तो गोदावरी एंड कृष्णा के बिटवीन ये पार्ट आ जाएगा, राइट? तो कोई संबंध नहीं है। कावेरी जो है वो तमिलनाडु में जाती है, कर्नाटक से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नहीं आती है, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हम एलिमिनेशन इसको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ पा रहे हो? एवरीवन अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे कावेरी का कोई रिलेशन नहीं ना, बराबर है? सो पापीकोंडा याद रखो, पापीकोंडा जो है वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो देखो तेलंगाना एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में देखोगे तो पहले ऐसे कुछ आंध्र प्रदेश के, ये ऑलमोस्ट 3+2, 3, यहाँ पे 6 नेशनल पार्क थे, कासु ब्रह्मानंदा, महावीर एंड मुरुगावनी, राइट? तो इसमें से तीन अभी तेलंगाना के पार्ट हो गए और तीन आ गए इनके पास, पापीकोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर। सो दीज आर द पार्ट ऑफ, यस, आंध्र प्रदेश नाउ। तो पापीकोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर आर द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नाउ, ठीक है? और जो ऊपर के तीन है तो वो तेलंगाना के पार्ट है। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, पापीकोंडा। तो पापीकोंडा जो है तो देखो, सो इट इज लोकेटेड इन द राजमहेंद्रम इन द पापी हिल्स, ओके? देन गोदावरी ईस्ट ऑफ पापी हिल्स इन द ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी, मतलब यहाँ से आसपास में कौन सी रिवर फ्लो होती है, पापीकोंडा से कौन सी रिवर फ्लो होगी, नॉट कावेरी, सो दैट इज द गोदावरी रिवर, ओके? सो दैट इज द गोदावरी रिवर फ्लोज फ्रॉम द पापीकोंडा पार्ट, पापीकोंडा नेशनल पार्क। और इसके आसपास जो प्रोजेक्ट है, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे गोदावरी का बहुत इंपॉर्टेंट फेमस प्रोजेक्ट है। सो गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क एंड इस पे एक इंपॉर्टेंट डैम है, मतलब ये पापीकोंडा के आसपास वो डैम आता है, सो दैट इज द पोलावरम डैम। तो यूपीएससी ने बहुत बार पूछे ना क्वेश्चन कि पोलावरम डैम कौन से रिवर पे, राइट? तो गोदावरी रिवर पे, ओके, पोलावरम डैम।
गोदावरी रिवर एंड पापीकोंडा उसी पे ही आ जाएगा, उसके आसपास ही रहेगा। मतलब गोदावरी याद रखो, फाइनली याद रखो गोदावरी। ओके क्लियर एवरीवन? ओके सो बाकी यहाँ पे टाइगर वगैरह एक्सेट्रा ये सब स्पीसीज वही है, रिपीटेडली आ जाता है। सो द थ्रेट ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट वंस कम्प्लीट विल सबमर्ज पार्ट्स ऑफ द नेशनल पार्क ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है नेशनल पार्क का वो सबमर्ज हो सकता है ड्यू टू द पोलावरम प्रोजेक्ट। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क हैज द थ्रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट? सो योर आंसर मस्ट बी द पोलावरम प्रोजेक्ट ऑफ ऑन द गोदावरी। सो पोचिंग, फॉरेस्ट फायर, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर द पोडू कल्टिवेशन। पोडू कल्टिवेशन क्या होता है, क्या होता है पोडू कल्टिवेशन, फास्ट बताओ, व्हाट इज द पोडू, व्हाट इज पोडू, क्या होता है पोडू? व्हाट इज द पोडू? तो पोडू ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की मेथड है ना, बराबर है? जैसे झूम कल्टिवेशन होता है तो वैसे ही पोडू कल्टिवेशन होता है। मतलब पोडू जो होता है तो यस एग्जैक्टली राइस के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाँ राइस के लिए भी मतलब मोस्टली होता है, बट इट्स काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन की जो फॉरेस्ट क्लियर करके, सो फॉरेस्ट यहाँ पे क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट फायर स्लैश एंड बर्न किया जाता है, एंड उसके बाद यहाँ पे मतलब जो राइस कल्टिवेशन है वो होता है, तो उसको यहाँ पे लोकली पोडू कहा जाता है। यस स्लैश एंड बर्न को ही लोकली पोडू कहा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम झूम कल्टिवेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर लोकली उसको पोडू कहा जाता है, राइट? तो बस इसको याद रखो, मतलब अलग अलग रीजन वाइज भी नेम पता होने चाहिए, ठीक है? सो दैट इज स्लैश एंड बर्न पोडू सिस्टम। ओके चलेगा, तो बस इतना याद रखना, पोलावरम डैम, पापीकोंडा, गोदावरी रिवर एंड थ्रेट ऑफ द पोडू सिस्टम ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज द राजीव गांधी नेशनल पार्क। इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, ठीक है? तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। डेसीडियस फॉरेस्ट है, पेन्नार नाम की रिवर आती है, पेन्नार जो रिवर है तो वहाँ पे ये पार्ट दिखेगा, तो बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। राजीव गांधी बस याद रखना, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, बस बाकी डू नॉट गो इन द डिटेल। सो पेन्ना, पेनेरू, पेनेरू ये जो रिवर्स है, तो ये सबसे ऊपर अगर हम देखते, सॉरी सबसे साउथ में अगर देखोगे तो ये रिवर रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस रिवर कर्नाटक से आती है, देखो ये नेल्लोर जिस पे आएगा तो ये पेनेरू रिवर है। मतलब नॉर्थ टू साउथ रिवर देख लो आंध्र प्रदेश में। सो सबसे ऊपर देखो गोदावरी जिसमें हमने पापीकोंडा देखा था, उसके बाद आएगा कृष्णा, ओके? उसके बाद आती है कृष्णा रिवर, ओके? तो उसके बाद कौन सी आएगी, कृष्णा रिवर कि मच्छलीपट्टनम से पहले कुछ यहाँ पे मिलती है, और सबसे लास्ट में पेनेरू है। सो गोदावरी, कृष्णा एंड लास्ट इज द पेनेरू। सो पेन्ना इज ऑल्सो नोन एज पेन्नार, पेनेरू एंड पेनेरू लाइक दिस पिनाकिन, उत्तर पिनाकिन भी कहा जाता है। सो इट इज़ अ सदर्न रिवर ऑफ इंडिया एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सो राइजेस इन नंदी हिल्स ऑफ दिस कर्नाटका पार्ट, और यहाँ से बाद में ये फ्लो होती है टूवर्ड दिस पार्ट, ओके? तो याद रखना ये कहाँ पे आती है, मतलब आंध्र प्रदेश में तीन इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदावरी, कृष्णा एंड लास्ट इज द पेनेरू रिवर, ठीक है? तो ये पेनेरू रिवर के पास ही राजीव गांधी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे राजीव गांधी मिल जाएगा। एंड लास्ट इज द श्री वेंकटेश्वर, लास्ट नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश दैट इज द श्री वेंकटेश्वर, जो उसके भी पेनेरू के भी नीचे आ जाएगा, ओके? पेनेरू के भी नीचे मिलेगा आपको। यहाँ पे शेषचलम हिल्स आता है जो पूर्वांचल का पार्ट है, शेषचलम हिल्स, तो उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे शेषचलम हिल्स, ओके? ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, शेषचलम इज ऑल्सो द बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है शेषचलम हिल्स। तो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व उसका ही पार्ट है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ओके? तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है याद रखना शेषचलम हिल्स, एंड कड़प्पा नाम के डिस्ट्रिक्ट में ये पार्ट आता है, ठीक है? और उसमें उसमें इंपॉर्टेंट गोल्डन जैकल, इंडियन फॉक्स, स्मॉल इंडियन सीवेट, स्पॉटेड डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? स्लेंडर लोरीज भी मिलेगा, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एक्सेट्रा ये सब मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द कपिल तीर्थम डैम इनसाइड द नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड द तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, इनके कोलैबोरेटिवली ये बन रहा था, तो उसकी वजह से ये जो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है उसको कुछ थ्रेट था, मतलब जो एक थ्रेट था यहाँ पे फॉरेस्ट, रेगुलर फॉरेस्ट फायर ऑल्सो कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी एंड इकोलॉजी ऑफ दिस पार्क ऑल्सो, ओके? सो श्री वेंकटेश्वर याद रखो, शेषचलम हिल्स एंड यहाँ पे किसका पार्ट है, तो शेषचलम बायोस्फीयर का पार्ट है। यस एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस श्री वेंकटेश्वर, फास्ट देख लो इसको एक बार। आंध्र प्रदेश क्लियर है सबको? यस एवरीवन अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट देखते हैं फिर।
यस नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है चलो, तो देखते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में आ जाओ अभी। सो गुंडे नेशनल पार्क, ओके, सो दैट इज द गुंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, देन इंदिरा गांधी अन्नमलाई नेशनल पार्क, अन्नमलाई भी देख लेना यहाँ पे, एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क। ओके सो गुंडे नेशनल पार्क जो कि चेन्नई के आसपास आता है, इस पे भी यूपीएससी का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गुंडे नेशनल पार्क पे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ जाएगा कि हमारे एक प्रॉपर अप्रोच से ही हम उसको कवर कर रहे हैं, है ना। तो गुंडे नेशनल पार्क देखो चेन्नई के आसपास आता है, ऊपर की तरफ है। उसके बाद देखो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे लार्जेस्ट आता है, सो दैट इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार। ये एकदम साउथ की तरफ है, जो रामेश्वरम जो ये पार्ट आ जाएगा तो उसके आसपास हम देख सकते हैं, जो चार धाम में से एक धाम है ना चार, रामेश्वरम, तो उसके साउथ में देखो गल्फ ऑफ मन्नार आ जाएगा, या फिर पाल स्ट्रेट जो है तो उसके साउथ में, बिटवीन श्रीलंका एंड तमिलनाडु के कोस्ट के बिटवीन, राइट। तो दैट इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार। देन अन्नमलाई नेशनल पार्क, तो जो कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा, मतलब ये अन्नमलाई का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, सो दैट इज़ द अन्नमलाई, ओके, अन्नमलाई पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और उसके बाद मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई अगर आप देखोगे तो ये पार्ट है क्या एनबीआर का, इज इट एनबीआर पार्ट ऑफ एनबीआर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, यस और नो, फास्ट, यस और नो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे मैं बोल सकता हूँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यस डेफिनेटली। तो जो नीचे वाले दो है तो वो मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, भले ही वो तमिलनाडु में क्यों ना हो बट वो किसके पार्ट है, मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, सो आर द पार्ट ऑफ यस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट ग्रेट, ओके चलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, लोकेशन समझ गए सबको। तो अगेन फिर से बता दो, गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नमलाई, मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, बस ये पांच यहाँ पे आ जाते हैं टोटल। तो यहाँ पे दो है, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन और दो यहाँ पे पांच हो गए टोटल। तो चलो गुंडे देखते हैं, ज़्यादा इसमें डीट में नहीं जाना है, चेन्नई के पास आता है, बस याद रखना चेन्नई के पास कौन सा है, तो दैट इज़ द गुंडे नेशनल पार्क, ओके। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशनल पार्क साइट सिचुएटेड इनसाइड अ सिटी, सिटी के अंदर आता है ये। सो यहाँ पे बाकी कुछ राजभवन एक्सेट्रा, गुंडे लॉज एक्सेट्रा, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्सीटू इंसीटू कंजर्वेशन यहाँ पे दोनों भी होते हैं, मतलब नियर बाय इसके जू भी आते हैं कुछ, और कुछ इंसीटू भी रखा है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है बट नॉट इम्पॉर्टेंट, बस एक ही चीज़ इसमें याद रखो कि गुंडे नेशनल पार्क इज़ द पार्ट ऑफ यस तमिलनाडु, और जो चेन्नई के पास आता है, बस इतना ही फैक्ट याद रखना है आपको। चलो आगे चलते, गल्फ ऑफ मन्नार में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। सो इट इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया कंसिस्टिंग ऑफ कोरल, एज यू नो दैट हमने देखा है कोरल का भी पार्ट है, और थुत्तुकुडी तुतिकोरिन एंड धनुषकोडी के बिटवीन ये पार्ट आता है, रामेश्वरम के ही आसपास रहेगा कुछ, यहाँ पे 30-32 के कुछ आसपास आइलैंड्स भी आते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है तो वो है डुगोंग सी काऊ, तो डुगोंग का भी पार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो स्पीसीज आ जाएगी, एंड इवन एज यू नो दैट गल्फ ऑफ मन्नार इज़ वेरी फेमस फॉर द पर्ल प्रोडक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्ल प्रोडक्शन जो होता है तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, कि बाकी भी और यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज मिल जाते हैं, जैसे कि व्हेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हेल्स यहाँ पे मिल जाती है, डिफरेंट यहाँ पे कोरल एंड मैंग्रोव का भी पार्ट है डेफिनेटली यहाँ पे, मतलब वो भी पार्ट एक रहेगा, ओके। और इसका जो पार्ट है वो बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, मतलब ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, गल्फ ऑफ मन्नार इज द पार्ट। सो यहाँ पे अलग अलग आइलैंड से देखो, यहाँ पे वान आइलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। जब अगर करंट अफेयर्स में कोई आइलैंड को ज़्यादा थ्रेट हुआ है अगर वो न्यूज़ में, तभी वो आइलैंड देखो, बाकी सब छोड़ दो। तो यहाँ पे पंबन पास एक्सेट्रा, या तो रामेश्वरम है, या फिर एडम्स ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, राम सेतु जिसको बोलते हैं, या पाल स्ट्रेट हम जिसको बोलते हैं, राइट, कि जो पाल स्ट्रेट मतलब क्या है, ये स्ट्रेट जो है तो वो बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है लखनऊ सी या इंडियन ओशन से, ओके। सो इसलिए ये स्टेट के बिटवीन ये आ जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार टू द साउथ ऑफ पाल स्ट्रेट, और मल्टीपल आइलैंड्स यहाँ पे, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। सो पर्ल के लिए इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना पर्ल प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बस इतनी ही फैक्ट है, और सी काऊ के बारे में फेमस है, बस उतना याद रखो, है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द डुगोंग, ओके, यहाँ की प्राइम स्पीसीज कौन सी है, डुगोंग,
बस उसको याद रखो। चलो नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तो ये अन्नामलाई का पार्ट है देखो। सो दैट इज द यस अन्नामलाई, ये साउथ की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे पालकाड़ गैप है, पलक्कड़ गैप है, उसके साउथ में आ जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली एलिफेंट एक्सेट्रा ये फेमस है। बस लोकेशन देख लो, एंड इवन द पार्क इज कंसिडर्ड अंडर द यूनेस्को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये कंसिडर्ड है। कंसिडर्ड है बट अभी तक उसको स्टेटस नहीं मिला है हेरिटेज साइट का, इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन है। तो यूपीएससी कैन आस्क लाइक दिस कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के थ्रू, तो वो गलत हो जाएगा। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क को अभी अलग से कोई ऐसे स्टेटस नहीं मिला है, तो इट इज़ अंडर द कंसिड्रेशन। अब और अभी जो रिसेंटली 6 की लिस्ट आई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को की, जो टेंटेटिव लिस्ट में उनको ऐड किया था, मतलब जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, तो उसमें भी इसको ऐड नहीं किया अभी तक। तो इवन स्टिल इट इज़ अंडर द कंसिड्रेशन अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसको अभी तक ऐड नहीं किया है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हो इसको? तो गलती से भी इसको ऐड मत करना आंसर में, नहीं तो आप क्या करते हो, हाँ अन्नामलाई है तो शायद होगा इसमें, ठीक है। तो इट्स स्टिल अंडर द कंसिडरेशन, तो बस इतना याद रखो, बाकी नॉट गो इन द डिटेल। सो चलेगा, तो नेक्स्ट देख लो। सो मुद्दुमलाई देख लेना, ये मुद्दुमलाई का पार्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो एंड दिस पार्ट ऑल्सो। सो ये हमने ऑलरेडी देखा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये कंसिडर होगा, बट ये बस तमिलनाडु की तरफ आता है, इतना याद रखो। मुद्दुमलाई इज टूवर्ड द तमिलनाडु पार्ट, ओके। और वही स्पीसीज है सबके सब, है ना, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। एंड मुद्दुमलाई इज ऑल्सो द अंडर द कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस अंडरस्टूड। तो ये ऑल्सो यहाँ पे क्या हो गया, कंसिडरेशन के अंडर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस ऑल्सो अंडर द कंसिडरेशन, क्लियर है यहाँ तक? यस। और इन्वेजिव स्पीसीज एक्सेट्रा ये चलते रहते हैं, इंडियन लियोपर्ड है कि बाकी, तो चलो यहाँ तक ठीक आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी इसमें डिटेल में मत जाओ, मुद्दुमलाई याद रखो बस, ठीक है। सो दैट इज द मुद्दुमलाई, ओके। नेक्स्ट होगा मुखुर्ती। सो मुखुर्ती देख लो नेक्स्ट। सो दैट इज द मुखुर्ती। सो मुखुर्ती देख लेना, यहाँ पे ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सो मुखुर्ती मतलब ये नाम इसलिए दिया गया यहाँ पे, तो पॉइंटेड नोज है इसका कुछ, ठीक है। सो इट्स लाइक अ पॉइंटेड, द मुखुर्ती पीक रिजेंबल द पॉइंटेड नोज, ऐसा कुछ ये पार्ट आता है, तो इसलिए कुछ मुखुर्ती इसको नाम दिया है, ठीक है। सो मुखुर्ती नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द नीलगिरी प्लाटू, ओके। एंड इट इज़ द कीस्टोन स्पीसीज यहाँ पे कौन सी, नीलगिरी तहार है, ओके। एंड यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट कौन सा आता है, तो ऊटी, ये टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास कौन सा है, ऊटी, ये एक पार्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस अंडरस्टूड। सो ऊटी याद रखो बस, है ना, तो ऊटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद बस यहाँ पे बाकी तोड़ा पीपल, जो तोड़ा ट्राइब एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ पे। सो तोड़ा ट्राइब एंटायर मतलब नीलगिरी के एंटायर पार्ट में अगर देखोगे तो तोड़ा ट्राइब मिलते हैं यहाँ पे आपको, तो दैट इज़ द तोड़ा ट्राइब इज़ फेमस इन दिस पार्ट। कि बाकी फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक्सेट्रा इसके साउथ में ही आप देख सकते हो, बट वो केरला में आते हैं, ओके। सो दैट इज़ नॉट इन द तमिलनाडु पार्ट, तमिलनाडु में दो ही आते हैं, मुखुर्ती एंड जो हमने अभी देखा, सो दैट इज़ द मुदुमलाई, ओके। तो मुखुर्ती एंड मुदुमलाई ये तमिलनाडु की तरफ है, और जो साइलेंट वैली है वो आएगा किसकी तरफ, केरला की तरफ, ओके। यस इसको फास्ट एक बार ओवरलुक करो फास्ट एवरीवन, मुखुर्ती देख लो एक बार। तो कीस्टोन स्पीसीज है नीलगिरी तहार। सो द पार्क इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज द इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। तो ये उसका पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड, इट इज अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, ठीक है। मतलब ओवरऑल नीलगिरी का अगर आप पार्ट देखते हो तो, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लो केरला। तो अब आ जाते केरला की तरफ, ठीक है। तो केरला देखते हैं, केरला में देखो कौन से आते हैं, अनाईमुडी शोला। शोला मतलब ये क्या है कि थोड़ा 2000 मीटर के आसपास या उससे ज़्यादा हाइट पे अगर कोई फॉरेस्ट मिल जाता है, एक डेंस काइंड ऑफ फॉरेस्ट मिल जाता है, तो उसको हम शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज द शोला फॉरेस्ट, 2000 मीटर के ऊपर के थोड़े से हाइट पे, ओके, या उसके आसपास जो डेंस काइंड ऑफ फॉरेस्ट है, तो उसको शोला फॉरेस्ट कहा जाता है, ओके। तो ये मोस्टली नीलगिरी का फीचर है शोला फॉरेस्ट, ओके। नीलगिरी या जो वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है, तो वहाँ पे शोला फॉरेस्ट आपको अन्नामलाई में भी मिल जाएगा, थोड़े हाइट ज़्यादा हाइट पर मिलता है, तो दैट इज़ द शोला फॉरेस्ट। सो देख लो यहाँ पे, तो फर्स्ट इज़ द अनाईमुडी शोला फॉरेस्ट। सो जो कि नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, ये पार्ट्स में होगा। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ना, बराबर। एंटायर वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सो दैट इज़ द
अनैमुड़ी, बराबर है, अनैमुड़ी आता है, बराबर है, क्लियर एवरीवन? यस, ओके। सो अन्नमलाई रेंज में आ जाएगा ये, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ अन्नमलाई रेंज। ओके, तो ये अन्नमलाई रेंज का पार्ट है, अनैमुड़ी शोलान नेशनल पार्क। देन उसके बाद आएगा एरवाविकुलम, जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन था कुछ दिनों पहले, सो दैट इज़ द एरवाविकुलम, यहाँ पे आ जाएगा कुछ एरवाविकुलम। देन मत्थिकेट्टन शोला नेशनल पार्क। अब बहुत इसमें देखो शोला शोला ऐसा नाम लग रहा है, तो शोला इज़ द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हाँ याद रखना, टाइप ऑफ वेजिटेशन है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट और टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो मत्थिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पम्बाडुम शोला नेशनल पार्क, तो ये सब यहाँ पे आ जाते हैं, जितने भी अभी तक मैंने बताया सब ये सेंटर ब्लॉक में अन्नामलाई में आ जाते हैं। बस एक ही है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो ऊपर की तरफ आता है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बाकी सब देखो अन्नामलाई के पार्ट्स में आपको मिल जाएगा, सब अन्नामलाई के पार्ट्स में, और नीलगिरी में जो पार्ट है वो है साइलेंट वैली, ऊपर की तरफ आ जाएगा। एंड पेरियार जो है तो वो तो सबसे अलग है, जो सबसे नीचे की तरफ आपको दिखेगा, जहाँ से पेरियार रिवर फ्लो होती है, पेरियार स्टार्ट होती है। पेरियार कहाँ पे फ्लो होती है? अरेबियन सी या वेमनाड की तरफ फ्लो होती है, बताओ? ये समझ लो वेमनाड लेक है। ओके, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वेमनाड लेक, वेमनाड लेक है, समझ लो ये, ठीक है? तो पेरियार फ्लोस टूवर्ड वेमनाड या फिर डायरेक्टली अरेबियन सी की तरफ जाएगी, बताओ कहाँ पे जाएगी? फास्ट। तो पेरियार गोज टू वेमनाड लेक, याद रखना, पेरियार जो है तो वो वेमनाड लेक की तरफ जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला एंड इस गोज एंड मर्ज टू द वेमनाड लेक, याद रखना, ये बैक वाटर है, इसको कायल भी कहा जाता है लोकली, है ना, बैक वाटर्स को कायल भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो कायल और बैक वाटर्स, है ना, सो ये वेमनाड में फ्लो होती है पेरियार रिवर, तो जहाँ से पेरियार निकलती है ना, तो वो रीजन जो है तो वही उन्होंने फिर यहाँ पे मेंशन किया है एज अ नेशनल पार्क। सो देखते हैं वन बाय वन। सो अनैमुड़ी देख लो यहाँ पे, सो अनैमुड़ी शोला नेशनल पार्क, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट, इडुक्की नाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, देखो बहुत ही हाई पॉइंट पे है ना, बराबर है, तो बहुत ही हाई रेंज पे ही आता है, तो बहुत ही हाइट ज़्यादा दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे, सो बहुत ज़्यादा, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, एंटायर वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है। सो टुगेदर विद द मत्थिकेट, अभी देखो एक सीधा लॉजिक याद रखो, मत्थिकेट्टन, एरवाविकुलम, पम्बाडुम, ये सब जो है ना, तो एक दूसरे के आसपास आते हैं। अगेन मैं फिर से बताता हूँ, देखो, तो देखो एरवाविकुलम हो, अनैमुड़ी हो, मत्थिकेट्टन एंड पम्बाडुम, ये सब एक दूसरे के आसपास आते हैं, बहुत ही क्लोज एक दूसरे के, और ये कॉरिडोर भी आसपास बनाते हैं यहाँ पे। ओके, सो याद रखना ये सब एक दूसरे के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है? सो इवन इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन, हाँ अभी तक इसको भी नहीं मिला है, मतलब जो स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो इट इज़ स्टिल अंडर द कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब अभी तक इसको नहीं मिला है, ठीक है? तो अनैमुड़ी बस याद रखना, तो अनैमुड़ी देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, बिकॉज आफ्टर हिमालय सेक्शन अगर हम देखते हैं, तो इंडिया का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग इंडिया पार्ट है आउट ऑफ द हिमालय, सो उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अनैमुड़ी, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अनैमुड़ी, तो शायद इसी वजह से इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हाइट देखो 2695 के आसपास कुछ आती है, एलिफेंट जैसे हेड दिखता है, रेफरेंस टू द एलिफेंट रिजेंबल्स माउंटेन टू द एलिफेंट हेड, ना, तो ये एलिफेंट हेड जैसे कुछ दिखता है, तो शायद ऐसे मतलब उसको कुछ एलिफेंट का रिजेंबलेंस दिया गया है ना, तो अनैमुड़ी इज द रिजेंबल टू द एलिफेंट हेड, तो शायद पूछ सकते हैं हॉर्स हेड है तो क्या है, एलिफेंट हेड है तो क्या है ना, तो अनैमुड़ी रिजेंबल लाइक अ एलिफेंट हेड। ओके, सो द पीक इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पेरियार रिवर बेसिन ऑल्सो, एंड बाकी नीलगिरी ताहर, एशियन एलिफेंट, नीलगिरी मार्टेम, ये नीलगिरी मार्टेम जो है तो यहाँ पे मिल गई, इवन नीलगिरी ताहर ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट इज द एरवाविकुलम, अब ये भी केरला में ही आता है, अंदर की तरफ है एरवाविकुलम, केरला की तरफ आता है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाएगा। ओके, बाकी फिर मुन्नार वगैरह जो लोकेशन से फेमस लोकेशन है, टी गार्डन्स है मुन्नार के, टी गार्डन्स, या इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवीजन भी आता है, मत्थिकेट्टन शोला नेशनल पार्क है, तो ये सब आसपास वाले पार्ट्स में एरवाविकुलम भी आपको मिल जाएगा, जो भी ये भी फेमस है नीलगिरी ताहर के लिए। सो पेरियार रिवर इज़ द बेस्ट एंड मतलब इसके वेस्ट में पेरियार एंड कावेरी अगर देखा जाए तो इसके तरफ, इसके बिटवीन आता है, सो दैट इज़ द एरवाविकुलम। ओके, सो डू नॉट गो इन द डिटेल, बस याद रखो, सो इट इज़ लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी ताहर
तो नीलगिरी तहार का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? सो दैट इज़ इन द एरवाविकुलम. सो इट इज़ वेरी फेमस फॉर द नीलगिरी तहार, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहार यहाँ पे मिलेगा. एंड विच आर द एंडेमिक टू दिस एंटायर वेस्टर्न घाट पार्ट, तो ये एंडेमिक भी आते हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके सो नेक्स्ट है, क्लियर है? सो मथिकेटन देख लो. सो मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, ओके. अगेन देखो ये सब साथ में आते हैं ना, तो जो भी शोला वाले पार्ट है समझ लेना अन्नामलाई का रीजन है. सो मथिकेटन नेशनल पार्क तो यहाँ पे इडुकी के आसपास आ जाएगा. यूनिक नेचर ऑफ द शोला फॉरेस्ट इन मथिकेटन. सो मथिकेटन मतलब क्या है कि माइंड कन्फ्यूजर, कि जब अगर कोई अंदर निकल जाता है तो है ना, तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा या फिर उसको रास्ते नहीं मिलते, ऐसे इसका कुछ मीनिंग है. माइंड कन्फ्यूजर एज द लोकल पीपल सेज दैट वंस फॉरगेट द पाथ वंस एंटर्स इन टू द पार्क. ओके मतलब जो अंदर जाते तो शायद उनको यहाँ पे रास्ता नहीं मिलता होगा, तो इसलिए इसको नाम दिया मथिकेटन शोला, है ना. सो मथिकेटन शोला याद रखो. ओके क्लियर. ओके सो चलो नेक्स्ट है पम्बाडूम शोला नेशनल पार्क. पम्बाडूम शोला नेशनल पार्क ओके सो देख लो यहाँ पे. तो ये आता है पलानी हिल्स के पार्ट में आता है, ठीक है. तो जब यहाँ पे अन्नामलाई में मर्ज हो जाती है एक हिल, ईस्टर्न घाट से एक हिल मर्ज होती है, तो दैट इज़ द पलानी हिल्स. ओके तो ये पलानी हिल्स यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं कुछ. ओके तो पम्बाडूम शोला मीन्स द फॉरेस्ट वेयर द स्नेक डांसेस, है ना. तो इसको पम्बाडूम कहा जाता है कि जहाँ पे स्नेक डांस करता है, ऐसे कुछ रिजम्बल होता है. सो मतलब मलयालम लैंग्वेज में इसको पम्बाडूम कहा जाता है कि जहाँ पे स्नेक डांसेस लाइक थी, है ना. तो ये देख लो, याद रखो, ऐसे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं तो शायद बन सकते हैं. और यहाँ की कीस्टोन स्पीसीज है नीलगिरी मार्टिन. तो जो अब भी हमने शो किया था ये नीलगिरी मार्टिन जो है, तो वो यहाँ की कुछ एक कीस्टोन स्पीसीज आ जाएगी. एंड इवन इट इज़ ऑल्सो द कंसिडरेशन, मतलब ये सब बहुत ही डेंस काइंड ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं, बट स्टिल अंडर द कंसिडरेशन है ये सब के सब, ठीक है. तो ये एक बार फास्ट ओवरलुक कर लो यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट है पेरियार. सो लास्ट इज द पेरियार. सो पेरियार नेशनल पार्क एलिफेंट रिजर्व भी है. ओके सो एलिफेंट रिजर्व भी आ जाएगा एंड टाइगर रिजर्व भी आता है पेरियार. सो पम्बा इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से है, पेरियार एंड पम्बा. ओके पेरियार एंड पम्बा. सो यहाँ पे देखो ये बाकी फिर स्पीसीज है बट नॉट इम्पॉर्टेंट. बस याद रखो पेरियार रिवर पे एक पेरियार नेशनल पार्क आएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट दैट, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ और एक बचा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क. तो साइलेंट वैली रहेगा ना पार्ट, तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ओके और जो कहाँ पे आता है, केरला में. ओके नीलगिरी हिल्स का पार्ट रहेगा ये, ठीक है. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स. ओके बाकी जो भी हमने अभी तक देखे सब अन्नामलाई के पार्ट्स में आते हैं, बट एक ही ऐसा है नेशनल पार्क जो केरला में होगा, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है एंड दैट इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ओके और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, दैट इज़ द करीमपुज्जा रिवर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, करीमपुज्जा रिवर. ओके एंड मुखुर्ती इसके आसपास कुछ आएगा, बट मुखुर्ती इज़ टू द तमिलनाडु, तमिलनाडु में आ जाएगा, ठीक है. और लायन टेल मकाऊ यहाँ के एक एंडेंजर्ड इंपॉर्टेंट स्पीसीज में आ जाते हैं. तो कुरिम मतलब यहाँ पे बस कुंतीपुज्जा रिवर याद रखो, करीमपुज्जा कुंतीपुज्जा, तो ये भरतपुज्जा, तो ये सब रिवर यहाँ से ऊपर की तरफ होते हैं, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन दिस एंटायर केरला पार्ट. ओके बाकी तो चलो यहाँ पे एक इलीगली कैनाबिस का भी प्रोडक्शन होता था. सो इट इज़ होम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट इलीगल प्लांटेशन ऑफ कैनाबिस, है ना. कैनाबिस मतलब क्या होता है, वट इज़ कैनाबिस, मतलब यहाँ पे कुछ ट्राइब है, इरुला मुद्दुगा एंड कुरुम्बा ट्राइब्स है, तो वो यहाँ पे इसका प्लांटेशन करते हैं कैनाबिस, है ना. कैनाबिस मतलब वो आई थिंक गांजा ही होता है ना, बराबर है. सो आई थिंक सम है ना, कैनाबिस तो पता होगा सबको. तो इसका इलीगल प्लांटेशन, इंडिया में तो अलाउड नहीं है ना, ड्रग्स में आता नहीं, तो इसलिए काइंड ऑफ मतलब नार्कोटिक इसमें आ जाएगा, वीड, हाँ किस नार्कोटिक वीड में आ जाएगा. तो याद रखो ये मैरिजुआन, हाँ हाँ आई थिंक भांग समथिंग इज, आई डोंट नो, बट गांजा या भांग कुछ होता है ना, तो गांजा होगा शायद, ठीक है. तो दैट इज़ द यस काइंड ऑफ ड्रग भी हम बोल सकते हैं, वीड, वीड में आता है समथिंग. सो ये इसका प्लांटेशन यहाँ पे बहुत होता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क. तो नाम के लिए साइलेंट वैली है, बट ऐसी हरकतें हो रही है, देखो यहाँ पे इलीगल प्लांटेशन होता है, राइट. चलेगा तो चलो, बाकी तो थ्रेट है ही यहाँ पे, मतलब फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा ये इवेंट्स तो होते रहते हैं. एंड नाउ लास्ट इज द अंदमान निकोबार. लास्ट इज द अंदमान निकोबार. तो अगेन एमपी के बाद सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा, एमपी के बाद सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे हो गए, सो दैट इज इन द यस अंदमान निकोबार.
यस, तो देख लो एक बार, फास्ट फास्ट ओवरलुक दिस पॉइंट. देखो इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, साउथ अंडमान, देन उसके बाद 10 डिग्री चैनल, और उसके बाद आपका निकोबार, एंटायरली निकोबार स्टार्ट होता है. और निकोबार में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सबसे साउथ में आता है, दैट इज़ द ग्रेट निकोबार. ओके, दैट इज़ द ग्रेट निकोबार. तो यहाँ पे टोटल 9 नेशनल पार्क्स आते हैं. सो कैम्पबेल नेशनल पार्क, गैलाथिया बे नेशनल पार्क, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि निकोबार में आते हैं. सो दैट आर इन द निकोबार पार्ट, सबसे साउथ में आ जाएंगे. बाकी बहुत छोटे वाले हैं, हम बस नॉर्मल से ओवरलुक करेंगे. यहाँ पे महात्मा गांधी मरीन वंडरू नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, माउंट हेरियत नेशनल पार्क, जो आपके 20 रुपीज़ के नोट पे दिखेगा, सो दैट इज़ द माउंट हेरियत नेशनल पार्क. नॉर्थ बटन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पिक जो कि हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ एंटायर अंडमान निकोबार, सो दैट इज़ द सैडल पिक, वो भी एक नेशनल पार्क है. एंड सबसे इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, एंड दैट इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ द साउथ बटन. तो हमने जो शुरुआत की थी हेमिस से, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट था लद्दाख की तरफ, और सबसे लास्ट आज हम देख रहे हैं 105th नेशनल पार्क, सबसे लास्ट वाला, सो दैट इज साउथ बटन इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क. ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये सब बटन वाले जो आते हैं बटन, तो ये सब नॉर्थ एंड मिडल एंड लोअर अंडमान में आते हैं सब बटन. नॉर्थ बटन हो, साउथ बटन हो, है ना, या मिडल बटन हो, जो भी बटन है, तो वो सब यहाँ पे अंडमान की तरफ आते हैं. सैडल पिक जो है तो वो सबसे ऊपर आता है. यहाँ पे सैडल पिक अगर आप देखो तो हाईएस्ट पॉइंट जो आता है, तो मतलब एंटायर अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पॉइंट, तो वो सबसे नॉर्थ नॉर्थ अंडमान में आता है, वो सबसे ऊपर की तरफ है. ठीक है, और बस अभी दो बचते यहाँ पे, कैम्पबेल एंड गैलाथिया. सो निकोबार का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, जो कि सबसे साउथ में आता है. अभी ये थोड़ा सा मेरे पीछे हेड हो चुका है, बट अगर आप कार निकोबार से शुरुआत करते हैं हम 10 डिग्री की, और इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार. ओके, तो ग्रेट निकोबार में, ओके, सबसे लास्ट जो ग्रेट निकोबार है, तो वहाँ पे दो नेशनल पार्क आते हैं, पहले दो, कैम्पबेल एंड गैलाथिया बे. ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट. तो एकदम फास्ट हम इसको ओवरलुक कर लेते हैं, तो इसको पहले नोट करके रखो आप, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है. सो देखते हैं फास्ट एकदम ना, कैम्पबेल बे देखो, अभी सबसे नीचे आ जाते हैं हम, इवन एलिफेंट भी यहाँ पे दिख रहे हैं देखो थोड़े बहुत. तो ये निकोबार का पार्ट है, ग्रेट निकोबार. ओके, सो इधर कैम्पबेल बे इज द विलेज निकोबार डिस्ट्रिक्ट, ग्रेट निकोबार तहसील में आता है. इंदिरा पॉइंट, द आइलैंड इंदिरा पॉइंट इज फेमस फॉर बिंग सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. तो ये आइलैंड जो है तो वो निकोबार, ग्रेट निकोबार में आता है, एंड यहाँ पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. ठीक है, सो दैट इज द कैम्पबेल बे, याद रखना. तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट में आ जाएगा, सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, दैट इज कैम्पबेल बे एंड गैलाथी. ओके, सो तो सदर्न मोस्ट समझ रहे हैं सबको, सदर्न मोस्ट में कौन सा आएगा, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क. सो ये इवन इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसमें से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आता है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में दो नेशनल पार्क आते हैं. इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें से सबसे सदर्न मोस्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें फिर आपके दो नेशनल पार्क आते हैं, सो दैट इज कैम्पबेल बे एंड गैलाथिया नेशनल पार्क. तो यूपीएससी कैन आस्क लाइक दिस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सो योर आंसर मस्ट बी कैम्पबेल बे एंड गैलाथिया. अंडरस्टूड, कैम्पबेल बे एंड गैलाथिया. ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, सो रिजर्व दिस कैम्पबेल बे एंड गैलाथिया हमने देख लिया. बाकी यहाँ पे फिर निकोबार लॉन्ग टाइल मेका, यहाँ पे मकाओ भी मिलता है क्रोकोडाइल से कुछ. ओके, उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम लाइक डिफरेंट इंडिजिनियस निकोबारीज एंड शोम्पेन, कुछ यहाँ पे मतलब ट्राइब्स एक्सेट्रा मिलता है, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी है, मतलब शोम्पेन एक्सेट्रा ट्राइब्स आर ऑल्सो देयर. देन उसके बाद गैलाथिया बे जो है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा. सो गैलाथिया फॉर्म्स द पार्ट्स ऑफ द सम व्हाट वी डिसाइड द, मतलब ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये पार्ट है, बस उतना ही फैक्ट याद रखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, बस उतना याद रखो, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के दो पार्ट है, गैलाथिया बे एंड कैम्पबेल बे. ओके, बस ये जीसी याद रखो, जीसी. ओके, तो ये दोनों पार्ट है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कुछ आता है ऊपर की तरफ है, सो नियर वंडरू एंड ऐसे कुछ पार्ट आते हैं. सो यहाँ पे रूटलैंड कुछ आइलैंड आता है, सो बिलोंग टू द रूटलैंड आर्किपेलॉगी एंड रूटलैंड आइलैंड से, एंड सम फ्रिंजिंग रिफ्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको. तो फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रिफ, कोरल के जो तीन टाइप होते हैं कोरल रिफ के, राइट, फ्रिंजिंग,
बैरियर एंड एटॉल, तो उसमें से यहाँ पे फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रिफ आपको मिलता है। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। मिडल बटन ये बहुत ही छोटे छोटे सब के सब, तो पोर्ट ब्लेयर के आसपास आते हैं, मतलब ये जो पोर्ट ब्लेयर है लोअर जो अंदमान है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट, या लोअर अंदमान के आसपास, तो इसके आसपास ये बटन सब आते हैं ना, तो ये बटन वाले सब पॉइंट यहाँ पे। तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इसके, नॉर्थ अंदमान, मिडिल अंदमान एंड दिस है ना, तो डुगोंग डॉल्फिन यहाँ पे मिलते रहता है ठीक है। एंड उसके बाद साउथ बटन एक आ जाएगा, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, सब एक दूसरे के आसपास है, और ये अंदमान के आसपास आते हैं, बस इतना याद रखो। एक है माउंट हेरियत, अब ये भी यहाँ पे ही आता है, मतलब जो आपका लोअर अंदमान है ठीक है, नॉर्थ, मिडिल एंड लोअर अंदमान, तो लोअर अंदमान के आसपास ये, इट इज़ द थर्ड हाइएस्ट पीक इन द अंदमान निकोबार आफ्टर द सैडल पीक एंड माउंट थ्यूलियर, एंड उसके बाद ये थर्ड हाइएस्ट पीक है माउंट हेरियत ठीक है। तो ये आपके 20 रुपीज़ के नोट है ना, देखो है ना, तो उसके पीछे जो पिक्चर ही है तो ये दिखता है ना, तो ये माउंट हेरियत का पिक्चर है, तो ये नेशनल पार्क भी आता है, सो इट इज़ द नेशनल पार्क ऑल्सो माउंट हेरियत। समझ गया सबको यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस एवरी वन अंडरस्टूड? ओके ग्रेट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, सो चलो अभी तक हमने पूरा इंडिया यहाँ पे कवर किया है, ये लास्ट था, बाद में आप इसका लिस्टिंग करो अलग अलग तरीके से, तो हर स्टेट वाइज आप जा सकते हो कि तेलंगाना में कौन से, आंध्रा में कौन से, तमिलनाडु में कौन से नेशनल पार्क, हर हर स्टेट वाइज आपको एक लिस्ट बना के रखनी है ठीक है। सो प्लीज़ मेक अ लिस्ट एंटायर 105 एंड उसका मैपिंग करके रखो, दो तीन ब्लैंक मैप पे अलग अलग से मैपिंग कर देना ठीक है। तो ऐसा एक अप्रोच रखो, और ये हमारे लेक्चर्स जो है, अगर पॉसिबल होगा कि जब आपको कोई स्टेट में कोई नेशनल पार्क का प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो आप उसको फॉरवर्ड करके बाद में भी देख सकते हो ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस, और जो भी स्टूडेंट्स हो गए तो बाकी जो स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर देन प्लस मेंबर्स हैं, तो उनको याद रखना है कि जो स्पेशल क्लास है, या आप अनएकेडमी ऐप पे जाके जस्ट टाइप सुमित कुंडे एंड जो स्पेशल क्लासेस है वो फॉलो करो, या मुझे भी आप फॉलो करके रखो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहता है कि कौन से क्लासेस है, और यहाँ से जब लेक्चर हो जाएगा वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल टेक नेशनल पार्क, या फिर अगर कोई करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, या एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक अप्रोच लेके हम अलग अलग लेक्चर कवर करते हैं, या इवन ज्योग्राफी के भी ठीक है, तो वो लेक्चर्स अटेंड करो एंड उसके पीडीएफ बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन हम डेली न्यूज़ एनालिसिस भी वहाँ पे लेते हैं, अभी रिसेंटली तो इस पे चल रहा है, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल पे अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, बट अभी जैसे मंडे को 1 मई से 15 मई तक पूरा कवरेज होगा, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा राइट आफ्टर द लेक्चर ठीक है। तो पूरा द हिंदू का होलिस्टिक कवरेज हमारा होता है, बहुत इंटरेक्टिव वे से हम करते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो ठीक है। तो ये डाउनलोड कहाँ से करना है, ये सबको एक बहुत बड़ा एक डाउट होता है, तो डाउनलोड आप वहाँ से ही कर सकते हो जहाँ पे आपको जाना है, अनएकेडमी पे ऐप पे जाके आप फॉलो करके रखो, और जैसे लेक्चर के बाद उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है। ओके ओके देन चलो, सो देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो आई होप ये सेशन सबके लिए बेनिफिशियल रहा है ओके। तो आज मतलब एक ठीक है, हम मान सकते हैं कि कुछ पार्ट आपको याद नहीं होंगे, बट उसको जैसे आप रिवाइज करोगे तो और बेटर याद रह जाएगा, बट एटलीस्ट प्रीवियस कंडीशन से तो आई होप आप आपको आज एक बेटर कंडीशन है कि 105 नेशनल पार्क आपको अच्छे तरीके से समझ चुके, या एग्जाम अप्रोच भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किसको स्किप करना है, तो वो आपको शायद यहाँ पे समझा हो ओके। सो आई होप दिस सेशन इज़ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव ओके। यस थैंक यू यस थैंक यू एवरीवन, यस थैंक यू दक्षिता, दक्षिता ऑल्सो एंड अर्जु ऋतिक, यस ओके एवरीवन थैंक यू, यस यस टुडेज लेक्चर पीडीएफ, यस वो सब पीडीएफ आ जाएगी आपके ठीक है। लेक्चर बस ऋतिक फॉलो करो, और जैसे मंडे को हमारा लेक्चर हो जाएगा तो लास्ट 15 डेज के आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे। यस ग्रेट ग्रेट, यस ग्रेट राशि ऑल्सो, यस थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो ओके चलेगा ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू एवरीवन, सो गुड नाइट एंड प्लीज़ रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर 2021 अटेम्प्ट, जो 21 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए। यस ओके ग्रेट, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, यस।